हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आई एम टॉकिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ मई 22 एंड नवंबर 22 हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स इन दीज टू अटेम्प्ट्स और ईदर ऑफ द टू अटेम्प्ट्स। सो अगर आपने मेरा रेगुलर बैच लिया है फॉर मई 22 और नवंबर 22 या फास्ट्रैक बैच लिया है, या आप पुराने बैच के स्टूडेंट हो, पिछले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हो जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था और अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाए, या जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में पढ़ाई किया था एग्जाम नहीं दिया था और अब मई 22 में एग्जाम देना चाहते हो या नवंबर 22 में एग्जाम देना चाहते हो, जरा ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं, ठीक है। तो टुडेज सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल, फॉर ऑल दोज हु आर गिविंग देयर एग्जाम्स इन मई 22 एंड नवंबर 22 एंड स्पेशली द ग्रुप टू पेपर। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप टू। मैंने अपने मई 22 बैच वालों को अपनी क्लास में बोला था कि मैं अपना बैच एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से खत्म कर रहा हूं, आगे जाकर अगर थोड़े बहुत कोई अमेंडमेंट आते हैं जो इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में कवर करता है इन द फॉर्म ऑफ सम नोटिफिकेशंस या सम रूल्स या सर्कुलर्स या सम एडिशनल क्वेश्चंस, तो वो सब मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वो सब मैं आपको करवा दूंगा, यू डोंट हैव टू लुक इन टू द स्टडी मटेरियल एंड आइडेंटिफाई वॉट इज डन वॉट इज नॉट डन। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बस मैं वो कंपाइलेशन ही बना रहा था कि स्टडी मटेरियल में आईसीआई ने क्या एडिशनल रूल्स कवर किए, क्या एडिशनल नोटिफिकेशन कवर किए जो बाद में आए, पहले नहीं थे वो, और क्या एडिशनल क्वेश्चन कवर किए जो अच्छे क्वेश्चन है, वो भी मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने क्लास में इनफैक्ट बोला भी था कुछ रूल्स, तो जैसे स्लम सेल के अंदर एक रूल आया था, तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं अभी ये अननेसेसरी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं करवा देता हूँ बाद में आईसीआई बोलता है नॉट एप्लीकेबल, फिर पूरा समय बर्बाद होता है। तो अगर आईसीआई ने जो भी ऐसे नए रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन सर्कुलर या एडिशनल क्वेश्चन अगर कुछ कवर किया है आपके स्टडी मटेरियल में, तो वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, सम ऑफ देम आर एब्सोल्युटली ग्रेट प्रोविजन, जबरदस्त प्रोविजन है, माइंड बबलिंग प्रोविजन है, दिमाग घूम जाएगा वैसे प्रोविजन है। और अगर आप खुद से कितना भी पढ़ते रहो, आपको बहुत ज्यादा समय चला जाएगा उसके लॉजिक को समझने में कि एग्जैक्टली ये प्रोविजन क्यों आया, ये अमेंडमेंट क्यों आया एक्सेट्रा, और इसके आंसर्स भी आपको कहां से आ रहे, भाई सर कैसे आ रहे, कैसे आंसर आपको, वो सारी चीजें समझने में भी आधा दिमाग चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा इंटरप्रिटेशन स्किल है, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्कशन आज जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि सेक्शन 9B और सेक्शन 45(4), ये आपको पता होगा कि ये दो नए सेक्शन आए हैं फाइनेंस एक्ट 2021। ये दो नए सेक्शन जो फाइनेंस एक्ट 2021 में आए हैं वो क्या बोलते हैं, हम सबको पता है, हमने इस पे डिटेल में क्लास में प्रोविजन किया है, हमने इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है, और मैंने इस पे यूट्यूब पे भी जो मैराथन अमेंडमेंट लेक्चर है उसके अंदर भी मैंने 45(4) और 9B का डिस्कशन डिटेल में किया है, ठीक है। बट यहां पर अब CBDT ने कुछ रूल्स लाए हैं, कुछ सर्कुलर्स लाए, कुछ गाइडेंस नोट लाए, और CBDT ने अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं टू एक्सप्लेन कि ये प्रोविजन कैसे चलेगा। और जब CBDT ने प्रोविजन लाया था ना, तभी बोला था इन ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टी, अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम लोग आगे जाकर इस पे रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन सर्कुलर लाएंगे। तो CBDT ने अब इस पूरे सेक्शन को कैसे चलेगा, कैसे ऑपरेशनल होगा ये सेक्शन, हाउ इट विल रन, हाउ द टैक्सेबिलिटी विल बी चार्ज बिटवीन डिफरेंट असेसीज हैंड्स, ऑल ऑफ देम हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल बाय CBDT। Now, मैंने क्या किया पता है, मैंने यहां पर पूरा का पूरा प्रोविजन डाल दिया है, लेकिन जो अमेंडेड पार्ट है, लेट मी टेल यू, वो आपको यहां मिल जाएगा इटैलिक्स में ऐसे क्रॉस क्रॉस, ठीक है। जैसे ये यहां से आपका अमेंडेड पार्ट आएगा, इसके पहले वाला जो भी पार्ट है वो सब आपने क्लास में पहले पढ़ के रखा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, 9B और 45(4) मैंने आपको साथ में पढ़ा था। 9B कब अट्रैक होता है बताए, जब एक पार्टनरशिप फर्म या AOP BOI का डिसोल्यूशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो अपने पार्टनर को कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करती है तो 9B अट्रैक्ट होता है। और 45(4) का अट्रैक्ट होता है जब एक पार्टनरशिप फर्म का सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो अपने पार्टनर को मनी या कैपिटल असेट या दोनों देती है तब अट्रैक्ट होता है। और मैंने आपको क्लास में सम्स भी करवाया है जिसमें मैंने आपको बोला है कि 9B के साथ साथ 45(4) दोनों अट्रैक्ट होगा, दोनों अट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9B अट्रैक्ट होगा, 9B भी अट्रैक्ट होगा और 45(4) भी अट्रैक्ट होगा, दोनों के दोनों अट्रैक्ट होने वाले, ठीक है। यहां पर अभी ये जो पहला अमेंडमेंट है ना, यही सबसे तगड़ा अमेंडमेंट है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बट मैं ये गारंटी देता हूं आप लोगों के दिमाग के अंदर घुसेड़ दूंगा पूरा का पूरा अमेंडमेंट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ डिस्कशन नंबर 1 एंड डिस्कशन नंबर 2, ये दोनों सेम चीज पर है, इट इज ऑन 9B 45(4)
एंड सेक्शन 48 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो सबसे पहले एक काम करना, जाकर 45(4) और 9 भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं 45(4) और 9 भी नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ाने बैठ जाऊं तो फिर तो 2 घंटे और उसमें ही चले जाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव वो पढ़ाना नहीं है। हाँ, यहां पर मैंने सब डाल दिया हूं, द रीजन बीइंग कि आपको मल्टीपल जगहों पे अगर रेफर नहीं करना है तो आप सब कुछ एक ही जगह से देख के खत्म कर लो। लेकिन जो हमने पहले ही पढ़ लिया है वो चीजें मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, उसका एक ब्रशअप कर दूंगा मैं। वो चीजें यहां पर मैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट नोट्स होंगे, और जो नए अमेंडमेंट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन है, वो आपको इटैलिक्स में दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं 9B और 45(4) का क्या है। 9B में आपको कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी दोनों लग सकता है, और 45(4) में आपको सिर्फ कैपिटल गेन्स लगेगा। और फिर बाद में सेक्शन 48 में एक अमेंडमेंट आया। सेक्शन 48 क्या है सर? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ अदर देन ब्लॉक। अदर देन ब्लॉक वाले केस में कैपिटल गेन्स कैसे कंप्यूट होता है? कैसे होता है? सिंपल तरीका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल गिव यू कैपिटल गेन्स। तो अब यहां पर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया, वो अमेंडमेंट ये है कि अब से आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ साथ एक और चीज लेस करोगे। वो चीज क्या है? वो पॉइंट नंबर 3 है। ये भी मैंने आपको क्लास में बोल दिया था, आप जाकर चेक करना अपनी बुक, मैं आपको बताता हूं कहां पर। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक बोलो तो टेक्स्ट बुक, नहीं तो समरी बोलो तो समरी से भी बता सकता हूं। यहां पर कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इज ऑल्सो मेड इन 48 टू प्रोवाइड दैट In case of specified entity, the amount included in the total income of such specified entity which is attributable to the capital asset being transferred shall be reduced from the full value of consideration to compute the capital gains. This is to be calculated in the manner to be prescribed later. So, क्या वो later आ चुका है? The answer is yes. So, अब ये later आ चुका है कि अब इसको कैसे reduce करोगे आप? कैसे reduce करोगे? तो यही भाषण यहाँ पर CBDT ने detail के detail rules में डाल के रखा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, सबर करना। सीबीडीटी ने लाया नया रूल, रूल 8AB नोटिफिकेशन नंबर 76/2021 सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है यहां पर? बहुत पहले आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, पहले जाओ आप 9B पढ़ लो, 45(4) पढ़ लो। सर अब बहुत पहले पढ़ा था सर, सर याद नहीं, बहुत पहले। तो टेंशन मत लो, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर खोलो, कौन सा अपना अमेंडमेंट का लेक्चर, मैराथन अमेंडमेंट, उसमें से देख लो एक बार सर। उसमें वो इतना 9 घंटे का लेक्चर सर कहां ढूंढते बैठेंगे सर? अच्छा, वो भी प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प मिलेगा, उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली 9B और 45(4) खुलेगा। बेटा उत्ता तो कर लो, ठीक है, वो करे बगैर इधर नहीं आना। अगर वो करे बगैर इधर आ रहे हो तो आप इधर आओ ही मत, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। पहले वो पढ़ लो फिर इधर आना, ठीक है, क्योंकि मैं वो अजम्पशन नहीं लेने वाला हूं कि आपको वहां नहीं याद। मेरा ये अजम्पशन है आपने वो 9B और 45(4) पढ़ा है। ठीक है, इनफैक्ट अब तो आपने रिवाइज भी किया होगा एक बार, ये उम्मीद लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने रिवीजन वीडियोस ये सब भी डाल दिए उसके। नाउ लिसन केयरफुली, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है प्रोविजन। अकॉर्डिंगली सीबीडीटी हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 76/2021, पेशेंस रखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, पेशेंस, has inserted rule 8AB for attribution of income taxable under section 45(4) to the capital asset remaining with specified entity under section 48. Listen carefully. Bahut zyada dhyan se sunna. Pay attention please all of you. Ek second rukho zara. बात सही है, पेशेंस। चलो पढ़ते हैं प्रोविजन क्या बोलता है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 क्लॉज 3 वेयर द अमाउंट विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी, मतलब फॉर्म अंडर सेक्शन 45(4) द स्पेसिफाइड एंटिटी शैल एट्रीब्यूट सच अमाउंट टू द कैपिटल असेट रिमेनिंग विद द स्पेसिफाइड एंटिटी इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल। अब इस रूल में कैसा प्रोवाइड किया है? इस रूल में ऐसा प्रोवाइड किया है, बिलीव मी आप लाख बार पढ़ लो, ये कुछ पढ़ ले नहीं पढ़ना है तुम्हारे। ठीक है, ये क्या रूल बोला, ये अच्छे अच्छे के पढ़ ले नहीं पढ़ा है, ये बड़े बड़े प्रैक्टिशनर भी आके पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ हमको क्या, ये जो सीए बन बन के बैठे हैं पहले से, बहुत सालों से जो सीए बने इंक्लूडिंग मैं, मुझे भी बहुत समय लगा है सब समझने में, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब इन सब चीज को समझने के लिए अपने को कुछ
एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, वो भी मेरे नहीं है, सीबीडीटी ने खुद एग्जाम्पल दिया है। सीबीडीटी ने खुद बताया कि ये अब कैसे काम करेगा, हम आपको बताते हैं ये कैसे ऑपरेट करेगा, पूरा गाइडेंस नोट दिया है इसके ऊपर, क्योंकि सिर्फ ये प्रोविजन डालकर कुछ पल्ले नहीं पड़ना है, तो वो गाइडेंस नोट समझना पड़ेगा। वो गाइडेंस नोट कहां पर है? वो गाइडेंस नोट यहां दिया गया है, यहां 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 ये दिख रहा है आपको। ये सीबीडीटी ने कुछ एग्जाम्पल्स डाले, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर रिमूविंग डिफिकल्टीज इफ एनी द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 9B एंड 45(4) इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। बस ये तीन एग्जाम्पल यहां पर डाले, ये तीन एग्जाम्पल आपको क्रिस्टल क्लैरिटी दे देगा एग्जैक्टली ये प्रोविजन कैसे रन करेगा। तो शुरू करें इसको, पहला एग्जाम्पल आराम से घाई नहीं, इसलिए पहले 9B 45(4) पढ़ के आओ, प्लीज रिक्वेस्ट पढ़ के आओ। नहीं पता है कब पढ़ा था तो मैराथन रिवीजन वीडियो में देख कर आओ प्लीज, अभी एक हफ्ते पहले ही डाला था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। एग्जाम्पल नंबर वन, आई एम अज्यूमिंग यू नो 9B एंड 45(4), प्लीज। एग्जाम्पल नंबर वन, देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, देख लेना। There are three partners A, B and C in a firm FR having one third share. तीन partner है, तीनों का share one third है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Each partner has a capital balance of 10 lakh in a firm. सबका capital में कितना balance है? 10 lakh का balance है capital balance. There are three pieces of land S, T and U in that firm. उस firm में तीन partner है और तीन land है S, T and U. And there is no other capital asset. इस पे गौर करना जरा, और कोई कैपिटल असेट नहीं है फॉर्म में, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द लैंड इज 10 लाख। ऑल दीज थ्री लैंड्स वर अक्वायर्ड बाय द फॉर्म मोर देन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले लैंड खरीदा था, ठीक है, 2 साल पहले, मतलब लैंड लॉन्ग टर्म है, 2 साल से पुराना लैंड है तो लॉन्ग टर्म हुआ ना। तो ये सिचुएशन जरा अच्छे से समझ लो, पहले मैं एक एक पैराग्राफ पे समय बिताना चाहता हूं। तीन पार्टनर है एक फॉर्म के अंदर, तीनों का इक्वल पार्टनरशिप है, फॉर्म में तीन लैंड है, उसके अलावा फॉर्म में और कुछ भी एसेट नहीं है, और ये तीन लैंड का बुक वैल्यू कितना है? तीनों का 10-10 लाख का बुक वैल्यू है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। पार्टनर ए विशेस टू एग्जिट, पार्टनर ए को छोड़ के जाने का। द फॉर्म रीवैल्यूज इट्स लैंड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज डिफाइंड इन रूल 11U एंड एज पर दैट वैल्यूएशन रिपोर्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एस एंड टी इज 70 लाख while fair market value of land U is 50 lakhs. तो अब इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है, पूरी कहानी समझ लो पहले। अब पार्टनर ए बोल रहा है मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो फर्म ने क्या किया, लैंड को रिवैल्यू किया, एस और टी को 70 lakhs कर दिया, कितने से, 10 लाख से, मतलब एस और टी 60 lakhs बढ़ गए, और जो यू लैंड है, लैंड यू, वो कितनी बढ़ गई, वो 40 लाख से बढ़ गई और 50 lakhs हो गई, क्योंकि ऑलरेडी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 लाख थी, वो 40 लाख से बढ़ गई। अब जब पार्टनर जा रहा है तो उसको कुछ देना पड़ेगा, फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक पार्टनर छोड़ के गया तो इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म। तो पार्टनर को क्या दे रहा है फॉर्म, जरा गौर से देखना। द फॉर्म डिसाइड्स टू गिव 11 लाख ऑफ मनी एंड लैंड यू टू सेटल हिज कैपिटल बैलेंस। तो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को छोड़ के जाने पर दो चीज दे रहा है, एक पैसा और एक क्या, गौर से सुनो, लैंड। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 9B अट्रैक्ट होता है क्या चेक करेंगे। 9B कब अट्रैक्ट होता है, जब फॉर्म अपने पार्टनर को, सुन लो, डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन में स्टॉक इन ट्रेड देता है या कैपिटल असेट देता है, दोनों में से कुछ भी एक देता है या दोनों देता है, तो 9B अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या यहां पर फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है? हाँ हो रहा है, एक पार्टनर जा रहा है, इट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जाकर चेक करना, मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसका भी मतलब समझाया था। तो क्या ये फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है? द आंसर इज यस। दूसरी चीज, क्या पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को कैपिटल असेट दे रहा है और पैसा दे रहा है? पैसा दे रहा है वो छोड़ो, क्या कैपिटल असेट दे रहा है? हाँ, 9B में पैसा नहीं कवर है, 9B में स्टॉक इन ट्रेड दे रहा है तो कवर है, कैपिटल असेट दे रहा है तो कवर है। क्या कैपिटल असेट दे रहा है? द आंसर इज यस। कितने का? तो मैंने आपको बोला था, तो उस केस में आपको सेल कंसिडरेशन FMV ऑफ द असेट लेना पड़ेगा और कॉस्ट तो आपका कॉस्ट है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9B, पहले 9B अट्रैक्ट होगा, it would be deemed that the firm FR has transferred land U to partner A at its fair market value of 50 lakhs. Let us assume that the index cost of acquisition of land U is 15 lakhs. देखो firm अपने partner को क्या दे रही है, जा रहा है तो पैसा तो दे ही रही है, कितना, 11 लाख, साथ साथ में 50 लाख की fair market value वाली land भी दे रही है land U,
पैसा देने पर 9 भी अट्रैक्ट नहीं होता है, पैसा देने पर 45.4 अट्रैक्ट होता है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन लैंड देने पे तो 9 भी अट्रैक्ट होगा ना, तो लैंड देने पे 9 भी अट्रैक्ट हो रहा है, फर्म को टैक्स लग जाएगा। ये डीम किया जाएगा कि फर्म ने अपना पार्टनर को क्या दिया है, असेट ट्रांसफर किया है फेयर मार्केट वैल्यू पे, और फर्म को कितना कैपिटल गेंस लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड गिवन, दैट इज 50 लाख, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि जो ओरिजिनल ऊपर लिखा है लैंड 2 साल से पुरानी, ऊपर लिखा है ना कि लैंड 2 साल से पुरानी, इसलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, 15 लाख है। देयरफॉर कैन आई से 9B के अंदर पार्टनरशिप फर्म के हाथ में 35 लाख रुपीज चार्ज हो जाएगा एज टैक्स। 9B में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में 35 लाख रुपीज टैक्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यह भाषण नीचे दिया गया अगले पैराग्राफ पर। Now, on account of deeming provisions of 9B, it is deemed that the firm has transferred land U to partner A. Thus, an amount of 50 lakh less rupees 15 lakhs would be charged to tax in the hands of firm under the head capital gains for partner A. अब ये कौन बोल रहा है? Circular बोल रहा है CBDT का, ये notification बोल रहा है 76/2021 for partner A. The cost of acquisition of this land would be 50 lakhs. अब ये land partner के पास चली गई ना, आगे जाकर partner बेचेगा तो पार्टनर के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? तो सर्कुलर बता रहा है अपने को, ये रूल बता रहा है अपने को कि पार्टनर के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगा जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, 50 लाख विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अब पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन्स कितना है? 35 लाख का। नाउ लेट अस अज्यूम दैट, सारा अजम्पशन पे चल रहा है ये एग्जांपल, द टैक्स इज 7 लाख। कैसे आया 7 लाख टैक्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स लगता है, तो 35 लाख का 20% कम्स टू 7 लाख, और 7 लाख के ऊपर क्या लग जाएगा? सेस और सरचार्ज इग्नोर करने बोला है, ताकि फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी चेक करो, और ईज ऑफ कैलकुलेशन लेट अस इग्नोर सेस एंड व्हाट एंड सरचार्ज, वो इग्नोर करते हैं। देयरफॉर अभी तक का क्या सीन है? अभी तक का ये सीन है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, एबीसी, तीनों इक्वल शेयर प्रॉफिट करते हैं, और पार्टनरशिप फर्म के पास बस 3 लैंड है, बस तीनों का बुक वैल्यू 10 लाख है, फर्म ने उसको रीवैल्यू किया और बाद में पार्टनर को असेट दे दिया, ठीक है। जो पार्टनर को असेट दिया है, जो छोड़ के जा रहा है उसको जो असेट दे रहा है, उस पर 9B अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 9B अट्रैक्ट होता ही तब है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, और पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को क्या देती है? ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या 45.4 भी लगेगा? 45.4 कब लगता है सोचो? 45.4 के अंदर एक फॉर्मूला दिया है गवर्नमेंट ने, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, where B is equal to money received, where C is equal to fair market value of asset received, and D is equal to what? बोलिए, D is equal to what? The amount in the revaluation account of the partner. बराबर? तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना भी मेरी बात, ये आगे अभी ट्विस्ट आने वाला है, बहुत जबरदस्त वाला ट्विस्ट आने वाला है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है सुनो, यहां से गवर्नमेंट ने अभी सर्कुलर के अंदर अपना मोड बदल दिया है, और मोड पूरा तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे बताना कौन जा रहा है? मिस्टर ए इज मेकिंग एन एग्जिट, बराबर, एग्जिट मार रहा है मिस्टर ए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना प्लीज, एग्जिट मार रहा है कि नहीं मार रहा है? हाँ, डेफिनेटली मार रहा है सर, ठीक है, जाने दो सर, जाने दो। इसको क्या दे रहे हैं हम लोग? इसको एक लैंड दे रहे हैं, लैंड उसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है 10 लाख, उसको हमने रिवैल्यू किया, हाँ, तो उसकी एफएमवी कितनी हो गई? एफएमवी हो गई उसकी 50 लाख। मुझे बताओ, अगर रिवैल्यू करोगे तो अकाउंटिंग्स अकाउंट्स में बताओ क्या अकाउंट्स में इसका प्रॉफिट 40 लाख से बड़ा कि नहीं बड़ा? फर्म का अकाउंट्स में फर्म का 40 लाख से प्रॉफिट बड़ा कि नहीं बड़ा? बड़ा ना। अब देखो यहां पर सीबीडीटी ने पूरा अपना मैकेनिज्म बता दिया है कि यहां पर आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, पूरा मैकेनिज्म सीबीडीटी यहां बता दिया आपको, जो शायद पहले हमको नहीं पता था कि एग्जैक्टली कैसे करना है। सीबीडीटी ने एग्जाम्पल के थ्रू दिया, सीबीडीटी ने बोला कि आपका बुक वैल्यू ऑफ लैंड जो आप ट्रांसफर कर रहे हो 10 लाख था, आपने उसको रीवैल्यू करके 50 लाख कर दिया। अब 50 लाख करने के बाद आपको एक काम करना होगा कि आपको 40 लाख रुपए का बुक में प्रॉफिट आया, लेकिन उस 40 लाख रुपए में से आपने 7 लाख रुपए का टैक्स भरा है। टैक्स क्यों भरा है? क्योंकि फर्म को टैक्स भरना पड़ेगा 49B के हिसाब से। अरे 9B के हिसाब से फर्म को 35 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उस पर 20% टैक्स, 7 लाख टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 9B के हिसाब से फर्म को टैक्स भरना पड़ेगा,
7 लाख रुपीज का। तो इफेक्टिवली बुक में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच रहा है? 33 लाख बच रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम, ये 33 लाख आप तीनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये तीनों का इक्वल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है ना उनका, ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, तो तीनों पार्टनर को 11 लाख मिल जाएगा। यस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जरा ध्यान से देखना, ये इसका फोटो लेना है तो ले लेना, कि मैकेनिज्म ने तो ये समझ ही नहीं आएगा कि इस पैराग्राफ में क्या चल रहा है। द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 33 लाख, आप सोचते बैठो जिंदगी भर आपको पल्ले नहीं पड़ेगा 33 लाख कहां से आया। तो ये 33 लाख इस तरीके से आया, जैसे मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू आपकी 10 लाख थी, आपने 40 लाख से उसको रिवैल्यू किया तो 50 लाख हो गया, तो 40 लाख का आपका प्रॉफिट है, लेकिन उसमें से 7 लाख रुपए का आपने 9B के हिसाब से टैक्स भरा, बच गया 33 लाख, तीनों पार्टनर में डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड कर दिया। ये करना मैंडेटरी है एज पर दिस गाइडेंस नोट। द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 33 लाख, दैट इज कैपिटल गेन्स ऑफ 40 लाख लेस 7 लाख is to be credited in the capital account of each of the three partners, that is 11 lakh each. Thus, partner A capital account would increase to 21 lakhs. Partner A ka capital account 21 lakhs ho jayega. Kaise? Kyunki pehle 10 lakh tha, abhi 11 lakh se aur badh gaya, to 21 lakhs ho gaya partner A ka capital account. Ab CBDT ne bataya ki ye exercise karna kyun zaruri hai. This exercise is required to be carried out since 9B mandates that it is to be deemed that the firm has transferred the land due to partner A and the long term capital gains of 35 lakhs is chargeable to tax in the hands of the firm. To ye exercise karna bahut zaruri hai, ye paragraph bahut critical hai hamare liye, ye mat bhulna please, ke jo asset aap revalue kar rahe ho, jo asset aap asset transfer kar rahe ho partner ko jo chhod ke ja raha hai, us par jo bhi profit aa raha hai, jo firm ke books mein record hoga, usme se tax less karo aur tino partner mein divide karo, और पार्टनर के क्रेडिट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो अभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया 21 लाख। ये पूरा मैकेनिज्म है, सीबीडीटी बता रही है एक्चुअली में इस सेक्शन में कंप्यूटेशन कैसे होगा, ये तरीके से कंप्यूटेशन होगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। अब 45(4) में आते, 45(4) में कब अट्रैक्ट होता है? 45(4) तब अट्रैक्ट होता है जब एक फर्म अपने पार्टनर को ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन पैसा देती है या असेट देती है या दोनों देती है, तो उसमें कैपिटल गेन्स कैसे निकाला जाता है? जितना भी पैसा मिला प्लस जितना भी असेट मिला पार्टनर को माइनस जितना भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है, डिफरेंशियल अमाउंट विल बी कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। चेक करो, एज अगेंस्ट कैपिटल बैलेंस ऑफ 21 लाख, पार्टनर ए हैज रिसीव 61 लाख। कैसे 61 लाख? 50 लाख का उसको लैंड मिला पार्टनर को और 11 लाख रुपया उसको क्या मिला? कैश मिला। 10 रुपीज 40 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी चार्ज अंडर 45(4). ये फॉर्मूला है, याद करना क्या फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। अगर आप भूल चुके हो जिंदगी में तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, याद करो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के हिसाब से। और एंड में मैंने आपको क्लास में बोला भी था दैट वेयर अ कैपिटल असेट इज रिसीव्ड बाय specified person from a specified entity in connection with reconstitution of such entity, the provision of 45(4) shall operate in addition to the provisions of 9B and tax liability shall be worked out independently. तो दोनों सेक्शन साथ में लगेंगे एक समय में, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो चलो लगा रहे हम लोग, पहले 35 लाख का टैक्स, 35 लाख का कैपिटल गेन्स आ गया 9B में, अब 40 लाख का कैपिटल गेन्स आ गया किसमें? तुम्हारे 45(4) में। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है सुनो, ऊपर आ जाओ, यहां पर आना, यहां पर अब इसको क्लियरली पढ़ना, पहला एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। डबल टैक्सेशन को रोकने के गवर्नमेंट ने आपके लिए एक रिलैक्सेशन लाया, क्या रिलैक्सेशन? फॉर द पर्पस ऑफ 48(3), मतलब आपका कंप्यूटेशन मैकेनिज्म, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसमें गवर्नमेंट आया। हमारी बुक में कहा है सर, हमको बताओ, सब बताता हूं, हमारी बुक में भी आया है भाई, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूं मैं। यहां देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड फाइनेंस एक्ट 2021 अमेंडमेंट, जिसको गवर्नमेंट आगे जाकर प्रिस्क्राइब करेगी, मैंने बोला था और अभी प्रिस्क्राइब कर चुकी है, बराबर। तो अब इसमें से क्या लेस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये बच्चों का खेल नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्या लेस करने की बात चल रही है। इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी मनी और कैपिटल असेट रिसीव बाय स्पेसिफाइड पर्सन दैट इज पार्टनर फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी दैट इज फर्म रेफर टू इन 45(4)
The amount chargeable to income tax as income of such specified entity under that section, which is attributable to the capital asset being transferred by the specified entity calculated in the prescribed manner, has to be reduced from here. यहां से इसको less करना है. पढ़ के clarity नहीं आएगी, सबर करना. Accordingly, CBDT has wide notification number 76/2021 inserted rule 8B for attribution of income taxable under 45(4) to the capital asset remaining within the specified entity under 48 and for the purpose of section 48 where the cap amount is chargeable to income tax as income of the specified entity under section 45(4). The specified entity shall attribute such amount to the capital asset remaining with the specified entity in a manner provided in this rule. बराबर से इस पैराग्राफ को पढ़ना दो तीन बार. मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ. मैं नंबर से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. फॉर द पर्पस ऑफ 48 क्लॉज 3 वेयर द अमाउंट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर 45(4) इन माय एग्जांपल हाउ मच इज चार्जेबल एज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर 45(4) 45(4) में कितना चार्जेबल हुआ है स्पेसिफाइड एंटिटी के हाथ में 40 लाख कॉमा द स्पेसिफाइड एंटिटी शैल एट्रीब्यूट सच अमाउंट टू द कैपिटल असेट रिमेनिंग विद द स्पेसिफाइड एंटिटी इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल. अभी भी पढ़ लेनी पड़ेगा, सबर करना जरा, बहुत पेशेंस के साथ सबर करना, ठीक है, घाई नहीं करना. अब क्या बोलना चाहता है मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है. 45(4) में कितने अमाउंट पे टैक्स लगा अपने को? 45(4) कितने अमाउंट पे टैक्स लगा? 40 लाख पे. तो गवर्नमेंट बोलती है ये 40 लाख पे आपको जो टैक्स लगा है ना, ये आपके पास फर्म के पास जो रिमेनिंग असेट है ना उसको एट्रीब्यूट कर दो. अब रिमेनिंग असेट फर्म के पास कितने हैं? फर्म के पास दो रिमेनिंग असेट है. देखो यहां पर चेक करो मेरे एग्जांपल में, एग्जाम के बगैर तो कुछ पढ़ ले नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि सीबीडीटी खुद बोलती है रिमेनिंग असेट अभी कौन सा है? एस और टी, क्योंकि यू तो आपने दे दिया. अब जब भी फर्म एस या टी बेचेगी ना, तो एस और टी के सेल कंसिडरेशन में से फर्म को क्या निकालना पड़ेगा? फर्म को ये 40-40 लाख मतलब 20-20 लाख निकालना पड़ेगा, बिकॉज एस का वैल्यू भी 60 लाख से और डी का वैल्यू भी 60 लाख से, 70 लाख से या 60 लाख जो भी, एक सेकंड यहां पर देख लेता हूं मैं, नंबर्स में अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये दोनों का वैल्यू, हाँ 70 लाख से. बहुत अच्छे से सुन लेना, आपको यू ट्रांसफर करने पर 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स लग गया, यू और पैसा देने पर अपने अपने पार्टनर को आपने लैंड यू दिया और पैसा दिया, तो 40 लाख रुपए का फर्म को 45(4) में जो कैपिटल गेन्स लगा. बट यहीं से क्या शुरू होता है कि जितना पैसा आपका 45(4) में टैक्स लगा है चिंता ना करो, वो आप रिमेनिंग असेट्स जो फर्म के पास है ना उसको एट्रीब्यूट कर दोगे, और आगे जाके जब फर्म लैंड एस या लैंड टी बेचेगी ना तो उसके सेल कंसिडरेशन में से फर्म ये 40 लाख लेस करेगी, दैट इज 50-50, क्योंकि एस और टी दोनों की वैल्यू सेम है 70-70 लाख, वो प्रपोर्शन में. अगर एस और टी 70-70 नहीं होता, 100 और 50 होता, तो 2/3 और 1/3 के हिसाब से लेस करता. I don't know whether you got this point or not. तो ये बोलता है 48 का क्लॉज 3, ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉज 3, बहुत आराम से, ऑफ सेक्शन 48, रीड विद 8AB, दिस 40 लाख इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग असेट ऑफ द फर्म. व्हाट इज रिमेनिंग? दो लैंड बची हुई, उसको एट्रीब्यूट कर दो. ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू रिवैल्युएशन बेस्ड ऑन द वैल्युएशन रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. In this case, as per revaluation, there are only two capital assets remaining, land S and land T. In both the cases, the value has increased by 60 lakhs each. Thus, out of 40 lakhs, rupees 20 lakhs shall be attributed to land S and rupees 20 lakh will be attributed to land T. When either of these two lands get sold, this amount attributed to them would be reduced from the sale consideration under clause 3 of section 48. I hope it is clear to all of you. ये है जबरदस्त provision. एक last paragraph है, उस पे मैं आता हूं. तो जितना भी 45(4) में आपको capital gain हुआ, वो आप अपने बचे हुए asset पर क्या करोगे? Attribute कर दोगे. अब लैंड यू बेचने पे और पैसा देने पर कैपिटल गेन 40 लाख रुपए का आया 45(4) में, तो आप क्या करोगे? आप जो बचा हुआ असेट कौन सा है, दो असेट का नाम क्या, लैंड एस और टी को एट्रीब्यूट कर दोगे, और जब भी एस और जब भी टी बेचोगे उसके सेल कंसिडरेशन में से आप यहां से पॉइंट नंबर 3 से उसको लेस कर दोगे, दैट इज 20-20 लैक्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. I hope it is clear. Now, एक बहुत जबरदस्त कैच बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना.
ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना सर, ये जो 40 लाख रुपीज फर्म को चार्ज हुआ, फर्म को कितना चार्ज हुआ 45(4) में, सुन लो ये भी बहुत जबरदस्त बाप बाप प्रोविजन है। देखो 9B ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 9B में क्या चार्ज हो रहा है अपने एग्जांपल में, फर्म ने पार्टनर को क्या दिया, लैंड दिया, वो 9B में कवर है, पैसा दिया वो 9B में नहीं कवर होता है। अब लैंड 2 साल से पुरानी है तो ये वाला गेन तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आग बन करके बोलो ठीक है, उसमें सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए। लेकिन 45(4) का जो गेन है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप लैंड भी दे रहे हो साथ साथ में आप मनी भी दे रहे हो। अब मनी का तो कोई पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं होता, ठीक है, मैं मानता हूं लैंड बहुत लंबे समय से आपने होल्ड करके रखा है, लेकिन मनी क्या होता है, यहां पर कैपिटल गेन्स आप कैसे निकालते, ए इज इक्वल टू बी, बी इज मनी, मनी इज हाउ मच 11 लाख, प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, सी इज इक्वल टू लैंड, लैंड इज हाउ मच, लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख, माइनस डी, डी इज वॉट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, दैट इज 21 लाख, ठीक है, डिफरेंशियल अमाउंट कैपिटल गेन्स 40 लाख का है। सवाल ये उठ रहा है कि इसका नेचर क्या होगा, ठीक है, ये 45(4) में जो कैपिटल गेन्स आता है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, सुन लो, बाप बाप लेवल के प्रोविजन बना के रखे, तो गवर्नमेंट ने बोला इसका नेचर पता लगाने के लिए वेदर दिस पर्टिकुलर 40 लाख का कैपिटल गेन्स विच इज चार्जेबल अंडर 45(4) इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, उसके लिए भी हमने एक रूल लाया है। अब ये डिस्कशन नंबर 2 से मैं जंप मार रहा हूं, ये डिस्कशन नंबर 2 था ना, यहां से मैं जंप मार रहा हूं डिस्कशन नंबर 1 पे। डिस्कशन नंबर 1 में सब पूरा प्रोविजन मैंने रिपीट कर दिया हूं, जैसे पहले 9B डाल दिया पूरा, उसके बाद 45(4) डाल दिया, बी प्लस सी माइनस डी एक्सेट्रा, और फिर बाद में नीचे यहां पर आता हूं तो मेरे को यहां पर सीबीडीटी ने आके बताया कि ये गेन का नेचर क्या होगा, ठीक है, किसका, 45(4) में जो 40 लाख चार्ज हुआ ना उसका नेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, इतना आसान नहीं है समझना, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं तुम फिर बहुत बड़े प्रैक्टिशनर बनने वाले जिंदगी में। इन केस ऑफ द अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर 45(4) अंडर द हेड कैपिटल गेन्स दैट इज 40 लाख, the amount or part of it shall be deemed to be from transfer of short term capital asset or long term capital asset as the case may be mentioned in column 2 if it is attributable to the capital asset mentioned in the corresponding row in column 3। ab suno zara theek hai, ye jo 40 lakh hai government bolti hai, ye jo 40 ye hatata hu sab yellow main usko khud se highlight karunga, government bolti hai ye jo 40 lakh hai, theek hai sun lo acche se, सर ये 40 लाख लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है, देखो 9B में कभी ये डाउट नहीं आएगा, 9B में क्या आप असेट ट्रांसफर करते हो सिर्फ, तो 9B में आपको फटाक से पता चल जाएगा क्या लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म, लेकिन 45(4) में एसेट और मनी का कॉम्बिनेशन है, उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पता लगाना बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या किया गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, हाँ गवर्नमेंट क्या बोलती है सुनो, कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट, गवर्नमेंट बोलती है शॉर्ट टर्म कब होगा बताते हैं, रुक जा, अगर कैपिटल असेट विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन ऑफ द अमाउंट अंडर सेक्शन 45(4), जो असेट टू ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है सामने वाले को, लैंड ट्रांसफर कर रहा है, अगर ट्रांसफर करते समय अगर वो शॉर्ट टर्म है तो वो कैपिटल असेट उसका गेन भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड, कैपिटल असेट फ्रॉम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट और कैपिटल असेट बीइंग सेल्फ जनरेटेड असेट एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल एज डिफाइन इन सेक्शन 45(4), जरा ध्यान से सुनना वापस से मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है, पे अटेंशन प्लीज, अपने को क्या पता लगाने का है कि वो 40 लाख जो है ना, वो जो 40 लाख है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है, सर ये बता डालो हमको, बस सर ये बता दो सर, तो गवर्नमेंट बोलती है उसके लिए हमने लाया ना रूल 8AA सेक्शन 242A के अंदर अमेंडमेंट लाया, रूल 8AA, मैं बोला एक बार पढ़ो फिर से, चलो एक बार फिर से पढ़ते, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इन केस ऑफ द अमाउंट व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी दैट इज 40 लाख अंडर 45(4) अंडर द हेड कैपिटल गेन्स दैट इज 40 लाख, द अमाउंट और पार्ट ऑफ इट शैल बी डीम्ड टू बी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एज द केस मे बी मेंशन इन कॉलम 2 इफ इट इज एट्रिब्यूटेड टू द एज कैपिटल एसेट मेंशन इन कॉलम 3। अब मुझे बताना आपका जो 40 लाख का कैपिटल गेन्स हुआ है वो आपने किसको अट्रीब्यूट किया है,
आपने अगर वो एक लॉन्ग टर्म असेट को एट्रीब्यूट किया है तो 40 लाख भी लॉन्ग टर्म, आपने अगर वो 40 लाख अगर एक शॉर्ट टर्म असेट को एट्रीब्यूट किया है तो वो 40 लाख भी शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म कब कब होगा सुनो, अगर आपने एक शॉर्ट टर्म असेट को एट्रीब्यूट किया है वो 40 लाख तो आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म 40 लाख शॉर्ट टर्म, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म असेट को एट्रीब्यूट किया है तो आपका 40 लाख लॉन्ग टर्म, और अगर आपने उसको एक ब्लॉक ऑफ असेट के पार्ट को एट्रीब्यूट किया है, मतलब उस आपने उसको एक नॉर्मल असेट को एट्रीब्यूट नहीं किया है बल्कि एक ब्लॉक को एट्रीब्यूट किया है तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म, और अगर आपने उसको एक सेल्फ जनरेटेड असेट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी एट्रीब्यूट किया है ना तो वो भी शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म कब कब होगा सुनो, आपका जो 40 लाख है उसका नेचर पता लगाना है, तो वो नेचर किस पे डिपेंड करता है मालूम, वो गेन आप कौन से असेट को एट्रीब्यूट करते हो, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को एट्रीब्यूट करते हो तो ये 40 लाख भी लॉन्ग टर्म, अगर आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को एट्रीब्यूट करते हो तो ये 40 लाख भी शॉर्ट टर्म, अगर आप उसको एक ब्लॉक ऑफ असेट के कैटेगरी को एट्रीब्यूट करते हो से प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर के ब्लॉक को एट्रीब्यूट करते हो तो ये 40 लाख पूरा शॉर्ट टर्म माना जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ने तीन कैटेगरी डाल के रखा है। साथ साथ में अगर ये 40 लाख आप किसी सेल्फ जनरेटेड असेट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी एट्रीब्यूट करते हो तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी शॉर्ट टर्म माना जाएगा 40 लाख भी। इसीलिए एज पर दिस पर्टिकुलर रूल, रूल 8AA, यहां पर देखना नीचे, ये 40 लाख का नेचर क्या होगा, ये 40 लाख का नेचर लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि आप ये 40 लाख बची हुई लैंड को एट्रीब्यूट कर रहे हो, और बची हुई लैंड का नेचर क्या है वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ऊपर लिखा है सारी की सारी लैंड आपने कम से कम 2 साल से ज्यादा होल्ड करके रखा है। आई डोंट नो वेदर यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट, आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टूड दिस और नॉट, दिस इज द बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन फ्रॉम द माय साइड। तो ये 40 लाख का गेन का नेचर क्या है वो किस पे डिपेंड करता है, आप किसको एट्रीब्यूट करते हो, जो बचे हुए असेट्स है ना फर्म में बचे हुए असेट्स कुछ भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म असेट होगा तो ये गेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म असेट होगा तो ये गेन शॉर्ट टर्म, ब्लॉक ऑफ असेट को अगर एट्रीब्यूट करते हो तो ये गेन शॉर्ट टर्म, सेल्फ जनरेटेड असेट को देते हो तो ये गेन शॉर्ट टर्म, और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को देते हो तो भी ये गेन शॉर्ट टर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये पिछला डिस्कशन ये डब्बे के अंदर ये चीज एक्सप्लेन करता है कि जो आपको 45(4) में गेन हो रहा है, गेन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, दैट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू एट्रीब्यूट दैट गेन, वेयर यू एट्रीब्यूट दैट गेन, वेयर यू एट्रीब्यूट दैट गेन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन से एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपको दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन समझने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या हुआ, ओवरली तीन पार्टनर है, तीनों का कैपिटल 10-10 लाख, और तीन तीन पार्टनर के साथ फर्म में तीन लैंड है, तीनों की बुक वैल्यू 10 लाख, अब फर्म ने उसको रिवैल्यू किया, ठीक है, दो लैंड को 60 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दिया, 10 लाख से 70 लाख, और एक लैंड को 10 लाख से 50 लाख। अब पार्टनर ये बोलता है मैं जा रहा हूं छोड़ के, ठीक है जा रहा है तो जा भाई, अच्छी बात है, ठीक है अगर एक पार्टनर जा रहा है अच्छी बात है, जाने दो उसको, उसकी मर्जी, पार्टनर ये जाना चाहता है, चलो अच्छी बात है। जो जा रहा है उसको क्या चाहिए, उसको एक लैंड चाहिए, जो 50 लाख वाली लैंड थी ना वो चाहिए, और उसमें साथ में पैसा चाहिए। तो जब भी अगर वो जा रहा है तो सबसे पहले 9B अट्रैक्ट होगा, ऑर्डर ऑफ द लॉ फॉलो करो, 9B अट्रैक्ट करो, 9B में क्या आएगा, जो लैंड दिया उसका FMV सेल कंसिडरेशन कॉस्ट उसका 15 लाख के इंडेक्स कॉस्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लैंड लॉन्ग टर्म है। देखो 9B में कभी दिक्कत नहीं होगी नेचर ऑफ गेन पता लगाने में, 45(4) में दिक्कत हो जाएगी नेचर ऑफ गेन पता लगाने में। तो 9B में क्या करोगे आप, 9B में आप करोगे 50 लाख माइनस 15 लाख 35 लाख, 35 लाख पर 20% टैक्स 7 लाख। अब बुक प्रॉफिट निकालो, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंट में पहले तुम्हारा लैंड 10 लाख दिख रहा था, अब 50 लाख हो गया तो 40 लाख से लैंड बढ़ गया, तो अकाउंट में प्रॉफिट भी तो 40 लाख से बढ़ेगा ना, तो वो जो 40 लाख से प्रॉफिट बढ़ रहा है उसमें से पहले सबसे पहले 7 लाख रुपए का फर्म को टैक्स देना है, ठीक है, क्योंकि फर्म के हाथ में कैपिटल गेन्स लग चुका है 35 लाख का। उसके बाद फर्म के पास 33 लाख बचता है, 33 लाख में से 1/3, 1/3, 1/3 एग्जाम में आना है तो सेम क्वेश्चन आना है, ये चीज लिख के ले लो नंबर के साथ, 1/3, 1/3, 1/3। अब पार्टनर ए को जाएगा कितना, 1/3, पार्टनर बी को, पार्टनर सी को 1/3, अब पार्टनर ए को 1/3 गया तो पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट हो गया 21 लाख। अब 45(4) में आओ, 45(4) में जब आओगे तो पार्टनर ए को क्या मिल रहा है, 45(4) में दो चीज कवर्ड है, मनी भी कवर्ड है, असेट भी कवर्ड है, तो 11 लाख रुपए का तो उसको कैश मिल रहा है और 50 लाख रुपए की लैंड मिल रही है, तो 61 लाख रुपए की चीजें मिल रही है, बदले में पार्टनर ए का 50 लाख रुपए का कैश, 50 लाख रुपए की लैंड और 11 लाख रुपए का ये, और 40 लाख रुपया
तुम्हारे उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, 21 लाख रुपया उसके कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो बी प्लस सी माइनस डी विल कम टू हाउ मच, विल कम टू 20, विल कम टू 40 लाख। तो ये फर्म के हाथ में 40 लाख रुपया 45(4) में टैक्सेबल होगा। अब यहां से दो सवाल उठते हैं, जो फर्म को 45(4) में टैक्सेबल हो रहा है तो ये फर्म क्या करेगा, अपने रिमेनिंग असेट्स को एट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। रिमेनिंग असेट्स जब भी बेचेंगे तब उनकी सेल कंसिडरेशन में से ये 40 लाख प्रोपोर्शनेटली लेस होगा, ठीक है। जैसे यहां पर बची हुई लैंड में 20-20 लाख एट्रीब्यूट होगा, पहली लैंड भी की सेल कंसिडरेशन में से 20 लाख लेस, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए लाया गया अप्रोच। साथ साथ में ये 40 लाख का जो मुझे कैपिटल गेन आज लग रहा है 45(4) में, उसका गेन क्या होगा वो डिपेंड करता है आप किसको एट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट को एट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसका गेन लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म को कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म होगा, सेल्फ जनरेटेड एसेट को कर रहे हो तो हमेशा शॉर्ट टर्म, ब्लॉक ऑफ एसेट को एट्रीब्यूट कर रहे हो तो भी हमेशा शॉर्ट टर्म। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस एग्जांपल। लेट अस मूव अहेड विद सेकंड एग्जांपल व्हिच इज वेरी सिंपल, डोंट वरी अबाउट इट, इसमें कुछ भी नहीं है खास, बट हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, ठीक है। देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी इन द फर्म एफ आर हैविंग 1/3 शेयर ईच। Each partner has a capital balance of 10 lakh in the firm and there are three pieces of land S, T and U. यहाँ तक सब कुछ same है. And there is no capital asset in that firm. There is no other capital asset. मतलब यहाँ तक सब कुछ same है. ये तीन land को छोड़कर और कोई capital asset firm में नहीं है. All these three lands were acquired by the firm more than 2 years ago. ठीक है? दो साल पहले ये सारी land खरीदी थी firm में. Book value of each of the land is 10 lakh. Partner A wishes to exit. चलो ठीक है, जाने दो. अब जरा ध्यान से सुनना, कहानी में थोड़ा सा twist आएगा. The firm sells land U for its fair market value of 50 lakhs. Let us assume that the index cost of acquisition of land U is 15 lakhs. Thus, an amount of 15 lakhs less 15 lakhs would be chargeable in the hands of firm under the head capital gains. अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर इस लाइन को जरा ध्यान से देखना जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं. The firm sells its land U for its fair market value of 50 lakhs. यहां पर firm है ना अपनी land partner को नहीं दे रही है, फर्म खुद बेच रही है, तो फर्म को कैपिटल गेंस लग जाएगा. 9 भी अट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पर, नॉर्मल कैपिटल गेंस. 9 भी कब अट्रैक्ट होता है, जब फर्म पार्टनर को या तो स्टॉक इन ट्रेड देता है या कैपिटल असेट दे रहा है. यहाँ पे फर्म पार्टनर को अभी तक कुछ दे रहा है ऐसा दिखने में नहीं आया. यहाँ पर फर्म पार्टनर को कुछ नहीं दे रहा, खुद से बेच रहा है, खुद से बेच रहा है. कितने में बेचा, 50 लाख में बेचा. कॉस्ट कितना है, 15 लाख रुपए का इंडेक्स कॉस्ट है. काइको इंडेक्स कॉस्ट मोर देन 2 ईयर्स अगो, तो इंडेक्स कॉस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है. आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है. उस हिसाब से कैपिटल गेन्स कितना आएगा, 35 लाख. टैक्स कितना आएगा, 7 लाख, अज्यूमिंग नो सरचार्ज सेस, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है. फिर से वही पुरानी कहानी सर, लेकिन पार्टनर को क्या मिल रहा है, पार्टनर छोड़ के जा रहा है. पार्टनर बोला ना यहां पर कि हाँ, पार्टनर विशेष टू एग्जिट लिखा है यहां पर, उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, थोड़ी देर में बताता हूं मैं उसको क्या दे रहे हैं हम लोग, जस्ट वेट फॉर सम टाइम. नाउ यहां तक सब कुछ सेम है. नेट प्रॉफिट 33 लाख, 7 लाख का टैक्स निकाल के 40 में से 7 निकाला, 33 लाख आया. कैसे आया, वो सब इसी तरीके से आया जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है. मैंने आपको जो कैलकुलेशन करके दिखाया था, दिख रहा है 11-11 लाख कैसे सबको क्रेडिट होगा, बहुत आराम से सुनना. नाउ उस हिसाब से पार्टनर का कैपिटल अब कितना हो जाएगा, 10 लाख पहले से था, 11 लाख और बढ़ जाएगा, 21 लाख हो जाएगा, ठीक है. कहानी यहां पर शुरू होती है. पार्टनर को क्या मिल रहा है, छोड़ के जा रहा तो कुछ देना तो पड़ेगा ना, ठीक है. Now partner A decides to exit the firm. Chalo, theek hai. The firm revalues its land S&T based on the valuation report from registered valuer as defined in Rule 11U and as per that valuation report, fair market value of the land S&T is 70 lakhs each. On the exit of partner A, ab asli mudda shuru ho raha hai. Partner A exit maar raha hai, to usko de kya rahe ho aap, theek hai, kya de rahe ho batao. On the exit of partner A, the firm decides to give him 61 lakh of money to settle his capital balance. तो पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको क्या दे रहे हम लोग, रोकड़ा, रोकड़ा, रोकड़ा दे रहे, रोकड़ा दे रहे हम उसको, उसको रोकड़ा दो, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है फर्क, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फर्क है. पिछले क्वेश्चन में आप पार्टनर को क्या दे रहे थे बताओ मुझे, रोकड़ा और असेट. और इस क्वेश्चन में सिर्फ रोकड़ा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप एसेट भी दे रहे थे कैपिटल असेट, तो 9 भी अट्रैक्ट हो रहा था. लेकिन इस क्वेश्चन में 9 भी अट्रैक्ट नहीं हो. इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप फर्म को जो भी टैक्स भरना था 35 लाख पे 20% 7 लाख वो भर दिया. अब इस क्वेश्चन में सिर्फ 45(4) अट्रैक्ट होगा, क्योंकि 45(4) अट्रैक्ट होगा. 45(4) असेट मिलने पर भी एप्लीकेबल है और पैसा मिलने पर. तो अब 45(4) कैसे अट्रैक्ट होगा, वैसे ही होगा जैसे अब तक करते आए, ठीक है. कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, 61 लाख, ठीक है. बदले में उसके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 21 लाख. बी प्लस सी इज 61 माइनस डी इज 21 लाख, 40 लाख का कैपिटल गेन्स. तो 40 लाख का कैपिटल गेन्स 45(4) में लगेगा और 35 लाख का कैपिटल गेन्स नॉर्मल कैपिटल गेन्स. 9 भी नहीं है, इट इज नॉट 9 भी नहीं है पिछले सेक्शन की तरह.
पिछले सेक्शन में ये देखो, दिस विल बी इन एडिशन टू एन अमाउंट चार्ज अंडर 9B, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है, कितना केयरफुल है सीबीडीटी, दिस विल बी इन एडिशन टू 35 लाख्स ऑलरेडी चार्ज टू कैपिटल गेन्स, 9B नहीं लिखा है क्योंकि 9B अट्रैक्ट के कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहे, ठीक है। अब वही कहानी, मुझे बताओ ये जो 40 लाख्स इधर चार्ज हो रहा है, ठीक है, इसका आपको आगे जाकर रिलैक्सेशन मिलेगा, बची हुई लैंड में डिवाइड होगा 20-20 लाख्स, और ये 40 लाख्स का नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स क्या होगा, ये 40 लाख्स का नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स वही होगा कि आप किसको एट्रीब्यूट कर रहे हो, देखो यू आर एट्रीब्यूटिंग टू द रिमेनिंग टू लैंड एंड द रिमेनिंग टू लैंड्स आर लॉन्ग टर्म, देयरफॉर ये 40 लाख्स भी लॉन्ग टर्म। अगर ये 40 लाख्स आप किसी शॉर्ट टर्म असेट को एट्रीब्यूट करते तो ये 40 लाख्स भी शॉर्ट टर्म हो जाता, ये 40 लाख्स अगर आप कोई ब्लॉक ऑफ असेट को एट्रीब्यूट करते तो ये 40 लाख्स भी शॉर्ट टर्म हो जाता, अगर ये 40 लाख्स आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड असेट को एट्रीब्यूट करते तो ये 40 लाख्स भी बन जाता शॉर्ट टर्म आपका। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये है जबरदस्त प्रोविजन, अभी भी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी भी बाकी है, जबरदस्त प्रोविजन है। एक आखिरी चीज बाकी है जिसपे मेरे को अभी बात करना है, पहले सर्कुलर में जाके। अब यहां पर सीबीडीटी ने क्या किया, अमेंडमेंट किया, ठीक है, सुनो क्या अमेंडमेंट किया, बहुत अच्छा अमेंडमेंट किया, जरूरी था ये कि भाई जितना भी कैपिटल गेन्स आप 45(4) में भरोगे उतना आप एट्रीब्यूट करोगे, लेकिन ये अमेंडमेंट कहां किया मालूम सीबीडीटी ने, सेक्शन 48 में, और सेक्शन 48 क्या है मालूम, देयर आर टू सेक्शंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, मैंने आपको इनकम टैक्स के लेक्चर में बोला है कंप्यूटेशन ऑफ, जब कैपिटल गेन्स की बारी आती है ना तो देयर आर टू सेक्शंस, ठीक है, वन इज सेक्शन 48 एंड वन इज सेक्शन 50, जरा ध्यान से सुनना। अब सेक्शन 48 में क्या आता है, अदर देन ब्लॉक वाले असेट्स का कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन, और सेक्शन 50 में क्या आता है, ब्लॉक ऑफ असेट्स का कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन, ब्लॉक ऑफ असेट का, ब्लॉक ऑफ असेट का कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो अब सुनो जरा, मान लो फॉर्म को 45(4) में वो जो 40 लाख का कैपिटल गेन्स आया, ठीक है, अब क्या बोलती है गवर्नमेंट, उसको एट्रीब्यूट करो, और आगे जाकर जब कंप्यूटेशन करोगे एट्रीब्यूट दिस टू व्हाट, एट्रीब्यूट टू रिमेनिंग एसेट्स, आपको इसको रिमेनिंग एसेट्स को एट्रीब्यूट करना है, ठीक है, चलो ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है, अगर वो रिमेनिंग एसेट इसका हुआ तो यहां से तो उसका रिडक्शन करने मिल जाएगा क्योंकि सेक्शन 48 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, लेकिन अगर वो रिमेनिंग असेट, मान लो अगर ये रिमेनिंग असेट अदर देन ब्लॉक नहीं है बल्कि ब्लॉक का पार्ट है, से प्लांट एंड मशीनरी है वो रिमेनिंग असेट, तो इसमें भी एट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, बहुत ही एडवांस लेवल का डिस्कशन है ये, बहुत एडवांस। 40 लाख रुपए का जो गेन हुआ 45(4) में, वो गवर्नमेंट ने बोला आप एट्रीब्यूट करो रिमेनिंग असेट। अभी पिछले क्वेश्चन में रिमेनिंग असेट क्या था, लैंड, 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 लैंड का अदर देन ब्लॉक, लैंड यहां पर आएगा यार। अगर वो रिमेनिंग असेट लैंड नहीं होता बल्कि डिप्रिशिएबल बिल्डिंग होती तो क्या उसमें भी एट्रीब्यूशन होगा, क्या वहां पर भी जब आप बेचोगे लैंड तो नेट सेल कंसिडरेशन से आपको लेस करके ब्लॉक से लेस करना पड़ेगा, क्या वहां पर भी आपको वैसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बारे में लॉ इज साइलेंट, क्योंकि लॉ ने सिर्फ अमेंडमेंट कहां किया 48 में, लॉ डिड नॉट मेक एनी अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 which talks about capital gains computation in case of block, तो इसलिए अब CBDT ने सर्कुलर में एक्सप्लेन किया है कि भाई वी आर रियली सॉरी, हमने भी अमेंडमेंट लाया तो घाई घाई में कुछ भी लेकर आ गए तो CBDT ने यहां पर डिटेल में क्लैरिफाई किया है, ठीक है, चलो क्या क्लैरिफाई किया पढ़ लेते साथ में एक बार। The amount taxed under 45(4) is required to be attributed to the remaining assets of this specified entity so that when capital assets gets transferred in future the amount attributed to such capital asset get reduced from the full value of consideration and to that extent specified entity does not pay tax again on the same amount. Chalo, theek hai, bahut achhi baat hai. This attribution is given only for the purpose of section 48. Section 48 only applies to capital asset which are not forming part of block. For capital asset forming. Hey, yaar, kya ho raha hai? For capital asset forming part of block of assets, that is the section 43(6), that is WDV ka definition. To determine WDV of the block of asset and section 50 to determine the capital gains arising on transfer of such assets. However, the act has not yet provided the amount taxed under 45(4) can also be attributed to capital asset forming part of block. Samajh mein aaya, agar wo bache hue asset land nahi hota, balki depreciated building hota. तो क्या उसको भी एट्रीब्यूट करूंगा मैं, क्या आगे जाकर जब बिल्डिंग बेचेगा
तो ब्लॉक के नेट सेल कंसिडरेशन में से लेस कर देना ये 40 लाख। तो सीबीडीटी ने बोला हाँ हमसे गलती हो गई, रियली सॉरी। ठीक है, द सीबीडीटी वाइट दिस सर्कुलर क्लैरिफाइड दैट रूल 8AB अंडरलाइन ऑल्सो अप्लाइज टू कैपिटल असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक wherever the terms capital asset is appearing in the rule 8b it refers to capital asset whose capital gains is computed under section 48 as well as capital asset forming part of block of asset further wherever reference is made for the purpose of section 48 such reference may be deemed to include reference for the purpose of section 43(6) and section 50 chalo theek hai bahut achhi baat hai theek hai It is further clarified that in case the capital asset remaining with the specified entity is forming part of block, the amount attributed to such capital asset under Rule 8B shall be reduced from the full value of consideration. जैसे normal cases में आप NSC से net sale consideration से less करते हो ना, वैसे वहाँ पर भी आप block में भी net consideration से less करोगे. As a result of subsequent transfer of such asset by specified entity and the net value of such consideration shall be considered for reduction from WDV of such asset. For the purpose of calculation of capital gains. तो बस कुछ नहीं है, मतलब normal ही है और कुछ नहीं है। आपको इतना बोला गया है कि भाई आप ये other than block वाले asset को attribute करते हो या block वाले को, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों केस में आपको net consideration से less करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ और aspects भी है circular के, ठीक है, वो भी मेरे को बताना है। असेसी को एक form भरना पड़ेगा, स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब फॉर्म को एक फॉर्म भरना पड़ेगा, शेल फर्निश द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट एट्रिब्यूटेड टू द कैपिटल असेट, कितना अमाउंट एट्रिब्यूट किसको कर रहे हो उसके लिए एक फॉर्म 5C भर के देना पड़ेगा, एट्रिब्यूशन कैसे कर रहे हो, किसको कितना कर रहे हो, वो देना पड़ेगा। जैसे अपने केस में 40 लाख का 20 लाख 20 लाख दो लैंड को एट्रीब्यूट किया, आगे जाकर लैंड बेचेगा तो उसमें से लेस करने का, वो एट्रीब्यूशन के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 5C, कभी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नाउ वन लास्ट थिंग ओवर हियर, इट इज क्लैरिफाइड दैट रिवैल्युएशन ऑफ एन असेट और वैल्युएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सुन लो अच्छे से, अगर आप असेट को रिवैल्यू करते हो या सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में दिखाते हो, ठीक है, वैल्यू करते हो उसको, सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखाते हो या सेल्फ जनरेटेड असेट दिखाते हो, डज नॉट एंटाइटल द स्पेसिफाइड एंटिटी फॉर डेप्रिसिएशन। ये तीनों पे, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये तीनों पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। गुडविल पे तो वैसे अभी से मिलना बंद हो गया। On the increase in the value of that asset on account of its revaluation or recognition of value of self-generated asset or self-generated goodwill due to its value. Moral of the story, अगर आप कोई asset revaluation करते हो उस पर आपको depreciation नहीं मिलेगा, अगर आप कोई self-generated goodwill books में दिखाते हो उसका आपको depreciation नहीं मिलेगा, या अगर आप कोई asset recognize करते हो जो self-generated है उसका आपको depreciation नहीं मिलेगा। ठीक है, now coming to the third example, ठीक है, which is again a very good example. वेरी 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 गुड। तो इसको आराम से जरा देखते हैं, फिर से मैं इसको हाईलाइट हटा देता हूं इसका, ठीक है, हम लोग खुद हाईलाइट करके इसको देखेंगे, एग्जैक्टली इनसाइड आउट समझ जाएंगे इसको पूरा। मैं पूरा वर्ड बाय वर्ड समझाता हूं तुमको, तुमको ये लेक्चर यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला बेटा, ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं आपको, इतना डिटेल में, और इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है ऐसा मेरे को पर्सनली लग रहा है, इसलिए मैं इस पे इतना समय दे रहा हूं। पे अटेंशन, एग्जांपल नंबर 3, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन अ फर्म हैविंग 1/3 शेयर, कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर इज 100 लाख इन द फर्म। अब ये क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन से बहुत अलग है, उसी लाइन पे चल रहा है लेकिन इसमें और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। देयर इज अ पीस ऑफ लैंड एस ऑफ द बुक वैल्यू 30 लाख, ठीक है, तो फॉर्म में क्या है, एक लैंड है। देयर इज अ पेटेंट ऑफ WDV ऑफ 45 लाख एंड देयर इज कैश ऑफ 225 लाख। द लैंड वाज अक्वायर्ड बाय द फॉर्म मोर देन 2 इयर्स अगो, द पेटेंट वाज अक्वायर्ड और डेवलप्ड और रजिस्टर्ड 1 ईयर बैक, ठीक है। अब ये सब इंफॉर्मेशन अपने को दिया गया, चलो मैं यहां पर थोड़ा सा डिटेल लिख देता हूं फॉर्म के पास क्या क्या है ताकि अपने को कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म के पास एक लैंड है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 30 लाख, ठीक है, मार्केट वैल्यू बाद में देखेंगे अगर आती है तो। उसके बाद फर्म के पास एक पेटेंट है, पेटेंट 45 लाख उसकी WDV है, ठीक है, बुक वैल्यू बोलना गलत, ठीक है, और तीसरा कैश है वो भी बुक वैल्यू बोलना गलत 225 लाख,
कैश है, बुक वैल्यू बोलना गलत है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पार्टनर है विशेष टू एग्जिट, तीनों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम। द फर्म रिवैल्यूज इट्स लैंड एंड पेटेंट बेस्ड ऑन वैल्यूएशन फ्रॉम ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज डिफाइंड इन रूल 11U एंड एज पर दैट वैल्यूएशन रिपोर्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज 45 लाख एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पेटेंट इज 60 लाख। चलो ठीक है, तो इसका कितना लैंड का वैल्यू बढ़ गया 45 लाख और पेटेंट का वैल्यू बढ़ गया 60 लाख। ठीक है चलो ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, घाई नहीं करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन सब के अलावा एज पर द वैल्यूएशन रिपोर्ट देयर इज ऑल्सो अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ 30 लाख। एक गुडविल का भी इंट्रोडक्शन हो रहा है अब, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ऑफ हाउ मच ऑफ 30 लाख। ठीक है 30 लाख का सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी है। ठीक है इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं। Now, on exit of partner A, the firm decides to give him 75 lakhs in money and land S to settle his capital account. तो firm partner को क्या दे रहा है? रोकड़ा भी दे रहा है, क्या क्या दे रहा है? Firm partner को क्या क्या दे रहा है? ये दे रहा है और ये दे रहा है। ठीक है ये दोनों firm अपने partner को दे रहा है। ठीक है ये दोनों चीज दे रहा है। पेशेंस रखने, पहला कॉमन सेंस से बताओ क्या 9B अट्रैक्ट होगा? 9B आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अब फॉर्म अपने पार्टनर को असेट दे रहा है। क्या 45-4 अट्रैक्ट होगा? वो तो होगा ही, क्योंकि फॉर्म अपने पार्टनर को असेट भी दे रहा है, रोकड़ा भी दे रहा है। ठीक है चलो ठीक है, देखते घाई नहीं करते। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 9B इट वुड बी डीम्ड दैट द फॉर्म हैज ट्रांसफर्ड लैंड एस टू पार्टनर ए एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है 45 लाख, लेट अस अज्यूम दैट द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड एस इज 45 लाख। तो फेयर मार्केट वैल्यू 45 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 45 लाख, तो कैपिटल गेन 0। 9B में कोई भी कैपिटल गेन्स नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर अजम्पशन ऐसा किया इन्होंने जहां पे सेल और कॉस्ट दोनों सेम है। नाउ ऑन अकाउंट ऑफ डीमिंग प्रोविजन ऑफ 9B इट इज डीम दैट द फर्म FRS ट्रांसफर लैंड एस टू पार्टनर ए। हाउएवर सिंस द कैपिटल गेन इज इक्वल टू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देयर विल नॉट बी एनी कैपिटल गेन टैक्स फॉर पार्टनर ए, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस लैंड वुड बी 45 लाख। सामने वाला जो पार्टनर है उसके लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ जो भी FMB होगी वो सामने वाले के लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है पार्टनर ए के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 45 लाख। नाउ बुक्स में क्या हाल है देखते हैं। बुक्स में पार्टनर क्या लेकर जा रहा है? पार्टनर ये लेकर जा रहा है, पार्टनर ये लेकर जा रहा है। अब इसके वजह से बुक्स में कितना प्रॉफिट बढ़ा? जो पार्टनर लेके जा रहा है उसकी वजह से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ा। ठीक है क्या 15 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ने के जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रॉफिट 15 लाख से बढ़ा? क्या कुछ टैक्स देना पड़ रहा है? नहीं। अब ये प्रॉफिट तीनों के कैपिटल अकाउंट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में 33 लाख तीनों में डिवाइड हुआ था, वैसे यहां पर तीनों में 15 लाख डिवाइड हो जाएगा। तीनों में अगर 15 लाख डिवाइड हो जाता है, चेक करो, द नेट बुक प्रॉफिट ऑफ 15 लाख इज टू बी क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच ऑफ द 3 पार्टनर्स ₹5 लाख ईच। दस पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट वुड इंक्रीज टू 105 लाख। कैसे आया 105 लाख? क्योंकि ऑलरेडी 100 लाख का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है उसका, और 5 लाख रुपया उसके लैंड के रिवैल्यूएशन की वजह से उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला गया। दिस एक्सरसाइज इज टू बी डन इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सिंस 9B मैंडेट्स दैट इट इज डीम्ड दैट द फर्म FRS ट्रांसफर लैंड एस टू पार्टनर ए। ठीक है दस एनी गेन इन द बुक्स इज टू बी अपोर्शन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है अब 45-4 अट्रैक्ट करेंगे। 45-4 में क्या होता है? A इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। अभी पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है? पार्टनर को पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है वो ऊपर लिखा हुआ है। कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 75 लाख। और पार्टनर को लैंड एस मिल रही है, लैंड एस की वैल्यू कितनी है? 45 लाख। 75 + 45 कितना होता है? 75 + 45 होता है 120 लाख। बदले में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना है? 105 लाख। 105 लाख में से 120 लाख में से 105 लाख निकालोगे तो 15 लाख इज चार्जेबल अंडर द हेड What capital gains under 45-4? Now, यहां से असली कहानी शुरू होगी। अब दो सवाल। पहला सवाल, क्या ये 15 लाख पे टैक्स भरेगा? Yes, उसको भरना पड़ेगा। तो पहला सवाल, टैक्स भरने के बाद क्या ये 15 लाख वो अपने रिमेनिंग असेट्स को एट्रीब्यूट करेगा? अब उसके पास रिमेनिंग असेट्स क्या है? क्या है रिमेनिंग असेट्स? रिमेनिंग असेट्स उसके पास क्या है? देखो रिमेनिंग असेट्स उसके पास पेटेंट है, ध्यान से देखना, और उसके पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। उसमें से जो पेटेंट है, ठीक है, पेटेंट वो कितना है? वो 45 लाख है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितना है? 30 लाख है, बराबर। अब इसको ये रिमेनिंग असेट्स को एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है चेक करो, ऑन अकाउंट ऑफ 48(3) रीड विथ रूल 8B एंड दिस गाइडेंस नोट, दिस 15 लाख इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग कैपिटल असेट ऑफ द फर्म FR ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एक्जिस्टिंग कैपिटल असेट और ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यू
of self-generated goodwill based on the valuation report of registered valuer. In this case, as per this report, the value of patentee has increased by 15 lakhs and the self-generated goodwill has been recognized at 30 lakhs. Jitne se badega, utna hi attribute karna. To, jo patent hai, wo kitne se bada? Patent 15 lakhs se bada. Aur goodwill kitne ka tumne recognize kiya? 30 lakhs. Therefore, ab kaise attribute hoga ye 15 lakh? Patent kitne se bada? Patent 15 lakh se bada. Aur goodwill kitne se bada? Goodwill 30 lakh se bada. Matlab goodwill do guna time badh raha hai. टू टाइम्स बढ़ रहा है कंपेयर टू पेटेंट. तो 15 लाख का एट्रीब्यूशन भी 1:2 के रेशियो में होगा. पेटेंट को 1/3 जाएगा, गुडविल को 2/3 जाएगा. चेक करो, दस 1/3 ऑफ 15 लाख वुड बी एट्रीब्यूटेड टू द पेटेंट टी, व्हाइल 2/3 ऑफ 15 लाख दैट इज 10 लाख वुड बी एट्रीब्यूटेड टू द सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड रुपीज 5 लाख एट्रीब्यूटेड टू पेटेंट शैल नॉट बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ असेट. क्यों एड नहीं करोगे? क्योंकि ऊपर लिखा है कि रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी आता है वो आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते हो. चेक करो, ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड नहीं कर सकते हो और गुडविल पे तो वैसे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है. ठीक है, यहां पर आ रहा हूं मैं. कहां पर था मैं फिर से बोलता हूं. व्हाइल 2/3 ऑफ 15 लाख दैट इज 10 लाख वुड बी एट्रिब्यूटेड टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल. Rupees 5 lakh attributed to patentee shall not be added to the block of asset and no depreciation shall be available on the same. Ab aage jaakar, when patentee gets transferred subsequently, this rupees 5 lakhs attributed shall be reduced from full value of consideration received or accruing as a result of transfer of patentee by the firm and the net value shall be considered for reduction from the WDV of the intangible block under section 43(6). Or for calculation of capital gains as the case may be. Let us say the patentee is sold for 25 lakhs later on. To aage jaakar aap agar patent ko 25 lakhs mein sell karte ho to uska sale consideration 25 lakhs mat dikhao, 20 dikhao. Kyunki 5 lakh rupaya yahan se yahan attribute hoke wahan se less ho jayega. Rupees 5 lakhs shall be reduced from 25 lakhs and only net amount of 25 lakhs, 20 lakhs shall be considered for reduction from the written down value of the intangible asset block under section 43(6) or for calculation of capital gains as the case may be. Similarly, when goodwill gets sold, rupees 10 lakhs would be reduced from its sale consideration under section 48(3). I hope it is clear to you. Aur ab ek aakhri sawal aap logon se puchna chahta hu. Main ummeed karta hu iska answer aap log de sakoge. Ye cheez yaad rakhna, ye acche acche ke palle nahi padhaya, aapke palle pad raha hai, ye aap bahut badi baat hai aapke liye. Main ummeed kar raha hu aap sabko samajh mein aa gaya hoga ab tak ye kya chal raha hai. आखिरी चीज, ये जो 15 लाख रुपए का गेन इधर चार्ज हो रहा है, इसका नेचर क्या है? मैंने आपको बोला था इसका नेचर डिपेंड करता है आप किसको एट्रीब्यूट करते हो. आप ये 15 लाख किसको एट्रीब्यूट कर रहे हो? आप ये 15 लाख एक तो पेटेंट के ब्लॉक को एट्रीब्यूट कर रहे हो. अगर पेटेंट के ब्लॉक को एट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो 5 लाख तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो गया और बचा हुआ 10 लाख आप गुडविल को एट्रीब्यूट कर रहे हो, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा. इसलिए नीचे चेक करो. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये कहां से पता चलता है? ये आपको डिस्कशन नंबर 1 से पता चलता है. यहां से आप किसको एट्रीब्यूट करते हो उसके ऊपर डिपेंड पता चलेगा कि नेचर ऑफ गेन क्या है. वो 15 लाख का. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यहां पर देखो फिर नीचे जो भाषा है वो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो कॉमन चीज है जो अपन ने पहले भी पढ़ी, कुछ नई चीज नहीं. ये पढ़ लो, द अमाउंट ऑफ 50 लाख व्हिच इज चार्ज टू टैक्स अंडर 45 शैल बी चार्ज एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. मतलब अभी यहां पर लोगों का दिमाग नहीं चलेगा कि साला मैं लैंड ट्रांसफर करके गेन आ रहा है और ऊपर साफ साफ लिखा भी है लैंड 2 साल से पुरानी है तो भी सर इसको शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं. इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका नेचर ऑफ गेन डिपेंड करता है आप किसको एट्रीब्यूट करते हो. आप जिसको एट्रीब्यूट करते हो उससे पता चलेगा इसका नेचर ऑफ गेन है. आप क्या बेच रहे हो उससे नहीं पता चलेगा इसका गेन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो दिस इज आवर फर्स्ट डिस्कशन ऑन गुडविल, सॉरी ऑन पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दो बार देखना पड़ेगा आपको ये डिस्कशन, एक बार से काम नहीं चलेगा. अब मैं आ रहा हूं अपने डिस्कशन नंबर 3 की तरफ. इसके लिए भी मैंने पूरा एग्जांपल डाल के रखा हूं, आप बाद में फोटो ले सकते हो. ठीक है, सेक्शन 50 क्या है? कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट. अगर आप ब्लॉक ऑफ असेट बेचते हो तो कैपिटल गेन्स कैसे निकालोगे? ठीक है, हम सभी को पता है अगर ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा तो कैपिटल गेन्स निकालना पड़ेगा. और अगर ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं है, ब्लॉक एग्जिस्टिंग है, ब्लॉक है लेकिन उसका जो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा आफ्टर रिड्यूसिंग द सेल कंसिडरेशन, इफ इट इज नेगेटिव तो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग जाएगा. ठीक है,
अब ये पूरा का पूरा भाषण वही है जो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए आपको ये नॉर्मल हैंडराइटिंग में दिखेगा, जहां से ये इटैलिक्स होना शुरू हो जाएगा वहां से शुरू हो जाएगा आपका अमेंडमेंट। अब ये कुछ बहुत महान चीज नहीं है, ये मैंने आपको क्लास में भी बोला है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने अब एक रूल बना दिया है, और कुछ नहीं। क्या है सर ये? आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट ने अब कानून लाया है कि फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट आया कि फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021-22 से नो डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल। याद है, गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कब तक मिलेगा? टिल प्रीवियस ईयर 19-20 अगर आपने कुछ डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो वो चलेगा, ठीक है, अब से नहीं मिलेगा। साथ साथ में अगर यहां पर WDV में कुछ गुडविल है तो यहां आके आपको इस साल की WDV से वो भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इस पर मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी करवाया, ठीक है। अब इस पर गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। हाउएवर इन केस वेयर द गुडविल, कुछ नया कुछ महान चीज नहीं है इसके अंदर, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला रूल नहीं है। However, in case where the goodwill of a business or profession forms part of a block of asset for AY 2021 and the depreciation there has been obtained by the assessee under the Act, the WDV of that block of asset and short-term capital gains, if any, would be determined in the prescribed manner. Government बताएगी वो manner क्या है। तो government ने बताया 77/2021 और उसके लिए government ने एक rule notify किया, rule 8AC। चलो ठीक है, 8AC क्या बोलता है देखने की कोशिश करते हैं। Rule 8AC is applicable where the goodwill of the business or profession was the only asset or one of the asset in the block of intangible asset and depreciation was obtained by the assessee in AY 2021, that is till 1920, उसके बाद तो मिलेगा ही नहीं, छोड़ दो। अब ये पूरा mechanism explain करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक example नीचे लिख के लाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये mechanism समझ में आ जाए। सपोज प्रीवियस है 1920 है और ये है ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल असेट, और हम सभी को पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल असेट्स आर डेप्रिशिएबल एट 25%, ठीक है। अब 1920 तक तो आपको गुडविल का डेप्रिसिएशन भी मिलता था, ये एग्जांपल आप बाद में फोटो ले लेना, कॉपी कर लेना, जो भी करना है कर लेना, ठीक है। अब ओपनिंग WDV आपका निल है, आपने पिछले साल कुछ गुडविल खरीदा, आपने पिछले साल कुछ पेटेंट खरीदा, टोटल 15 लाख रुपए का खरीदा और मान लो मोर देन 180 डेज यूज किया, ठीक है, तो इस पर आपको 25% डेप्रिसिएशन भी लास्ट ईयर मिला होगा, गुडविल पर भी डेप्रिसिएशन 25% और इस पर भी 25%, टोटल 3.75, ये आपकी WDV है 11.25। अब एक बात तो पक्की है, अगले साल से, दैट इज यहां से, दैट इज 2021 से आपको ये गुडविल वाले पोर्शन पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा इस टोटल में से कितना गुडविल है, गुडविल कितना है, ठीक है। हाउ मच इज गुडविल सर, हम पता लगाते हैं हाउ मच इज गुडविल, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 10 लाख में से 25% लेस कर दो, 25% लेस कर दो, जो भी अमाउंट बचेगा वो गुडविल होगा, और क्या, इतना क्या दिमाग लगाने का उसके अंदर। तो अब ये जो 7.5 लाख है विच इज एट्रिब्यूटेबल टू गुडविल शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द ब्लॉक, अगले साल उसको ब्लॉक से आप लेस करोगे, ठीक है। अब ब्लॉक से लेस करते समय आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी, अगले साल आपका ओपनिंग WDV 11.25, ओपनिंग WDV 11.25 लेने का, बाद में ब्लॉक में से लेस करने का, फिर उसमें पेटेंट ऐड करने का, क्यों क्यों ऐड करने का सर पेटेंट, से मैंने कोई पेटेंट खरीदा न्यू परचेज है, ठीक है, या मैं लिख देता हूं ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, से नेक्स्ट ईयर आपने कोई न्यू परचेज किया पेटेंट का, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, तो ये 15 लाख हो गया। अब आपने जो पुराना वाला पेटेंट है ना 5 लाख का, वो आपने 13 लाख में सेल कर दिया, 13 लाख में सेल कर दिया, तो यहां पर 2 लाख बच गया, ठीक है। अब अगर यहां 2 लाख बच गया तो यहां से आपको 7.5 लाख रुपए का कोई सेल नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है गुडविल का, तो क्या उस रिडक्शन के ऊपर भी आपको कैपिटल गेन्स लगेगा? द आंसर इज यस। ये कुछ दिस इज नॉट सेल, सेल पेटेंट हो रहा है, लेकिन पेटेंट बेचने पर आपका ब्लॉक अभी भी पॉजिटिव है, फिर गुडविल रिड्यूस करने के जिससे ब्लॉक नेगेटिव हो गया, ब्लॉक नेगेटिव हो गया ना यहां पर, ठीक है, कितना नेगेटिव हो गया, 5.5 लाख नेगेटिव हो गया, तो क्या आपको STCG लगेगा? द आंसर इज यस। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पर रूल बनाया, रूल बना के क्या बोला, द रिडक्शन अंडर दैट इज The reduction under 43(6) for the previous year 2021, say which is 7.5 lakhs, if it is greater than the WDV plus the actual cost of any other asset falling within the block, other than goodwill obviously, क्योंकि 2021 से goodwill को add करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है,
बट गुडविल छोड़ के कोई और असेट तो खरीद सकता हूं ना पेटेंट, तो अब आप क्या कंपेयर करोगे? अगर आपका रिडक्शन रिडक्शन इन सबसे ज्यादा है तो आपका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपका कैपिटल गेन्स की तरह चार्ज हो जाएगा, चेक कर लो बराबर से, ठीक है? बस यही भाषण है और कुछ नहीं, कुछ बहुत महान चीज नहीं है। तो इसका फटाक से फोटो ले लो, ये एग्जांपल अगर आप कॉपी कर लोगे तो काफी आपके लिए, उसके अलावा और इस रूल में और कुछ दम नहीं है सर, ठीक है? एक बार देख लो फिर आगे, इसका फोटो ले लो, ठीक है? यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, यहां पर दिक्कत ये हो रही है कि भाई यहां पर हमारा अभी WDV 15 लाख है, उसमें से अगर मैं पुराना पेटेंट बेच दूंगा तो 2 लाख तो फिर भी बच रहा है, फिर भी कैपिटल गेंस लगेगा। हाँ क्यों लगेगा? ये रिडक्शन ऑफ गुडविल की वजह से आपको जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपका लग जाएगा कैपिटल गेंस। हाँ अगर ये रिडक्शन 7.5 नहीं होता बल्कि 1.5 होता तो कुछ नहीं लगता, तो कैपिटल गेंस नहीं लगता, क्योंकि अगर ये रिडक्शन 7.5 के बदले 1.5 होता तो ये 2 लाख में से 1.5 निकालता तो भी 50,000 बचता, तो कैपिटल गेंस नहीं लगता, ठीक है? इसका फोटो ले लो, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं लिखा, आप चेक कर लेना, ठीक है? अब हम लोग आते हैं अपने चौथे डिस्कशन की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? स्लम सेल, हमने सभी पढ़ा है स्लम सेल के बारे में, लेकिन याद है स्लम सेल में कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, उसमें से एक अमेंडमेंट ये आया था कि अब से जो आपका स्लम सेल का सेल कंसिडरेशन है ना, वो भी गवर्नमेंट बताएगी और गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है वो, जाकर चेक करना बुक टू के अंदर, बुक टू के अंदर जाना, जो डिटेल टेक्स्ट बुक दिया हो ना मैंने रेगुलर बैच वालों को, उसके बुक टू के अंदर है वो। उस टाइम पे मैंने बोला था मैं अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे जाकर अगर इंस्टीट्यूट इसको इनकॉर्पोरेट करेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अब से जो आपका स्लम सेल का सेल कंसिडरेशन होता है, स्लम सेल कैसे कंप्यूट करते हो आप? सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर विल गिव यू नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नथिंग बट द नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का नेटवर्थ निकालते हो और वो निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका बन जाएगा कैपिटल गेन्स, भले STCG LTCG, ठीक है? तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जो सेल कंसिडरेशन है ना, ये हम क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं लोग, जिंदगी ना मतलब खराब करने के पीछे पड़े लोग, सबकी, तुम्हारी मेरी इंडस्ट्री की सबकी और खुद की भी। तो चलो देखते क्या प्रिस्क्राइब किया, ठीक है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर शैल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल असेट। मैंने आपको यह बताया था अपनी क्लास में, बस देखो एक सेकंड, ये बुक टू है आपका और समरी के अंदर भी है अगर फास्ट ट्रैक वाले देख रहे हो। ये देख, और फिर मैंने नीचे डाल दिया था कि भाई देखो अभी अगर इंस्टीट्यूट को कवर करेगा तो मैं मेहनत करूंगा, नहीं तो मैं मेहनत नहीं करने वाला हूँ, अल्टीमेटली अपने को ये मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? जो इधर से लेकर इधर तक लिखा हुआ है तो कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, मेहनत करने से हम पीछे हटेंगे आज तक कल जो आज हटेंगे। तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू है, क्या लिखने का भाई? सेल कंसिडरेशन, अभी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन नहीं लिखने का, जो गवर्नमेंट बोलेगी वो फेयर मार्केट वैल्यू। तो गवर्नमेंट भी अभी दिल नहीं भर रहा है इनका, गवर्नमेंट दो फेयर मार्केट वैल्यू दे रही है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2 विच एवर इज हायर। तो अब दो फेयर मार्केट वैल्यू पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है? दोनों पढ़ेंगे फिर उस पर इलस्ट्रेशन है वो देखेंगे, टेंशन ना लो, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या है पहले वो देखते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू 1 ऐसे निकाला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल, 4 एडिशन 1 डिलीशन विल गिव यू फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है? नाउ अभी आप जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ऐसा पहले कभी ना कभी पढ़ा है, मैं बताऊंगा किधर, ठीक है? मैं बताऊंगा किधर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला 1 है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल। व्हाट इज ए, ए क्या है सर? एक सेकेंड, जरा पानी पी लेता। नाउ ए के अंदर क्या आएगा भाई,
बहुत ज्यादा ध्यान से सुना, अलग अलग कलर यूज करने का कुछ कारण है, वो आपको समझ में आएगा क्या कारण है। ठीक है, ए को बी को सी को डी को प्लस करना है सबको, और उसमें से फिर एल लेस कर देना है। ए में क्या आएगा, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स अदर देन ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं आएगा, आर्टिस्टिक वर्क नहीं आएगा, शेयर्स एंड सिक्योरिटी नहीं आएगा, इमोबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा। ठीक है, ये चार चीज नहीं आएगी। एज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग और द डिविजन ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल As reduced by the following amount which in relate to such undertaking or to division. अभी सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखना, सपोज एक कंपनी है, उसमें दो यूनिट है, यूनिट वन यूनिट बी, एक यूनिट वन है एक यूनिट टू है, और आप यूनिट वन ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पर ए बी सी डी ये सब में आपको सिर्फ यूनिट वन का डेटा लेना है, दोनों का डेटा नहीं लेना, ये चीज दिमाग में रख। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफर कर रहे हो ना सिर्फ उसी एंटिटी का डेटा लेना है। अगर आप यूनिट वन और यूनिट टू में से यूनिट वन का स्लम सेल कर रहे हो तो जिसका स्लम सेल हो रहा है उसी का डेटा यहां पर लेना है। तो सबसे पहले आपको से दो यूनिट है, यूनिट वन यूनिट टू, यूनिट वन आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो यूनिट वन का पॉइंट नंबर ए क्या आएगा, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, ज्वेलरी हटा दो, आर्टिस्टिक वर्क हटा दो, शेयर्स हटा दो, सिक्योरिटीज हटा दो, इमोबल प्रॉपर्टी हटा दो, वो सबका बुक वैल्यू ले लो, और उसमें से भी कुछ चीजें लेस कर दो। क्या लेस कर दो, अगर बैलेंस शीट में कुछ इनकम टैक्स है तो वो लेस करो, और अगर बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस असेट्स है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो लेस कर दो। ठीक है, तो दो चीजें लेस कर देना है, एक तो आपको पॉइंट नंबर ए में सारे असेट्स का बुक वैल्यू लेने का, लेकिन उसमें चार असेट्स नहीं आएंगे, ज्वेलरी को मत लो, आर्टिस्टिक वर्क को मत लो, शेयर्स एंड सिक्योरिटी को मत लो, इमोबल प्रॉपर्टी को मत लो, वो छोड़कर बाकी सबका बुक वैल्यू, कौन सा यूनिट का, जो यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो उसका बुक वैल्यू, ठीक है, वो ले लिया, ये चार असेट को छोड़कर बाकी सबका, इसलिए चार अलग कलर कर रहा हूं। वो सब करने के बाद उसमें से इनकम टैक्स अगर बैलेंस शीट में कुछ है तो वो लेस कर दो, से एडवांस टैक्स है कुछ रिफंड है उसको एडजस्ट करके लेस कर दो, बैलेंस शीट में एडवांस टैक्स भी है रिफंड भी है, दोनों को एडजस्ट करो, नेट ऑफ करो, बुक वैल्यू टोटल असेट्स में से बाहर निकाल दो उसको। बैलेंस शीट के असेट साइड पे अगर कोई आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको भी लेस कर दो, वो भी इग्नोर करो। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर बी पे आ जाओ। पॉइंट नंबर बी में क्या आएगा, ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क को कैसे वैल्यू करने का, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालने का, अ प्राइस विच द ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क विल फेच यू इन द ओपन मार्केट, उसके लिए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, जैसे कि यहां पर लिखा गया। ठीक है, थर्ड ग्रीन वाला शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को आपको डिटरमाइन करने का एज पर रूल 11UA, रूल 11UA में पूरा फॉर्मूला दिया गया इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, उस हिसाब से आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड और बिल्डिंग को आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर है, बाकी सारे असेट्स का बुक वैल्यू ले लो, उसमें से माइनस कर दो अगर कुछ इनकम टैक्स नेट ऑफ इन रिफंड से एडवांस टैक्स भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, उसका नेट लेके उसमें से लेस कर दो, और कोई एसेट साइड पे कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनअमोर्टाइज एक्सपेंडिचर कुछ है तो उसको भी लेस कर दो। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडिया के अंदर अभी ये सब चीज अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट कीप एन अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट, यू कैन नॉट कीप अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यू कैन नॉट कीप अ फिक्टिशियस असेट इन द बैलेंस शीट एज पर द लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडियस, बट अभी हो सकता है कोई कोई अकाउंटिंग सिस्टम किसी के अलग हो, इसलिए यहां पर इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, नाउ ये सब करने के बाद आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, उसमें से अभी एल लेस करना है। एल में क्या आएगा, बुक वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज एज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग और द डिविजन, उस डिविजन का, पूरे कंपनी का नहीं, उस डिविजन की जितनी भी लाइबिलिटीज है उसका बुक वैल्यू ले लो। ठीक है, ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग अमाउंट विच लेड टू सच अंडरटेकिंग, ये सब चीज उसमें मत लेना, अब ये सब चीज उसमें मत लेना, अभी जितनी चीज लेना नहीं है उससे ज्यादा चीज गवर्नमेंट ने बोला है कि क्या मत लेना, वो बोला है जितनी चीज लेने के बारे में बोला है ना उससे ज्यादा चीज गवर्नमेंट ने बोला है ये सब चीज मत लेना। सबसे पहले बैलेंस शीट देखो, सारी बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज देखो, सबका टोटल मार लो, अब उसमें से ये सब चीज लेस कर दो। ठीक है, क्या चीज, सबसे पहला पेड अप कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स लेस, निकालो निकालो, टोटल लाइबिलिटीज में नहीं आना चाहिए। अमाउंट सेट अपार्ट फॉर डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स वेयर सच डिविडेंड हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर एट अ जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द कंपनी, तो अगर कोई हम पैसा सेट अपार्ट किया है, मतलब साइड में निकाल के रखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए, लेस करो लेस करो लेस करो, बट वेयर सच डिविडेंड हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड, अगर वो डिक्लेयर नहीं किया है तो, अगर डिक्लेयर कर दिया है इसके पहले ही, ट्रांसफर करने के पहले डिक्लेयर कर दिया है तो फिर लेस करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें भी ट्विस्ट है, इतना अंदर नहीं घुसेगा आईसीआई, डोंट वरी, बट स्टिल। थर्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस सब लेस करो, ठीक है लेस करो,
by whatever name called, even if resulting figure is negative other than those set apart towards depreciation. लेकिन जो reserves and surplus depreciation की towards set apart किया है उसको less मत करो, उसको रहने दो, वो यहाँ पर L में से less नहीं होगा. फिर वापस से income tax का कुछ provision provision है उसको less करो. फिर कोई liabilities है उसको less करो, लेकिन ascertain other than ascertain liability मतलब unascertain liabilities को आप less करोगे, ascertain liability को नहीं, कोई अन, क्योंकि यहां पर लिखा एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजंस मेड फॉर मीटिंग लायबिलिटीज अदर देन असर्टेन लायबिलिटी मतलब अनअसर्टेन लायबिलिटी को आप लेस करोगे, असर्टेन लायबिलिटी को लेस नहीं करोगे. उसके बाद अमाउंट रिप्रेजेंटिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी लेस करो बट अदर देन अरियर्स ऑफ डिविडेंड पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. अगर बैलेंस शीट में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कुछ अरियर्स ऑफ डिविडेंड पड़ा हुआ है, उसकी लायबिलिटी है, सालों से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया, उसकी लायबिलिटी खड़ी हुई है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी आप लेस नहीं करोगे. अभी मैं आपको बता दूं ये पूरा फॉर्मूला कैसा कैसा है, ये पूरा आपने पहले पढ़ के रखे हो डीटी के अंदर. कहां पर सर? एग्जिट टैक्स में पढ़ा था, याद करना एग्जिट टैक्स. अगर आपको याद नहीं तो मैं बताता हूं, देखो ये एग्जिट टैक्स का एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था. हाँ ये देखो, ये दिखता है फॉर्मूला, ये सब सब सिमिलर लाइंस पे चल रहा है. वही है देखो, सेम कॉपी पेस्ट है यहां से वहां. इंटरलिंकिंग करना भी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, नहीं तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे. तो ये आपका एफएमवी वन हो गया. एफएमवी वन में क्या है, आपको पांच किस्म के असेट्स का, चार किस्म के असेट्स का टोटल मारना, एक लायबिलिटी लेस करना, जो भी अमाउंट आएगा वो एफएमवी वन. एफएमवी टू क्या है, एफएमवी टू में चार चीज का टोटल मारना है, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये चार चीज का टोटल मारो. अब ये चार चीज क्या है, सबसे पहले पॉइंट नंबर ई क्या है, आपने जो अंडरटेकिंग बेच के जो आपको पैसा मिला रोकड़ा मॉनिटरी कंसिडरेशन, वो लिखो ई में वो आएगा. लेकिन जरूरी है कि आपने अगर स्लम सेल किया तो आपको सिर्फ मॉनेटरी कंसिडरेशन ही मिलेगा, आपको स्लम सेल करके नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी तो मिल सकता है. इसीलिए तो याद करो फाइनेंस एक्ट 2021 में स्लम सेल का डेफिनेशन अमेंड हुआ है. कैसे अमेंड हुआ स्लम सेल का डेफिनेशन, पहले क्या था, स्लम सेल में सिर्फ सेल आता था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर किसी ने अपनी अंडरटेकिंग दिया और बदले में अगर कुछ लिया, पैसा नहीं लिया कुछ और लिया, तो क्या वो स्लम सेल में नहीं आएगा. तो गवर्नमेंट ने बोला स्लम सेल का नाम बदल के लिखो, अंदर सेल हटाओ और वहां लिखो ट्रांसफर, और ट्रांसफर में सब आ जाता है, एक्सचेंज भी आ जाता है, रिलिंक्विशमेंट भी आ जाता है, एक्सचेंजमेंट भी आ जाता है, वो सब कुछ आ जाता है ट्रांसफर के अंदर. इसीलिए द वर्ड सेल इज नाउ एक्सपेंडेड टू द वर्ड ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ने सेल वर्ड को एक्सपेंड करके क्या बना दिया, ट्रांसफर वर्ड बना दिया. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसका स्कोप को बहुत वाइडन अप कर दिया. चलो बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी था. तो अगर गवर्नमेंट बोलता है कि सेल स्लम सेल में सिर्फ सेल नहीं आएगा एक्सचेंज भी आएगा, तो अगर मुझे एक्सचेंज में कुछ मिलता है तो उसका वैल्यू कैसे करूंगा, वो एफएमवी टू बताएगा आपको. तो सब इंटरलिंक्ड है बेटा, अगर आपको नहीं याद है तो आप याद करो. देखो यहां पर स्लम सेल का डेफिनेशन मैंने डाला हूं कि नहीं डाला हूं. हाँ, स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग बाय एनी मीन्स. पहले यहां पर क्या था, बाय सेल था, अब बोल दिया गवर्नमेंट ने बाय एनी मीन्स, और गवर्नमेंट ने यहां पर ट्रांसफर के डेफिनेशन को नीचे एक्सप्लेन कर दिया जिसमें एक्सचेंज भी आ जाएगा. आई होप यू रिमेंबर द लॉजिक व्हिच आई हैव सेड यू इन द क्लास. मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था क्लास में कि इन्होंने स्लम सेल को चेंज करके बाय एनी मीन्स क्यों कर दिया है. एनीवे, स्लम सेल टू एफएमवी टू में क्या आएगा, सबसे पहले ई में क्या आएगा, जो पैसा मिला आपको बेच के. चलो ठीक है, पैसा ही मिला जरूरी है नहीं, कुछ और भी तो मिल सकता है. तो और क्या मिल सकता है, अब नॉन मॉनेटरी आइटम कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू कैसे करोगे. एफजीएच में वो बोला गया है, ठीक है बराबर से देखना. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन 11UA. तो अब 11UA में जो भी मेंशनड है, जैसे 11UA में क्या मेंशनड है, शेयर्स मेंशनड है, सिक्योरिटीज मेंशनड है. अगर आपको अपना अंडरटेकिंग बेचकर 11UA में जो चीजें मेंशनड है वो मिलती है तो उसका वैल्यू आप 11UA के हिसाब से करोगे. अच्छा, जो 11UA में है वो नहीं मिल रही है बल्कि कुछ और मिल रही है, तो उसका वैल्यू कैसे करोगे, उसका वैल्यू आप पॉइंट नंबर जी के हिसाब से करोगे.
The non-monetary consideration received or accruing as a result of transfer represented by property other than immobile property क्योंकि यहाँ पर mentioned है, और which is not referred in 11UA, 11UA में हर चीज mentioned नहीं है, दुनिया का हर asset 11UA में mentioned नहीं है, बहुत सारी चीजें जो 11UA में mentioned नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप FMV ले लोगे। FMV कौन सा, वो जो ऊपर वाला registered valuer से report से बनवा के FMV लेना होता है ना, वो वाला FMV। So point number E में क्या आएगा, आपको slum sale करके जो पैसा मिल रहा है। पॉइंट नंबर एफ में अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल रही है जो 11UA में कवर्ड हो तो 11UA के हिसाब से वैल्यूएशन करो। ऐसी कोई चीज मिल रही है जो 11UA में कवर्ड नहीं है या इमोबल प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि कुछ और है तो फिर आप उसको मार्केट वैल्यू निकालो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और अगर आपको इमोबल प्रॉपर्टी मिल रही है तो आपको उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये करने के बाद आपको एफएमवी टू आएगा। एफएमवी वन और एफएमवी टू दोनों को कंपेयर करो, व्हिचएवर इज हायर वो बन जाएगा आपका सेल कंसिडरेशन, फिर नेटवर्थ से कंपेयर करो और देखो कैपिटल गेन्स कितना आता है। ठीक है, अच्छा ये एफएमवी ऑफ द कैपिटल एसेट किस दिन पर लेना है वो भी नीचे लिखा हुआ है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल एंड फॉर दिस पर्पस वैल्यूएशन डेट शैल बी द मीन द डेट ऑफ स्लम सेल। आप ये सब वैल्यू किस दिन करोगे, स्लम सेल के दिन पर वैल्यू करोगे, जिस दिन स्लम सेल हुआ वो दिन पर आप ये सारा का सारा वैल्यूएशन करने वाले हो, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, नाउ इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में आईसीआई ने कवर किया है। तो ये सेशन सिर्फ आपको एक्स्ट्रा रूल्स पढ़ाने के लिए नहीं है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने के लिए भी है। जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कुछ अच्छे क्वेश्चंस ऐड हुए वो मेरे को आपको करवाना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मिस श्रीराम एंटरप्राइज अ प्रोप्राइटरशिप हैविंग टू यूनिट्स, यूनिट वन इज ट्रांसफर्ड ऑन 1st of April 2021 बाय वे ऑफ स्लम सेल for a total consideration of how much 14 lakhs, unit 1 was started in the year 2005-2006, so ye 14 lakhs kya hoga aapka actual consideration, ye aapko FMV 2 mein kaam aayega, FMV 1 mein kuch kaam nahi aane wala। Expenses incurred is 38,000, to wo aap baad mein less kar dena, balance sheet diya gaya, balance sheet ke andar unit 1 unit 2 dono ka data diya gaya। Theek hai, now revaluation reserve is created by revising upward the value of building unit 1, the stamp duty value as on 1/4/2021 is 10 lakhs. No individual value of any asset is considered in the transfer deed. Patents were acquired on 1st of July 2019 on which no depreciation has been charged. Compute capital gains for AY 22-23. Now listen carefully. ठीक है, slum sale का capital gains कैसे आता है? Slum sale का capital gains इस तरीके से आता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले ना ये FMV ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेटवर्थ ढूंढेंगे। और ये तो 38,000 दिया ये क्वेश्चन में, तो अपने आप अपने को कैपिटल गेन्स आ जाएगा। ठीक है, अपने आप नहीं आएगा, बहुत मेहनत करके आएगा, इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। तो एफएमबी वन में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में क्या है, ठीक है, ए में क्या है, ए में बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स अदर देन ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क शेयर सिक्योरिटीज इमोबल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या इस क्वेश्चन में इमोबल प्रॉपर्टी है। द आंसर इज यस, इमोबल प्रॉपर्टी है। तो इमोबल प्रॉपर्टी को कैसे वैल्यू करना है, उसको आपको 10 लाख रुपया लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इमोबल प्रॉपर्टी में आपको लेना पड़ता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहां पर दी गई है 10 लाख बराबर। और क्या है, मशीनरी कहां पर आएगी, मशीनरी और डेटर कहां पर आ जाएंगे और पेटेंट कहां पर आ जाएंगे बताओ मेरे को। मशीनरी क्या ए में आएगी, बी में आएगी, सी में आएगी, डी में आएगी, कहां आएगी बताओ। मशीनरी बी में तो नहीं आ सकता है, मशीनरी सी में भी नहीं आ सकता है, मशीनरी डी में भी नहीं आ सकता है। तो मशीनरी को ए में लेना पड़ेगा बुक वैल्यू, पेटेंट भी बी में नहीं आ सकता है, सी में नहीं आ सकता है, डी में नहीं आ सकता है, तो ए में लेना पड़ेगा बुक वैल्यू। डेटर्स भी बी में नहीं आ सकता है, सी में नहीं आ सकता है, डी में नहीं आ सकता है, तो ए में लेना पड़ेगा बुक वैल्यू। ये तीनों का बुक वैल्यू उठा लो और क्या, ये 4 लाख, ये 2 लाख और ये 2,50,000। यूनिट 1 ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो उसका डेटा उठाना, टोटल का डेटा नहीं उठाना, सब गड़बड़ हो जाएगी, पहले ही बोल रहा हूं। तो ये 4 लाख 2 लाख 2 लाख 50,000 कितना हो गया 18,50,000। ठीक है, अब लाइबिलिटीज में क्या करना है आपको, लाइबिलिटीज लेस करना है, सारी लाइबिलिटीज लेस करना है, बट एक्सक्लूडिंग दिस ये सारी चीजें नहीं आएगी उसमें। तो अब क्या क्या चीज नहीं आएगी, सारी लाइबिलिटीज मतलब क्या, सारी लाइबिलिटीज का टोटल कितना है 2,950 है। अब उसमें क्या क्या मना किया है गवर्नमेंट ने, सबसे पहले पेड अप कैपिटल मना किया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व मना किया है, मना किया कि नहीं मना किया है, मना किया है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों चीज तो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे मना किया है। हाँ, अब फिर आएगा क्या भाई, 2,950,000 में से ये नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, और इन दोनों में से इनका प्रोपोर्शनेट आ सकता है, मतलब ये 4 लाख का सिर्फ 70%, मतलब 2.8 लाख बराबर,
और 350,000 का 25%, बस इतना ही आ सकता है तुम्हारी लाइबिलिटी के अंदर, और कुछ नहीं आ सकता है, चेक करो। तो लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा 367,500। कैसे आया सर? अरे 4 लाख का 70% 2,80,000 प्लस, ये 350,000 का 25% जो भी आता है, वो जो भी टोटल मारोगे 367,500 आ जाएगा। ये सब करने के बाद आपको FMV 1 जो आती है वो आती है 14,82,500 रुपीज। अब FMV 2 क्या है? FMV 2 के अंदर आपका E प्लस F प्लस G प्लस H, अभी जो E है वो है एक्चुअल कंसिडरेशन। E क्या है आपका? एक्चुअल कंसिडरेशन है यहां FMV 2 के अंदर, ठीक है। लेकिन F, G और H जो है वो आपका नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। क्या इस क्वेश्चन में आपको कुछ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है? द आंसर इज अ बिग नो। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी नो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इज देयर। अगर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होता तो फिर उसकी वैल्यू निकाल के वहां पर डालनी पड़ती अपने को, वो एग्जामिनर ही देगा वैल्यू, अपने को निकालते नहीं बैठना है। जैसे यहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उन्होंने दे दिया तो वो उनको देना पड़ेगा, मैं थोड़ी बैठ के निकालते बैठूंगा उसमें। देयरफॉर FMV 2 के अंदर ई तो है लेकिन एफ जी एच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने को स्लम सेल करने पर कुछ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो एफ जी एच नहीं आ सकता है। एफ जी एच नहीं आ सकता है तो फिर ई तो सिर्फ 14 लाख है, तो ये 14 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? ये 14 लाख हो जाएगा, ये 14 लाख टू 14,82,500। Therefore, whichever is higher will come to 14,82,500 and this will be your sale consideration. I hope it is clear to you. Is it? और किस दिन को करना है आपको ये सब कुछ? 1 अप्रैल। क्यों? क्योंकि प्रोविजन में लिखा है जिस दिन स्लम सेल होता है उसी दिन की आपको सारी की सारी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेटवर्क निकालने का कैसे हो मेरे को पूछो मत, वो आपने पहले बहुत बार किया है, ठीक है। नेटवर्क कैसे आता है भाई? हाँ, बिल्डिंग का क्या लोगे? वैसे तो डेप्रिशिएबल वैल्यू लेना चाहिए लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन का डिटेल नहीं है तो 13 लाख ले लो और क्या। मशीनरी का भी डेप्रिशिएबल वैल्यू लेना चाहिए लेकिन वहां पर डेप्रिसिएशन का डिटेल नहीं है तो 4 लाख ले लो, क्योंकि डेप्रिशिएबल असेट्स का वैल्यू इनकम टैक्स की WDV लेनी होती है एज पर सेक्शन 43(6), सेक्शन 43 क्लॉज 6 सब क्लॉज सी आइटम 1 सब आइटम सी। मैंने आपको बताया था 43(6) C1C के हिसाब से लेना पड़ता है, याद करो, उतना गहराई में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर अपने पास इन सब चीजों की डेप्रिशिएबल वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू लेके खत्म करो। डेटर का भी बुक वैल्यू ही लोगे और पेटेंट का भी डेप्रिशिएबल वैल्यू लेना चाहिए लेकिन पेटेंट का डेप्रिशिएबल वैल्यू यहां पर निकाल सकते हो तो निकालो। देखो यहां पर निकाल सकते हो, पेटेंट्स वर अक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2019 और ये कौन सा साल है? जुलाई 2019। तो 2019-20 का डेप्रिसिएशन लेस करो पेटेंट से, 2021 का भी डेप्रिसिएशन लेस करो, जो अमाउंट बचेगा वो आपका बन जाएगा पेटेंट का वैल्यू। तो पेटेंट आप निकाल सकते हो तो निकालो। अगर ये इसी तरीके से अगर बिल्डिंग और मशीनरी कभी खरीदा ये दिया होता ना, डेट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग मशीनरी दिया होता ना, तो वो भी निकालना पड़ता आपको, लेकिन लकीली वो दिया नहीं है, ठीक है। फिर लाइबिलिटी में क्या है? लाइबिलिटी में इसका 70% ले लो, इसका 25% ले लो, आंसर आ गया। और क्या? नेटवर्थ चेक करो। नेटवर्थ कंप्यूटेशन मेरे को सिखाना नहीं है आपको, यहाँ पर वो सब चीज आप करके बैठे हो पहले डीटी के अंदर। कहां पर है नेटवर्क? हाँ ये, हाँ बिल्डिंग में भी आपको रिवैल्यूएशन एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि आपके नेटवर्क कैलकुलेशन में से आप रिवैल्यूएशन इग्नोर करते हो, ठीक है। मशीनरी 4 लाख, डेटर, पेटेंट का कैलकुलेशन आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन 25% लेस करके 146.25 आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स QSR, क्योंकि ये जो यूनिट है ये 2005-06 में शुरू हुई थी इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बहुत गंदगी मच चुकी है, थोड़ा सा इसको साफ कर देता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट, दैट इज सेक्शन 50B वाला अमेंडमेंट। जहां पर भी इलस्ट्रेशन की जरूरत है मैं वो भी करवाऊंगा, डोंट वरी आप लोगों। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अ वेरी सिंपल वन, बहुत ही सिंपल है। या आपने नया सेक्शन आया था 194P आते सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 75 ईयर्स से ज्यादा है और अगर वो सिर्फ पेंशन इनकम कमाते हैं, किसी स्पेसिफाइड बैंक से पेंशन इनकम कमाते हैं और उसी बैंक से अगर वो इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, सेम बैंक से अगर इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं और उनका TDS अगर कट चुका है तो उनको ITR भरने की जरूरत नहीं है। याद आता है? जाकर पहले 194P पढ़ के आओ, जाओ। तो उस केस में जो सीनियर सिटीजन है ना उसको बैंक को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भाई तेरी इनकम कितनी है, कितना क्या कमाया, क्या डिक्लेरेशन दे चल। तो वो डिक्लेरेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था हम एक फॉर्म प्रिस्क्राइब करेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब किया? द आंसर इज यस, गवर्नमेंट ने फॉर्म प्रिस्क्राइब किया, बस उसी वही अमेंडमेंट है और कुछ नहीं है।
ये जितने भी रूल्स जो प्रिस्क्राइब करने थे, जो जो प्रिस्क्राइब, जिधर जिधर हमने इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब पढ़ा था, जिधर जिधर प्रिस्क्राइब कर दिया, वो मैं आज बता रहा हूं, बस और कुछ नहीं। द डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, वो 75 ईयर्स वाले अंकल, टू द स्पेसिफाइड बैंक शैल बी इन फॉर्म नंबर 12BBA। ये फॉर्म नंबर 12BBA आपको MCQ में पूछ ले, भरोसा नहीं। ये फॉर्म नंबर 12BBA में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन के बेसिस पर TDS कटेगा आपका, ठीक है। ये भाषण दिया गया है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है इधर। प्लस द डिक्लेरेशन रेफर टू इन सब रूल 1 एंड एविडेंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शन द चैप्टर 6 से रेफर टू इन सब रूल 3 शैल बी प्रॉपरली मेंटेन बाय स्पेसिफाइड बैंक। स्पेसिफाइड बैंक को ये सारे डिक्लेरेशन संभाल के रखना पड़ेगा। और जब भी चीफ कमिश्नर या कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर आपसे डिक्लेरेशन मंगवाएगा, आपको उनको देना पड़ेगा। तो मतलब ये सारे अंकल लोग के डिक्लेरेशन बैंक को संभाल के रखना, ठीक है। सेक्शन कब एप्लीकेबल है वो भी याद करना, अंकल की एज 75 ईयर्स होनी चाहिए, ये चेक करो यहाँ पर, ठीक है। 75 ईयर्स अंकल की एज होनी चाहिए, और अंकल रेजिडेंट भी होना जरूरी है, और उनको पेंशन इनकम मिलती है, और उसी बैंक से उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी कवर्ड है। अच्छा, बैंक TDS काटते समय चैप्टर 6 से कंसिडर करेगा? यस करेगा। रिबेट भी कंसिडर करेगा, चैप्टर 6 से भी कंसिडर करेगा। ये सब चीज मैंने आपको बोला हूं पहले, TDS के चैप्टर में जाके पढ़ लेना 194P। नाउ इसी के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन रखा है, तो वो देख लेते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर शर्मा रेजिडेंट इंडियन एजेड 77 ईयर्स, तो 77 ईयर है, रेजिडेंट भी है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है अब तक। तो गेट्स अ पेंशन ऑफ 52,000 पर मंथ फ्रॉम यूपी स्टेट गवर्नमेंट, द सेम इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन SBI लखनऊ ब्रांच। In addition, he gets interest at the rate of 8% on fixed deposit of 20 lakhs with the said bank. तो उनको 20 लाख पे सेम बैंक के अंदर, सेम बैंक से FD पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। Out of the deposit of 20 lakhs, 2 lakhs represents 5-year term deposit. 5-year term deposit का क्या फायदा है? 5-year term deposit अगर आप करते हो SBI के साथ, जो एक शेड्यूल बैंक है, तो आपको ATC में डिडक्शन मिलता है। जाकर चेक करना, ATC में डिडक्शन मिलेगा अगर 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट करते हो। 5 ईयर से कम का टर्म डिपॉजिट करोगे, FD अगर 5 साल से कम की रखोगे, ATC में डिडक्शन नहीं मिलने वाला। नाउ इंटरेस्ट ऑन इज सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिटेड टू इज बैंक अकाउंट, सेम बैंक अकाउंट 9,500। अभी अपने को बहुत सारे आंसर करने, ठीक है। अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, 115 BAC में नहीं जा रहा है, अब उसकी इनकम कंप्यूट करते। अंकल को 52,000 इंटू 12 मिल रहा है, ठीक है। अंकल की एज 77 ईयर्स है, तो एज गैप तो अंकल, एज लिमिट तो अंकल ने क्रॉस कर दी है। अंकल रेजिडेंट भी है, अंकल सिर्फ और सिर्फ पेंशन कमा रहे स्पेसिफाइड बैंक से, और उसी बैंक से सिर्फ इंटरेस्ट कमा रहे FD पे और सेविंग बैंक पे। तो अंकल ने सारे कंडीशन फुलफिल कर दिए, अब बैंक को TDS काटना पड़ेगा, और अंकल को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फॉर्म 12ABB में, सॉरी फॉर्म 12BBA में। तो ये 6,24,000 अंकल इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें से 50,000 का अंकल को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, अंकल को FD पे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा 20 लाख पे 8%, 1,60,000, और 9,500 रुपए का उनका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। ये खाली ये जो इंटरेस्ट है ना, थोड़ा ऊपर चला गया बस, और कुछ नहीं। ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक नीचे आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मेटिंग एरर, छोड़ो उसको, इग्नोर करो। तो ये टोटल इनकम अंकल की। अब अंकल को डिडक्शन क्या मिलेगा? एक तो अंकल ने 20 लाख के FD में से 2 लाख रुपया टर्म डिपॉजिट है, तो अंकल को 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन सीधा सीधा मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1.5 लाख का सीधा डिडक्शन मिलने वाला है। प्लस ATTTB में अंकल सीनियर सिटीजन है, तो उनको FD और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का मिलाकर 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, ATTTB में। ये सब करने के बाद अंकल की टोटल इनकम 543,500। अंकल की एज 77 ईयर से, 80 साल से कम है, तो अंकल का स्लैब रेट क्या होगा? 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 80 ईयर से ज्यादा होता तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन यहां पर अंकल को 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। 3 लाख से 5 लाख तक अंकल को 5% और 5 लाख के ऊपर अंकल को 20%, तो उस हिसाब से अंकल का टैक्स आ जाएगा 19,450। अगर बैंक उनका TDS काट देता है तो अंकल को ITR भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ट्विस्ट और सुन लो अभी। इफ द फिक्स डिपॉजिट ऑफ 20 लाख इज विद अ बैंक अदर देन SBI, अगर ये 20 लाख SBI के साथ नहीं होता बल्कि किसी और के साथ होता, तो अंकल बुरी तरह फंस जाते, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपको रिलैक्सेशन यहां पर कब मिलेगा? जब आप सेम बैंक से, चेक करो, Also, he should not have any other income except interest income received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving pension. पता चल रहा है, पेंशन SBI में मिल रहा है, और FD आप ICICI बैंक में बना रहे हो, या कोटक में बना रहे हो, या तो आप यूनियन बैंक में बना रहे हो, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, आप 194P के बाहर निकल जाओगे, आपको ITR भरना पड़ेगा। चेक करो,
Then Mr. Sharma would not qualify as specified senior citizen. In his case, Mr. Sharma would have to file the return of income since his total income exceeds the basic exemption limit. ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ तो यहां पर 194P का डिस्कशन खत्म होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ बिग वन नाउ. नाउ दिस इज द बिगेस्ट डिस्कशन ओवर ईयर. अभी जितने भी बचे हुए डिस्कशन है उसमें सबसे बड़ा डिस्कशन यहां पर यही है. ये भी एक नया सेक्शन आपको पता होगा, फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था, दैट इज 194Q. क्या बोलता है ये सेक्शन, उसके बारे में मैंने एक ब्रीफ आइडिया यहां पर डाल दिया है आपको. ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर आप किसी रेजिडेंट सेलर से 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स खरीदते हो तो आपको 0.1% का TDS काटना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज. उसमें बायर का गवर्नमेंट ने डेफिनेशन डाला है कि बायर कौन होता है. बायर वो होता है जिसका पिछले साल का टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज ग्रेटर देन 10 करोड़ रुपीज. अगर पिछले साल का टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज ग्रेटर देन 10 करोड़ रुपीज तो आपको करंट ईयर में क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में 194Q में कुछ भी खरीदोगे तो आपको TDS काटना पड़ेगा अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का खरीदते हो तो किसी रेसिडेंट सेलर से. ठीक है, नाउ इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाला था कि पावर ऑफ CBDT टू इश्यू गाइडलाइंस. अगर जरूरत पड़े तो CBDT क्या कर सकती है, आगे जाकर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के प्रोविजन ला सकती है. और CBDT ने रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के प्रोविजन लाए और दिल खोल के लाए और CBDT ने यहां पर तहलका मचा दिया. ठीक है, तो यहां पर तहलका मच चुका है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा CBDT ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है. एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ पकड़ के इतना क्लैरिफिकेशन दिया है. बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आर ऑन सिमिलर लाइंस व्हिच वी हैव डन फॉर सम अदर सेक्शंस अर्लियर. से 194O में पढ़ा था, 206C सबसेक्शन 1H के लिए पढ़ा था TCS में, वहां के भी कुछ यहां पर आपको क्लैरिफिकेशन सिमिलर लेवल पे दिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले पावर ऑफ CBDT टू इशू गाइडलाइंस, ये सेक्शन बोलना मत, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन है. इस पे मैंने आपको क्लास में क्वेश्चंस भी करवाया हूं, अगर आपको याद है तो इस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जहां पर मैंने आपको बोला था कि थ्रेशोल्ड कैसे काउंट करते हैं, 0.1% किस अमाउंट का लेना है एक्सेट्रा. आप जाके अपनी प्रैक्टिकल बुक के अंदर इस पे क्वेश्चन देख लेना. ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है, बायर के लिए एप्लीकेबल है अगर वो किसी रेजिडेंट सेलर से गुड्स खरीदता है. कितने का गुड्स खरीदता है, पूरे साल में 50 लाख रुपीज से ज्यादा का गुड्स खरीदता है तो TDS काटना पड़ेगा 0.1% ऑफ द एक्सेस अमाउंट. एक्सेस मतलब 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट है उसका TDS काटना पड़ेगा. अच्छा, और बायर कैसा होना चाहिए, बायर का भी गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दिया है कि लास्ट ईयर का टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस हैज टू बी ग्रेटर देन 10 करोड़ रुपीज, तो ही उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है. अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर इज अप टू 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम बिजनेस तो इसको करंट ईयर में 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदने पर भी TDS काटने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, नाउ तो अब CBDT ने क्या रिमूवल किया डिफिकल्टी का, कौन कौन से डिफिकल्टी को रिमूव करने की कोशिश की है CBDT ने, एक एक करके हम लोग बारीकी से देखते हैं. पहले CBDT का भाषण पढ़ लेते हैं. इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी अराइजिंग इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द CBDT इज एम्पावर्ड टू इशू गाइडलाइंस विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी. एवरी गाइडलाइन इशूड बाय CBDT शैल बी लेड डाउन इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. आपको पार्लियामेंट के हाउस में ले डाउन करना पड़ेगा, आपको इसको लोअर हाउस और अपर हाउस में चर्चा के लिए उतारना पड़ेगा, तभी जाकर आपका यह नोटिफिकेशन वैलिड होगा. उसी तरीके से CBDT ने नोटिफिकेशन लेकर आ गया जिसमें CBDT ने अब कितने लोगों की डिफिकल्टी को दूर करने की कोशिश की है. चलो देखते हैं. सबसे पहले ये जो पहली डिफिकल्टी दूर की है ये समवट सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन अर्लियर. अपन ने इसको पहले भी पढ़ा है, मैं आपको बताता हूं कहां पर. मैं आपको बताता हूं, ये अपनी बुक है, समरी बुक है, और यहां पर अगर आप देखो 194O सेक्शन, ये दिखता है 194O, यहां पर देखना, ये दो जो लोगों की डिफिकल्टी दूर की है यहां पर, दैट 194O शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू सर्टन सेक्शंस, इन रिलेशन टू सर्टन ट्रांजेक्शन. उसमें ये दो ट्रांजेक्शन दिया है कि अगर आप ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज या ट्रांजेक्शन इन कमोडिटी करते हो या ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इनमें ट्रांजेक्शन करते हो तो 194O नहीं लगेगा. सिमिलरली यहां पर भी अमेंडमेंट आ गया है DT के एक्स्ट्रा रूल में, देखो सेम टू सेम अमेंडमेंट है, दैट 194Q विल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड वन ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड पावर एक्सचेंज. यहां पर लिख लेता हूं मैं, इट इज व्हाट सिमिलर टू सेक्शन 194O, ताकि अपनी क्या हो जाए यहां पर भी एक किस्म की इंटरलिंकिंग. ठीक है, ये इंटरलिंकिंग हो जाए. ठीक है, ये पहली चीज.
तो ये तो सेम ही चीज है, इसमें कुछ नई चीज नहीं। तो 194Q के लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है, कि इन दो कैटेगरीज में आपको 194Q नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत लंबा सर्कुलर है, बहुत सारी चीजें बोली है। सेकेंड चीज, आप थ्रेशोल्ड कैसे काउंट करोगे, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, इसमें कुछ भी नया नहीं आने वाला। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कैसे सर। देखो सबसे पहले ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल है, 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल, सपोज दिस इज प्रीवियस ईयर 21-22 एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 to 31 मार्च 2022। लेकिन ये सेक्शन बीच में से शुरू होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या मस्ती है बीच में से सेक्शन डालने की। ये सेक्शन शुरू होता है 1 जुलाई 2021 से, ठीक है, 2021। मैं एक बायर हूं, ठीक है। अब मेरे लिए सेक्शन कब एप्लीकेबल है, जब मेरा पूरे साल का परचेज इज मोर देन 50 लाख रुपीज, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है 50 लाख काउंट करने के लिए मैंने जो इसके पहले परचेज किया है, मतलब थ्रेशोल्ड काउंट करने के लिए मैंने जो 1 जुलाई के पहले परचेज किया है, क्या थ्रेशोल्ड काउंट करने के लिए वो भी काउंट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, थ्रेशोल्ड काउंट करने के लिए वो भी काउंट करना पड़ेगा। उस पर टीडीएस नहीं काटोगे आप, टीडीएस आप सिर्फ उसी पे काटोगे जो इसके बाद पेमेंट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने ऑलरेडी यहां पर 60 लाख रुपीज का परचेज कर लिया था, आप इस पर टीडीएस नहीं काटोगे। लेकिन अगर इसके बाद आप और कुछ पेमेंट करते हो से 20 लाख रुपए का, तो आपको 20 लाख रुपए पे टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज थ्रेशोल्ड काउंट करने के लिए आपको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको क्लास में बताया था और इस पे मैंने रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाया हूं, क्लास के अंदर जाकर चेक कर लेना, ठीक है। देयरफॉर जो भी पेमेंट जुलाई के पहले हुआ है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। कितना भी 10 करोड़ का भी अगर पेमेंट परचेज आपने जुलाई के पहले किया है, उस पर टीडीएस नहीं कटने वाला है। लेकिन जुलाई के बाद जब आप टीडीएस काटने के बारे में सोचोगे, तो 50 लाख क्रॉस होता है कि नहीं होता है वो काउंट करने के लिए अप्रैल से लेकर जून तक का पेमेंट भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो वो भाषण यहां पर दिया गया, ये सिमिलर लॉजिक आपको मैंने क्लास में बताया था। इस पे एक सर्कुलर देने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट चलो ठीक है, क्लैरिटी रहेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि बड़े अमाउंट है। चलो पढ़ लेते एक बार ये क्या दिया। सेक्शन 194Q हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। Accordingly, as regards the manner of computation of threshold of 50 lakh specified under this section, it is clarified that since the threshold of 50 lakh is with respect to previous year, calculation of sum for triggering TDS under 194Q shall be computed from 1st April 2021. Hence, if a person being a buyer has already credited or paid rupees 50 lakhs or more up to 30th June to the seller, TDS under 194Q shall apply on all credit and payment made during the previous year on or after 1st July 2021 to seller. As regard whether the tax is required to be deducted in respect of advance paid before July and some credited thereafter, it is clarified that since the section 194Q mandates buyer to deduct tax on credit of some, ye bahut important paragraph hai, zara is pe dhyan dena. As regards whether tax is required to be deducted in respect of advance paid before July 2021, मान लो अगर मैंने एडवांस जुलाई 2021 के पहले पे किया लेकिन क्रेडिट मैंने जुलाई के बाद किया, तो क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? तो यहां पर गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि एडवांस अगर पहले पे कर दिया है जून में और क्रेडिट बाद में किया है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टीडीएस इज डिडक्टेबल ऑन एन इवेंट विच एवर इज अर्लियर, दैट इज इफ यू क्रेडिट और इफ यू पे विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से अगर कोई भी इवेंट अगर जुलाई से पहले होती है, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देन यू कैन से Your event got stuck in that period when the section was not applicable. तो आपकी event वहां पर आकर रुक गई जब section applicable ही नहीं था। तो बराबर से देखना। It is clarified that since 194Q mandates buyer to deduct tax on credit of sum in the account of the seller or payment of such sum, whichever is earlier, the provision of section 194Q shall not apply on any sum credited or paid before 1st July 2021. If either of the two events, that is या तो payment या तो credit in the books, दोनों में से कोई भी एक event June या May या April में हो जाती है, that is 1st July के पहले, 194Q is not applicable. ये last line बहुत critical है, इसको underline कर लोगे तो काफी है. If either of the two events had happened before 1st July 2021, that transaction would not be subject to section 194Q. ठीक है, एक बार देख लो, फिर आगे के circular की तरफ बढ़ते हैं. Now the next point is a very very intelligent point, bahut zyada dhyan se sunna. Adjustment for GST purchase return. Ab yahan par dekho kya bolta hai CBDT 194Q ke liye. 194Q samjhane ke pehle CBDT aapko 206C1H par leke jata hai. Sir 206C1H kya tha? Jahan par seller ko kuch saman bechne par aapse TCS collect karna hota hai. Yaad aata hai aapko, jab seller aapko saman bechta hai to TCS collect karta hai. Ye hai 206C1H.
कितने का सामान बेचता है आपको? 50 लाख रुपए का सामान बेचता है सेलर, तो टीसीएस कलेक्ट करता है। याद आता है सेलर का डेफिनेशन क्या था? पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, वो सेलर होता है। तो यहां पर भी ना परचेस रिटर्न जीएसटी का क्या होगा उसके बारे में साफ साफ बोला था। तो यहां पर इन्होंने साफ साफ बोला था नो एडजस्टमेंट 206C1H सीवीडीटी 194Q के बारे में एक्सप्लेन करने के पहले आपको 206C1H में लेकर जाना चाहती है। तो वहां पर मैंने भी आपको क्लास में साफ साफ बोला था, यहां पर आपके नोट्स में भी दिखा है, प्रूफ है आपके सामने कि नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी ये सब चीज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज 206C1H जो है वो रिसीट जितना मिलता है ना आपको, आपको कितना पैसा मिला उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। अब उस पैसे में जीएसटी इंक्लूड है क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस पैसे को आप वापस रिटर्न कर दोगे नहीं रिटर्न करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, परचेस रिटर्न होता है सेल्स रिटर्न होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी 206C1H में जीएसटी कॉम्पोनेंट पर भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और 206C1H के अंदर अगर आप परचेस रिटर्न भी कर देते हो सेल्स रिटर्न भी कर देते हो तो भी आपको जीएसटी कॉम्पोनेंट पे टीडीएस तो भी आपको टीडीएस कंप्यूट करके गवर्नमेंट को भरना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया था 2020 में एक सर्कुलर इशू करके जो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू 194Q? 194Q इज नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर बट इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बायर। और बायर जब कोई सामान खरीद रहा है सामने वाले को पेमेंट कर रहा है, सपोज मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं 1 करोड़ रुपए का, उसमें 5% जीएसटी लगेगा, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपया मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सवाल ये उठ रहा है तो मैं क्या टीडीएस 1 करोड़ पे काटूंगा या 1 करोड़ 5 लाख पे? सेलर के लिए तो बहुत सिंपल गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है, किसके लिए? सेलर के लिए तो बोला है पूरे अमाउंट पे टू टीसीएस कलेक्ट करेगा, परचेस रिटर्न भी गया भाड़ में। लेकिन बायर के पर्सपेक्टिव से क्या, बायर जब टीडीएस काटेगा टीसीएस तो पूरे अमाउंट पे कटेगा, ये तो पिछले साल ही क्लैरिफाई हो गया है। तो अब टीडीएस की बारी आती है 194Q में, तो टीडीएस क्या पूरे अमाउंट पे कटेगा या एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पे कटेगा? परचेस रिटर्न के बारे में बाद में बात करता हूं, पहले जीएसटी की बात करता हूं। तो यहां पर सीबीडीटी ने अपने को एक सर्कुलर याद दिलाया जो अपन ने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था 2017 में, जिसमें बोला था साफ साफ कि अगर सामने वाला बंदा अगर रेजिडेंट है और सामने वाला बंदा अगर आपको इनवॉइस में ब्रेकअप देता है कि जीएसटी इतना और इनवॉइस वैल्यू इतना, जीएसटी इतना बेसिक प्राइस इतना, तो आपको जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस नहीं काटना होगा। तो ये सेम लॉजिक यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा विथ सम मॉडिफिकेशन। तो देखो ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने वापस से यहां पर रेप्लीकेट कर दिया है कि टीडीएस कभी भी जीएसटी पोर्शन पे नहीं कटता है। जब आप किसी को रेंट का पेमेंट करते हो और साथ में जीएसटी भी देते हो, जीएसटी पे कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो उसमें साथ में जीएसटी इंक्लूड है, जीएसटी के ऊपर कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। ये लॉजिक पहले सर्विस टैक्स के लिए था, अब वही लॉजिक जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। देयरफॉर जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस नहीं कटेगा। अब गौर से सुनना मेरी बात, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे डाले हैं। अगले पैराग्राफ में सीबीडीटी ने वही बोला है कि अगर आप किसी से गुड्स खरीदते हो, ठीक है, और सामने वाले ने आपको आज इनवॉइस दे दिया और आपने एंट्री मार दिया परचेज अकाउंट डेबिट, तो जो भी सामने वाले का नाम है उसने आपको ब्रेकअप दे दिया, 1 करोड़ बेसिक वैल्यू, 5 लाख रुपया तुम्हारा जीएसटी, तो आप उसके जीएसटी के ऊपर टीडीएस मत प्रोविजन मारो, आप सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर प्रोविजन मारो और फिर बाद में अगले महीने में उसका टैक्स भर देना। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप आज की तारीख में उससे गुड्स खरीद रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, क्रेडिट पहले कर रहे हो। अब टीडीएस कब काटना है आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, सब कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो टीडीएस कब काटना है इस सेक्शन में आपको 194Q में टीडीएस काटने का टाइमिंग क्या है? क्रेडिट और पेमेंट विचेवर इज अर्लियर। अब अगर पहले मैंने क्रेडिट करा, पेमेंट अब तक नहीं किया हूं, पेमेंट आगे जाके करूंगा, आज मैंने क्रेडिट कर दिया बुक्स में, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेस अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू टीडीएस, टू टीडीएस जो भी अमाउंट है 1 करोड़ 5 लाख प्लस ब्ला 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 जो भी जर्नल एंट्री मार दिया मैंने, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से। अगर मैंने आज परचेस किया, पेमेंट फ्यूचर में करने वाला, सामने वाले ने मुझे इनवॉइस दे दिया, तो मुझे अभी आज प्रोविजन बेसिस पे टीडीएस काटना पड़ेगा, क्रेडिट बेसिस पे टीडीएस काटना पड़ेगा, बराबर ना? टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। तो मैंने आज टीडीएस क्रेडिट बेसिस पे काटा, क्या मेरे सामने इनवॉइस है? हाँ है, 1 करोड़ बेसिक प्राइस, 5 लाख आपका टीडीएस, 5 लाख आपका जीएसटी, तो जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस मत प्रोवाइड करो, ठीक है। लेकिन सवाल क्या उठता है, दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इनवॉइस फ्यूचर में होने वाला है और आप आज रैंडम अमाउंट सामने वाले को पे कर रहे हो, मतलब अब कौन सी इवेंट पहले हो रही है? क्रेडिट बाद में करोगे बुक्स में लेकिन पेमेंट पहले कर रहे हो, तो आपको खुद को नहीं पता होगा कि वो पेमेंट अमाउंट में कितना जीएसटी पोर्शन है कितना नहीं है। तो उस केस में सीबीडीटी ने बोला है पूरे अमाउंट पर टीडीएस काट लो, चेक करो। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है, साथ में पढ़ते हैं अलग कलर से।
Accordingly, with respect to TDS under 194Q, it is clarified that when the tax is deducted at the time of credit of amount in the account of the seller and in terms of the agreement or contract between the buyer and the seller, the component of GST comprised in the amount payable to the seller is indicated separately, tax shall be deducted under 194Q on credit without including GST. Kyunki aapke samne invoice hai, 1 crore 5 lakh, 1 crore 5 lakh. Lekin, if the tax is deducted on payment basis, because the payment is earlier than credit. Credit बाद में करूंगा क्योंकि सामने वाला invoice नहीं दिया तो books में कैसे मैं record करूं, तो मैंने इसको advance payment दे दिया, लेकिन TDS तो मुझे advance में भी काटना पड़ता है. Then the tax would be deducted on the whole amount, क्योंकि अभी मुझे breakup ही नहीं मालूम है. As it is not possible to identify that payment with GST component of the amount is to be invoiced in future, क्योंकि invoice तो future में होगा. तो सुन लो जरा, अगर invoice आज हो जाता है और इनवॉइस में इंडिकेटेड है कि इतना जीएसटी इतना बेसिक अमाउंट, तो फिर आप बेसिक अमाउंट पे टीडीएस काटो, जीएसटी पे मत काटो. इनवॉइस फ्यूचर में होगा लेकिन पेमेंट आज कर रहे हो, तो टीडीएस तो आपको पेमेंट बेसिस पे आज काटना ही पड़ेगा, तो आप पूरे अमाउंट पे टीडीएस काट लो. इट इज एज सिंपल एज दैट. अब परचेस रिटर्न के बारे में यहां पर क्या बोला है, सपोज आपने आज 1 करोड़ का सामान खरीद लिया, ठीक है, और फिर बाद में फ्यूचर में सामने वाले बंदे ने रिटर्न कर दिया. अब अगर आज मैंने 1 करोड़ का सामान खरीद लिया, तो आज मैंने अगर 1 करोड़ का सामान खरीद लिया तो क्रेडिट या पेमेंट बेसिस पे टीडीएस तो ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया रहूंगा और गवर्नमेंट को शायद भर भी दे दिया होगा. अब वो रिटर्न तो कुछ दिनों बाद करेगा ना, तो गवर्नमेंट बोलती है अब उसमें क्या कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते. तो इसमें गवर्नमेंट ने, इसने भी बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया गवर्नमेंट ने, कि अगर आप आज देखो कभी भी आप रिटर्न का जो रिटर्न वाली एक्टिविटी होगी ना, वो मेरे टीडीएस काटने के बाद ही होगी, क्योंकि मेरे को टीडीएस तो आज ही खरीदना है परचेस करने पर या पेमेंट करने पर. अब मैं परचेस कर लूंगा या पेमेंट करूंगा, उसी के बाद रिटर्न की वाली एक्टिविटी आएगी ना. तो मान लो मैंने आज सामान खरीद लिया, तो मुझे आज तो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. मान लो मैंने टीडीएस काटा, गवर्नमेंट को भी दे भी दिया. अब आगे जाकर 1 महीने बाद सेलर आता है और बोलता है कि भाई मैं बोलता हूं कि मेरे को नहीं खरीदना, मेरे को रिटर्न करना, ठीक है. मैंने सेलर को बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को रिटर्न करना. तो अब क्या करना, तो सवाल यहां पर अच्छे सुनो, यहां पर भी गवर्नमेंट ने ट्विस्ट डाल दिया. तो सपोज आपने सामने वाले को 1 करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है, आपने 0.1% टैक्स भी काट लिया. अब आपको सामान अच्छा नहीं लगा तो आपने रिटर्न कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है. अगर सामान सामने वाले ने आपको पैसा रिफंड कर दिया, ठीक है, रिफंड कर दिया, सुन लो अच्छे से, रिफंड कर दिया, तो जो भी टीडीएस आपने काटा ना आज पहले वाले ट्रांजेक्शन पे, आप वो अगर आप आगे जाकर उससे जब सामान खरीदोगे ना, तो ये वाला टीडीएस फ्यूचर ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो. आज आपने सामान खरीदा, टीडीएस काटा, टीडीएस भर दिया, उसके बाद आपको सामान अच्छा नहीं लगा, आपने सामान रिटर्न कर दिया, बंदे ने पैसा वापस कर दिया. अब आप जब वापस सामान खरीदोगे ना, तो पहली बार जो पैसा आपने टीडीएस भरा था ना, वो दूसरे वाले परचेस के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसके साथ एडजस्ट करोगे, ठीक है. ये यहां पर लिखा गया. अब उसमें भी एक ट्विस्ट है, बहुत आराम से घाई नहीं करना. Further, with respect to purchase return, it is clarified that tax is required to be deducted at the time of payment or credit, whichever is earlier, obviously. Thus, before purchase return happens, अबे purchase return करने के पहले तो tax भर दिया रहेगा मैंने या काट लिया रहूंगा कम से कम. The tax must have already been deducted under 194Q on that purchase. If that is the case, and against this purchase return, the money is refunded to the seller. Seller को पैसा वापस दे दिया आपने. Then this deducted tax deducted may be adjusted against the next purchase. आप next purchase के against adjust कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे seller के नहीं, उसी seller के next purchase के against आप adjust कर सकते हो. Last but not least, no adjustment is required if the purchase return is replaced by the goods. मिसाल के तौर पर आपने आज goods खरीदा, आपने TDS काट दिया, अब आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने goods return कर दिया, ठीक है, seller ने पैसा दे दिया, तो आप फ्यूचर वाले परचेस के साथ एडजस्ट करो. दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, अभी सुनो. आपने आज गुड्स खरीदा, आपने टीडीएस काटा, अब आपको ये गुड्स अच्छा नहीं लगा तो आपने रिटर्न कर दिया, बदले में उसने आपको दूसरा गुड्स दिया, पैसा नहीं दिया, तो फिर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, दूसरे गुड्स के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, चेक कर लो बराबर से. तो ये एक बहुत ही जबरदस्त क्लैरिफिकेशन है, बहुत ज्यादा अच्छे से इसको दिमाग में रखना, ठीक है. तो पहला मेरा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, क्या जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस काटोगे, नहीं काटोगे अगर क्रेडिट पहले करते हो, अगर पेमेंट पहले करते हो तो काटना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपको ब्रेकअप नहीं मालूम. अगर क्रेडिट पहले करते हो बुक्स में तो मत काटो, अगर सामने वाला बंदा रेसिडेंट है और आपको ब्रेकअप देता है, किसका ब्रेकअप देता है कि जीएसटी इतना, बेसिक प्राइस इतना, क्या परचेस रिटर्न में आपको टीडीएस का क्या इंप्लीकेशन आएगा, ठीक है. तो सुन लो, अगर सेम बंदे को आप रिटर्न करते हो और बंदा आपको पैसा दे देता है, तो सब्सिक्वेंट परचेस के अगेंस्ट आप एडजस्ट करते हो, ठीक है.
लेकिन अगर आप उसको गुड्स रिटर्न करते हो और बदले में वो गुड्स रिप्लेस करके आपको देता है तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, साफ साफ लिखा है कि जो सेलर है ना, सेलर सामने वाला बंदा, वो रेजिडेंट होना चाहिए। बायर कौन होना चाहिए, बायर के बारे में कुछ नहीं बोला है। क्या बायर नॉन रेजिडेंट हो सकता है, तो उस पर सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि बायर शैल नॉट बी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। एज रिगार्ड, देखो सेलर तो रेजिडेंट होना चाहिए ये बोला है, लेकिन बायर का स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बोला है गवर्नमेंट ने। बायर रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन आया है। As regard whether the provision of 194Q would apply to a buyer being a non-resident, it is clarified that the provision of 194Q shall not apply to a non-resident whose purchase of goods from seller resident is not effectively connected with the permanent establishment of such non-resident in India. Moral of the story क्या है? बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना इसका ultimate implication. Buyer में कौन आएगा? Resident तो आएगा ही, ठीक है? और क्या नॉन रेसिडेंट बायर में आएगा? देखो ये पढ़ने के बाद तुम बोलोगे नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर बायर नॉन रेसिडेंट है और वो जो परचेज कर रहा है ना, वो परचेज कर रहा है इंडिया में, एक पीई है उसके लिए, इंडिया में उसका पीई है उसके लिए। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज अ नॉन रेसिडेंट बट इट हैज अ पीई इन इंडिया। नाउ इफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज परचेजिंग समथिंग फ्रॉम अ रेसिडेंट सेलर, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल। क्योंकि सेक्शन बराबर से पढ़ना, 194Q शैल नॉट अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट, ऐसा नहीं बोला है, आगे सेंटेंस कंप्लीट किया है, हुज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर रेसिडेंट इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द पीई ऑफ सच नॉन रेसिडेंट इंडिया। इट मींस इफ द परचेज ऑफ गुड्स बाय अ नॉन रेसिडेंट इज इफेक्टिवली कनेक्टेड टू अ पीई इन इंडिया, देन दैट नॉन रेसिडेंट बायर इज ऑल्सो लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कब लायबल नहीं हो टीडीएस काटने के लिए? अगर वो परचेज जो कर रहा है नॉन रेसिडेंट वो इंडिया के पीई के लिए नहीं है, तो फिर उसको टीडीएस काटने की जरूरत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इंडिया के पीई के लिए है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अगर सेलर की इनकम सेक्शन 10 में अगर एग्जेम्प्ट है तो क्या तब भी उसका टीडीएस काटोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला है नहीं। अगर सेलर की इनकम, सामने वाला जो सेलर है जिसकी आप टीडीएस काट रहे हो ना परचेज करते समय, गुड्स सेलर आपको गुड्स बेच रहा है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, आप टीडीएस काट रहे हो, सेलर की इनकम अगर सेक्शन 10 या किसी और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है उसके थ्रू अगर एग्जेम्प्ट है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। उसी तरीका सिमिलर प्रोविजन 206(c)(1)(h) में भी है कि अगर सेलर किसी बायर को सामान बेचता है जिस बायर की इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है या किसी और कानून में एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में भी उसको टीडीएस काटने की, टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। देखो 194Q और 206(1)(h) की बहुत लड़ाई होती है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था दोनों की लड़ाई, अभी आज मैं और बड़ी वाली लड़ाई आज बताने वाला हूं थोड़ी देर में, ठीक है। सो अगर सेलर यहां पर 194Q में अगर सेलर की इनकम किस सेक्शन 10 या किसी और कानून के थ्रू इनकम टैक्स उस पर एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर भी एक राइडर है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सामने वाले की सब इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। अगर उसकी पार्ट ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट है ना, अगर सामने वाले की, मैं आपसे गुड्स खरीद रहा हूँ ठीक है, और आपकी पार्ट ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट है, सारी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, तो फिर ये रिलैक्सेशन नहीं है, तो फिर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। चेक करो ये लास्ट वाला पॉइंट, बिलीव मी ये सारे सर्कुलर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, और मैंने बोला था मैं घाई नहीं कर रहा था, मैं खुद इसको पहले प्रिपेयर कर रहा था, अच्छे से सारी पॉसिबिलिटीज जान रहा था, मैं बोला आराम से इनको पूरा कंपाइल करूंगा, सब एक जगह पे डालूंगा, मैं डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, एक इधर एक उधर एक इधर, इसलिए मैंने सब कंपाइल किया, आपको नोट्स भी दे रहा हूं, उसमें भी मैंने फर्दर कंपाइलेशन किया कि जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसको नॉर्मल रख रहा हूं और जो अमेंडमेंट है उसको इटैलिक्स करके दे रहा हूं, ताकि आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन पढ़ के एग्जाम के दिन जाओगे तो भी चलेगा, साथ साथ में मैं अपने रिवीजन वीडियोस में भी इन सारी चीजों को कवर कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जो मेरा रिवीजन वीडियोस होगा उसमें भी मैं ये सारी चीजें कवर कर लूंगा। जो मेरा आखिरी पार्ट होने वाला है, पार्ट 8, शायद 7 पार्ट मैंने डाल दिया हूं, एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है, वो इसीलिए बचा है क्योंकि पहले मेरे को ये कंप्लीट करना था, उसके बाद मैं रिवीजन वीडियोस को के अंदर ये चीजें भी, इसका भी रिवीजन इनकॉर्पोरेट कर दूंगा 10-15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा। नाउ लिसन केयरफुली, अगला क्वेश्चन, क्या टीडीएस एडवांस पेमेंट पे कटेगा? ये बहुत बचकाना क्वेश्चन है। यस, टीडीएस एडवांस या क्रेडिट, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, उस पर टीडीएस कटेगा। ये बहुत ही बचकाना सा सवाल था, क्या एडवांस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा? हाँ, काटना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर पेमेंट पहले करते हो तो पहले टीडीएस काटो, और पेमेंट बाद में करते हो, बुक्स में क्रेडिट पहले करते हो तो तभी टीडीएस काटो, जो भी पहले इवेंट होगा तभी टीडीएस काटना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर बायर का ये पहला साल है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो क्या उसको टीडीएस काटने की जरूरत है? सवाल ये उठता है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना। अगर ये मेरा पहला साल है बायर का,
तो क्या उसको टीडीएस काटना पड़ेगा? तो यहां पर देखो कंडीशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे प्रोविजन के। प्रोविजन में क्या लिखा है पता है? टीडीएस काटना किसके ऊपर जिम्मेदारी पता है? जिसका लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। अब अगर ये आपका पहला साल है तो लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर तो जीरो हुआ ना, कुछ हुआ ही नहीं हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल दिया कि पहले साल में आपको यहां पर 194Q का प्रोविजन नहीं लगेगा। चेक करो, सिंस दिस कंडीशन वुड नॉट बी सैटिस्फाइड इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्रोविजन ऑफ 194Q शैल नॉट अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस इज बायर का लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। जरा ध्यान से सुनना, बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन के अंदर यहां नीचे लिखा भी है। बायर का मतलब क्या है? उस बायर मतलब क्या? हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम ग्रेटर देन 10 करोड़। बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम इज ग्रेटर देन 10 करोड़, मैंने आपको क्लास में भी बोला है। तो यहां पर सीबीडीटी से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर एक बायर है उसका पिछले साल का टोटल टर्नओवर बिजनेस और दूसरी एक्टिविटी मिलाकर 10 करोड़ क्रॉस होता है, लेकिन बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो क्या उसको टीडीएस काटना पड़ेगा? बिजनेस और दूसरी एक्टिविटी, नॉन बिजनेस एक्टिविटी का टर्नओवर मिलाकर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है लास्ट ईयर का, लेकिन बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, सीबीडीटी ने बोला टीडीएस नहीं कटेगा। चेक कर लो, नहीं कटेगा टीडीएस। बिजनेस टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ क्रॉस होना जरूरी है। चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते। अब जो लास्ट वन है यहां पर वो है सारे क्लैरिफिकेशनों का बाप। आखिरी क्लैरिफिकेशन देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा सर्कुलर डाल दिया लोग। सेक्शन बढ़ाते क्या, मजाक करते यार। देखो ना, सेक्शन इतना सा, सर्कुलर कितना बड़ा, कितना बड़ा। और इनमें से क्वेश्चन आना एग्जाम में, चीज याद रखना, कुछ ना कुछ पूछेगा। इंस्टीट्यूट को मजा आता है सब चीज पूछने। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, बहुत ही अतरंगी किस्म का क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन बिल्कुल अच्छा है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। तीन सेक्शन का यहाँ पर लड़ाई चल रही है। 194O, पहले ये तीन सेक्शन आपको पता होना चाहिए। तीन सेक्शन क्या है? 194O क्या है वो पता है? वो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका टीडीएस काटता है, अमेजोन, याद है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। 2061H क्या है? सेलर आपका टीसीएस कलेक्ट करता है अगर वो आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स बेचेगा, और ये बायर आपका टीडीएस कलेक्ट करेगा, डिडक्ट करेगा अगर वो आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स खरीदता है। तो पहले तीनों सेक्शन समझ लो अच्छे से, ठीक है? और तीनों सेक्शन में कुछ एक्सेप्शन डाले गवर्नमेंट, क्या एक्सेप्शन डाले पहले वो पढ़ते, और फिर बाद में तीनों को मर्ज करके इंटरप्रिटेशन निकालते कौन से सिचुएशन में कौन सा सेक्शन भारी पड़ेगा और कौन सा सेक्शन हल्का रहेगा। मतलब अगर दो तीन सेक्शनों की लड़ाई हो रही है तो फिर कौन से सेक्शन में टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है और कौन से सेक्शन को इग्नोर करना है, ये सीखना है अपने को। मैं सब कुछ समझाता हूं, मैंने अपनी तरफ से भी नोट बना के लाया, मैं आपको बताता हूं, वो भी आप फोटो लेकर कॉपी कर सकते हो बाद में। क्लैरिफिकेशन ऑन हाउ दीज सेक्शन, मैं पढ़ रहा हूं जरा इसको, ऑन हाउ दीज सेक्शन, हाउ सेक्शन 194O दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला सेक्शन, हाउ सेक्शन 2061H एंड 194Q अप्लाई ऑन द सेम ट्रांजेक्शन। अगर आपको जरा भी डाउट आ रहा है तो आप पहले जाकर लेक्चर पॉज करो और जाकर पहले ये सेक्शंस को पढ़ के आओ, ठीक है? तीनों सेक्शन पहले एक बार पढ़ लो अच्छे से तो आपको क्लैरिटी आएगी। नाउ सबसे पहले 194O के बारे में यहां पर बोला है, ठीक है? अंडर सेक्शन 194O अ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सबसेक्शन 1 और विच इज नॉट लायबल टू डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17 ऑफ द एक्ट। मतलब क्या बोलता है 194O यहां से यहां तक, ये पहला क्लैरिफिकेशन है, ठीक है? ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, पहले आपने पढ़ के रखा है, क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया। ये प्रोविजन ऑलरेडी है आपके सिलेबस में, आपकी बुक के अंदर। क्या बोलता है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस काट लिया तो फिर कोई भी दूसरे सेक्शन में आप टीडीएस नहीं काटोगे, बराबर? ये बोलना चाहता है ना ये पैराग्राफ, ये पढ़ लो तीन चार लाइन। अ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, वापस से पढ़ रहा हूं, बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सबसेक्शन 1 और विच इज नॉट लायबल टू डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17 बी, ठीक है? अब मैंने इसको क्या किया है, कंपैरिजन की तरह डाला है। ये सबसे पहला वाला पॉइंट यहां पर जो है, बराबर से देखो, वंस टैक्स डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऑपरेटर लिख सकते हो आप या ई कॉमर्स लिखो, देन नो टीडीएस प्रोविजन शैल अप्लाई। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये 194O बाकी सारे सेक्शनों पे भारी पड़ जाएगा? द आंसर इज यस। अब अपने को यही पता लगाना है बस कि कौन सा सेक्शन किस पे भारी पड़ेगा और कौन सा सेक्शन किससे हल्का हो जाएगा, बस यही पता लगाना है। तो 194O सब पे भारी, ये बोल दिया है साफ साफ, एक बार यहां पर टीडीएस कट गया फिर किसी और सेक्शन में टीडीएस नहीं काट सकते हो आप, ठीक है? ये पहली चीज, ये पहला पहली चीज अपन ने कंक्लूड किया। दूसरा,
अब दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये दूसरी चीज है। अंडर सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 206(c)(1)(h) प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, मतलब विच 206(c)(1) शैल नॉट अप्लाई, मतलब 206(c)(1)(h) भारी है कि हल्का है? यहां पर क्या बोला है, 206 जिसके बारे में पढ़ रहे हो वही बोल रहा है कि भाई मैं एप्लीकेबल नहीं होगा कभी, मतलब ये हल्का सेक्शन है कभी। इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑन द गुड्स परचेज बाय हिम फ्रॉम द सेलर एंड द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, अगर बायर ने टीडीएस काट लिया है तो, ठीक है, तो बराबर से देखना ये क्या है जो सेकेंड पॉइंट है। 206(c)(1)(h) क्या बोलता है कि अगर आप किसी को गुड्स बेचोगे तो आप टीसीएस कलेक्ट करोगे, तो बोलता है मत कलेक्ट करो, अगर बायर टीडीएस काटने के लिए लायबल है तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब 206(c)(1)(h) हल्का, टीडीएस के प्रोविजंस भारी। लेकिन कब एप्लीकेबल नहीं है, जब बायर ने टीडीएस काटने के लिए लायबल है और बायर ने एक्चुअली में काटा भी है, बायर ने काटा भी तो होना चाहिए, बायर शुड बी एक्चुअली डिडक्टिंग द टैक्स, तो फिर 206(c)(1)(h) बेचारा हल्का, चेक करो, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, बराबर सेकेंड वाला डब्बा कॉलम, ये कॉलम, दिस बहुत मेहनत की है बेटा, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, क्या हो रहा है यार दिमाग खराब, इसमें जा क्यों रहा है कनेक्शन, इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एंड हैज डिडक्टेड ऑन गुड्स, गुड्स पे टैक्स काटा है, मतलब ये सेक्शन हल्का है, 194 क्यू भारी हो जाएगा ना, बराबर, क्योंकि 194 क्यू और अगर 206(c)(1)(h) अगर एप्लीकेबल है तो क्या आप फॉलो करोगे, क्योंकि साफ साफ यहां लिखा है कि अगर बायर टीडीएस काटता है और काटा है, काटने के लिए लायबल है और काटा है, काटने के लिए लायबल है और काटा भी होना चाहिए, सिर्फ लायबल होने से कुछ नहीं होता है, काटना भी पड़ेगा, अगर बायर लायबल है और काट चुका है तो फिर आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब 206(c)(1)(h) हल्का, 194 क्यू भारी, बराबर। यहां पर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस काटा है, अरे तो बाकी सारे टीडीएस के सेक्शन गए भाड़ में, और यहां पर अगर बायर ने टीडीएस काटा है तो टीसीएस मत कलेक्ट करो, मतलब अगर बायर ने टीडीएस नहीं काटा है तब जाकर टीसीएस का ऑप्शन आएगा आपको 206(c)(1)(h) में, नहीं काटा है तो आ जाएगा 206(c)(1)(h) में। आई होप द फर्स्ट टू सेक्शन आर क्लियर टू यू, ये सारी चीजें पहले पढ़ी अपन ने, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं अपने को, बस अभी तीनों को कंबाइन करके सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया। तीसरे सेक्शन की तरफ आते जो हमारा करंट सेक्शन है, 194 क्यू सब सेक्शन 5 द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड नॉट अप्लाई, अब 194 क्यू कब कब अप्लाई नहीं होगा, टू अ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर किसी और सेक्शन में आपका टीडीएस कट चुका है तो 194 क्यू इज नॉट एप्लीकेबल, एंड ध्यान से सुनना, tax is collectible under the provision of 206(c) other than the transaction on which 206(c)(1)(h) applies. अब 206(c) में बहुत सारी चीजें है, TCS बहुत सारी चीजों पे collect हो रहा है, 206(c) subsection 1c में TCS alcohol पे collect होता है, timber पे collect होता है, forest product पे collect होता है, बहुत सारी चीजों पे collect होता है, 206(c) subsection 1f के अंदर TCS motor vehicle पे collect होता है, अगर आप 10 लाख या उससे ज्यादा की motor vehicle खरीदते हो तो आपको TCS collect करना पड़ता है 1%। तो अब ये पॉइंट क्या बोलता है, जरा आराम से इसको अच्छे से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, पॉइंट नंबर 3 को, कि ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा अगर टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, किसी और प्रोविजन में अगर टैक्स डिडक्टेबल है तो यहां काटने की जरूरत नहीं है, और किसी और प्रोविजन में अगर टीसीएस कलेक्टेबल है, इसको छोड़कर क्योंकि इस केस में तो 194 क्यू ही एप्लीकेबल होता है, वो तो अपन ने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया यहां पर कॉलम नंबर 2 में, इसको छोड़कर मतलब क्या हुआ, इसको छोड़कर बाकी किसी और सेक्शन में टीसीएस कलेक्टेबल है, टीसीएस कलेक्टेबल है तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है इस सेक्शन में, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, बोर्ड पे देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दिस सेक्शन वुड नॉट अप्लाई इफ टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन, अगर किसी और प्रोविजन में टीडीएस कट चुका है या मतलब टीडीएस इज डिडक्टेबल तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये सेक्शन दूसरे सेक्शन के टीडीएस के सामने हल्का है, किसी और सेक्शन में टीडीएस कटता है तो यहां पर आने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ टीसीएस इज कलेक्टेबल अंडर 206(c) अदर देन 206(c)(1)(h), अगर 206(c) में टीसीएस कलेक्टेबल है
तो यहां टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बट अदर देन 206C1H मतलब क्या हुआ, मतलब नीचे कंक्लूड कर दिया हूं मैंने बहुत अच्छे से, मतलब यह हुआ कि 206C1H हल्का है 194Q के सामने और दूसरे 206C भारी पड़ जाएंगे 194Q के सामने। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर 206C1H और 194Q की लड़ाई होती है तो 194Q जीत जाएगा, और बाकी TCS के सेक्शन और 194Q की लड़ाई होती है तो 206C जीत जाएगा। यह भी मैंने आपको क्लास में डिटेल इंटरप्रिटेशन करके बताया था। अब आपके सामने पूरा ओवरव्यू चेक कर लो, ठीक है? तो एक बार हम लोग पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं, बस उसी को CBDT ने नीचे क्लैरिफाई किया और क्या, कुछ नई चीज नहीं है उसमें। तो पहला सेक्शन 194O क्या बोलता है, अगर यहां पर TDS मैंने काट लिया तो फिर कोई और सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। 206C1H क्या बोलता है, 1H एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बायर ने TDS काट लिया तो TCS कलेक्ट करने का क्वेश्चन नहीं उठता है। 194Q क्या बोलता है, अगर किसी और सेक्शन में TDS डिडक्टेबल है तो इस सेक्शन में TDS काटने की जरूरत नहीं, और अगर 206 1H को छोड़कर किसी और दूसरे सेक्शन में अगर TCS कलेक्टेबल है तो फिर TCS काट कलेक्ट करो, TDS मत करो, और 206 1H में TCS कलेक्टेबल है तो TCS छोड़ो, TDS पे आ जाओ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दो तीन बार सुनो ये लेक्चर, इसलिए मैंने YouTube पे डाल दिया लेक्चर, आप देखते रहो, ठीक है? दो तीन बार देखना पड़ेगा। अभी CBDT ने तीनों को कंबाइन करके एक्सप्लेनेशन दिया, अब वही एक्सप्लेनेशन देगा जो अपन ने बोला है। एक आठ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। आफ्टर कॉन्जॉइंट रीडिंग ऑफ क्या बात है, साथ में रीड करने पर क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। आफ्टर कॉन्जॉइंट रीडिंग ऑफ ऑल दिस प्रोविजन इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ टैक्स, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप ही आंसर दे दो, ऑन ए ट्रांजेक्शन अंडर 194O, तो आप ही आंसर दे दो, अपन ने इसको कंक्लूड कर लिया, देन द ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन अंडर एनी अदर सेक्शन। तो मतलब 194O सब पे भारी, बराबर, यहां कट गया मतलब कहीं और नहीं कटने वाला है TDS, ठीक है? अब सेकंड वाला बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मान लो 194O क्या है, यहां पर Amazon है, यहां सेलर है, यहां बायर है, ठीक है? तो क्या बोल दिया मैंने, 194O सब पे भारी, 194O में TDS कट गया तो फिर खत्म हो गई बात, फिर आपको दूसरे सेक्शन में TDS काटने की जरूरत नहीं है। तो अब मान लो सेलर और बायर गुड्स डायरेक्टली नहीं बेच रहे, इसके थ्रू बेच रहे, ठीक है? और तो क्या होता है इसमें, बायर आता है, बायर Amazon से आके गुड्स खरीदता है और Amazon फिर सेलर को पेमेंट करता है, ठीक है? ठीक है, बराबर। तो उस केस में भी क्या ये वाला एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि यहां पर Amazon 194O में TDS काटने वाला है, तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ मिलेगा। देखो, दो द सेक्शन 206(1)H provides exemption from TCS if the buyer has deducted tax at source on the goods purchased by him. To remove difficulties, it is clarified that this exemption would also cover a situation where instead of buyer, even the e-commerce operator has deducted tax at source on that transaction of sale of goods by seller to buyer through e-commerce operator. Us case mein bhi aapko relaxation mil jayega. Barabar se padho, main fir se ek bar pad raha hu. दो सेक्शन 206C1H प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन, 206C1H एग्जेम्पशन देता है, क्या एग्जेम्पशन देता है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट TDS, बराबर, ये एग्जेम्पशन देता है ना। लेकिन 206(1)H के अंदर ये एग्जेम्पशन होने का मतलब ये भी है कि अगर बायर डायरेक्टली नहीं काट रहा है लेकिन Amazon अगर 194O में भी काट रहा है ना, 194O में, तो भी आपको TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है? ये बोलना चाहता है पैराग्राफ। दो सेक्शन 206(1)H प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम TCS if the buyer has deducted tax at source on goods purchased by him to remove difficulty, it is clarified that exemption would also cover a situation where instead of buyer, ab buyer to payment nahi kar raha hai na seller ko, theek hai, buyer kisko payment kar raha hai, Amazon ko, Amazon kisko payment kar raha hai, seller ko, to agar Amazon bhi seller ka TDS kaatta hai to bhi aapko 206C1H ka implication nahi aayega, theek hai? The e-commerce operator has deducted tax at source on that transaction, the sale of goods by the seller to e-commerce operator. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, इफ द ट्रांजेक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ 194O एज वेल एज 194Q, तो मुझे बताओ कौन भारी पड़ेगा, 194O भारी पड़ जाएगा, क्यों भारी नहीं पड़ सकता है, क्योंकि ये तो अपन ने पहले कंक्लूड कर दिया 194O सब पे भारी, बराबर। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब क्लैरिफिकेशन आ जाएगा आपका,
बाद में फोटो ले लेना, पॉज करके ले लो कभी भी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ू आराम आराम से, आगाही नहीं करना। बहुत छोटी छोटी चीजें यहां पर डाली है, लेकिन अभी सब समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन। वो डायग्राम देख लिया सब समझ में आ जाएगा। सिमिलरली इफ अ ट्रांजेक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ 194O, किसके परव्यू में आता है, बोथ विद इन द परव्यू ऑफ 194O एंड 2061H, देन टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194O। 194O सब पे भारी। द ट्रांजेक्शन शैल कम आउट ऑफ परव्यू ऑफ 2061H आफ्टर द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन दैट ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक बार ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स काट दिया तो 2061H गया कचरे के डब्बे में। वंस द ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज डिडक्टेड द टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन, द सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर 2061H ऑन द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो साफ साफ है, अगर यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज वंस द टैक्स इज डिडक्टेड, ठीक है, तो फिर नो अदर प्रोविजन इज एप्लीकेबल। टीडीएस टीसीएस किसका भी कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लिसन लिसन लिसन, यहां पर क्लैरिफिकेशन शुरू होता है। Therefore, it is clarified that here the primary responsibility of Amazon is to deduct tax under 194A, and that responsibility cannot be condoned if the seller has collected the tax under 192061H. तो इसका मतलब क्या है? ये जो लास्ट की तीन लाइन है, ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है बेटा, बहुत अलग लेवल की लाइन है। ये लाइन समझाने के लिए मेरे को आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी बुक के अंदर, और उसमें जाना पड़ेगा आपको 194O में। अब 194O में अगर मैं जाता हूं तो 194O कहां पर है, चलो ढूंढते हैं थोड़ा। हाँ, 194O, ये 194O में टीडीएस कितने पे कटता है, 1%, परसेंटेज देखो, ठीक है, 1% है, ठीक है। और 194Q और 2061H, मतलब मैं अभी रेट यहां पर डाल देता हूं, यहां पर टीडीएस कितने पे कटता है, 1%, यहां पर 0.1%, यहां पर भी 0.1%, ये चीज याद रखना। तो दिस इज मच ग्रेटर देन दीस टू, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है बोलना चाहती थी, वो कितनी चतुर है गवर्नमेंट यार, अलग लेवल का क्लैरिफिकेशन लाई है। इट इज क्लैरिफाइड दैट योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर टू डिडक्ट टैक्स under section 194O, and that tax responsibility cannot be condoned if the seller has collected tax under 2061H. मतलब क्या है, यहां पर अगर 2061H, 194O versus 2061H की लड़ाई होती है, इसको TDS काटना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। अब ये आर्ग्यूमेंट ये नहीं कर सकता है कि तू टीसीएस कलेक्ट कर ले ना, छोड़ना यार, तू कलेक्ट कर ले, मैं टीडीएस नहीं काटता हूं, नहीं चलेगा। क्यों? द रीजन इज गवर्नमेंट पहले इस सेक्शन को ऊपर क्यों रख रही है, बिकॉज यहां पर रेट हायर है और यहां पर रेट लोअर है, यहां पर रेट 1% है, यहां पर रेट 0.1% है, इसीलिए, क्योंकि आपने यहां सेक्शन में टीडीएस नहीं काटा तो आप सामने वाले को बोल दोगे कि टू टीसीएस कलेक्ट कर ले, मैं टीडीएस नहीं काटता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 194O वाले की है। आई होप इट इज क्लियर टू, ये बोलना चाहता है। दिस इज फॉर द रीजन दैट द रेट ऑफ टीडीएस अंडर 194O इज हायर देन द रेट ऑफ टीडीएस अंडर 2061H। अरे इज इट क्लियर, समझ में आया क्या क्या चल रहा है दुनिया में, ऐसे ऐसे क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। वन लास्ट थिंग, दैट्स इट। If a transaction is both within the purview of 194Q as well as 2061H, ये मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होगा। 194Q और 2061H के अगर बीच में है तो लड़ाई क्या होगी, ठीक है, वो अपन ने देख लिया है, तो देख लो। Tax is deductible under any other provision और TCS is collectable under 2061H. 1H में अगर है तो 1H 194Q पे भारी नहीं पड़ सकता है, मतलब 194Q में आपको TDS काटना पड़ेगा। Then the tax is required to be deducted under 194Q. तो यहां पर मैं फिर से आपको लिख के बता देता हूं, 194Q भारी पड़ जाएगा 2061H पर, बराबर, लेकिन 194Q दूसरे अदर 2061 वाले पे भारी नहीं पड़ सकता है, ठीक है। तो यहां पर 194Q भारी पड़ जाएगा और यहां पर दूसरे TCS के प्रोविजन भारी पड़ जाएंगे। चेक करो, The transaction shall come out of the purview of 2061H after tax has been deducted by the buyer on that transaction.
Once the buyer has deducted the tax on a transaction, the seller is not required to collect tax under 206C1H on the same transaction. ठीक है, तो buyer ने अगर tax काट लिया है, buyer ने अगर tax काट लिया है, तो seller को TCS collect करने की जरूरत नहीं. However, if for any reason tax has been collected by the seller under 206C1H before the buyer could deduct tax under 194Q on the same transaction, such transaction would not be subject to tax deduction again by the buyer. This concession is provided to remove difficulty since the tax rate under both the sections are same. अब सुनो जरा, देखो, अब सुनो जरा, यहां पर क्या लड़ाई चल रही थी, ऊपर 194O, सुन लो अच्छे से, 194O versus 206C1H. इसमें साफ साफ बोला है तेरे को ही टीडीएस काटना है, अगर तूने टीडीएस नहीं काटा और इसने काट दिया तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे पकड़ के, क्योंकि तेरे 1% के बदले सामने वाले से 0.1% कलेक्ट करवा के गवर्नमेंट का 0.9% का नुकसान करवा दिया. लेकिन यहां पर क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि 194Q और 206C1H चल रहा है, ठीक है, तो इसको टीडीएस काटना है, इसको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है. लेकिन किसी कारण के वजह से अगर इसने टीडीएस नहीं काटा और इसने टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो इसको माफी दे देंगे, बोलेंगे वापस से मत काट, क्योंकि दोनों में टैक्स रेट 0.1% है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि बायर के बदले अगर सेलर ने पहले टीसीएस कलेक्ट करके भर दिया किसी कारण के वजह से, तो फिर बायर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस से टीडीएस काटने की नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे, उसको कंसेशन दे देंगे, क्योंकि दोनों जगह पे 0.1% ही मिलता है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज वॉट दिस ग्रेट क्लैरिफिकेशन इज ऑल अबाउट. अप्रोक्सीमेटली पौना घंटा इसमें चला गया. देखो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, आप सबसे पहले इसका फोटो ले लो बेटा, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ. इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट से आ सकते हैं इसमें, तो आप मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट. आप उस पर व्हाट्सएप करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई विद वॉइस नोट और बाय टाइपिंग, ठीक है. फोटो ले लो, चलो आगे बढ़ते. यहां पर एक क्वेश्चन है सिंपल सा, देख लेते. ये आपके आईसीआई मटेरियल में लेटेस्ट वाले कवर है, इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है. मिस्टर गुप्ता रेसिडेंट इंडियन इज इन अ रिटेल बिजनेस एंड हिज टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज 12 करोड़. तो उसका पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ था. नाउ ही रेगुलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट मिस्टर अग्रवाल अ होलसेलर. An aggregate payment during financial year 21-22 was 95 lakhs. और 95 lakhs में से ये चीज अगर आप देखो तो पहला payment जो है वो जून में किया है, तो जून वाला payment will not be considered to be collected as TDS. लेकिन क्या threshold count करने के लिए जून का payment भी consider किया जाएगा? The answer is yes as per the circular. अब 95 lakhs का payment इन्होंने कैसे किया है? पहले जून में 20 लाख, फिर अगस्त में 25 लाख, फिर 22 लाख नवंबर में, और फिर मार्च में 28 लाख. अज्यूम दैट द सेड अमाउंट वर क्रेडिटेड टू मिस्टर अग्रवाल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गुप्ता ऑन द सेम डेट. मतलब क्रेडिट और पेमेंट दोनों सेम डे पर हो रहा है. मिस्टर अग्रवाल्स टर्नओवर फॉर द करंट फॉर द लास्ट ईयर इज 15 करोड़ रुपीज. तो सामने वाले बंदे का भी टर्नओवर कितना है? 15 करोड़ है. तो यहां पर बायर कौन है? बायर. और सेलर कौन है? मिस्टर गुप्ता रेजिडेंट रिटेल बिजनेस, ही रेगुलरली परचेज. तो मिस्टर गुप्ता जो है वो बायर है और मिस्टर अग्रवाल जो है वो सेलर है, ठीक है. बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एग्जामिन द टीडीएस एंड टीसीएस इंप्लीकेशन इफ एनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. दोनों का लास्ट ईयर का टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज ग्रेटर देन 10 करोड़. चेक करो, इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ है, इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 15 करोड़ है, इज ग्रेटर देन 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा है दोनों का बराबर. लेकिन अगर दोनों का 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर क्या करोगे आप? 206C1H अप्लाई करोगे, 194Q अप्लाई करोगे. आपको 194Q अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन 194Q अप्लाई करते समय आपको पहले 50 लाख का थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा. 50 लाख का थ्रेशोल्ड अगर 95 लाख में से आप दे दोगे तो बच जाएगा कितना? 45 लाख. 45 लाख पे 0.1% TCS कलेक्ट होगा. चेक करो, और वो भी कैसे होगा? ये 20 लाख पे तो कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ दो. ये 25 लाख पर भी नहीं हो सकता है, 45 लाख हो गया. और ये 22 लाख में से भी 5 लाख थ्रेशोल्ड में चला जाएगा, 50 लाख. तो ये 22 लाख पे से 0.1% टीसीएस टीडीएस कट होगा, और ये 28 लाख में 0.1%. चेक करो, ये 22 में से भी 5 निकल जाएगा, 17 लाख. 17 लाख पे 0.1%, और फिर 28 लाख पे 0.1%. डेट क्या होगा?
इसका 23 नवंबर को डिडक्ट होगा और इसका 25 मार्च को डिडक्ट होगा, चेक करो, बहुत सिंपल है। इन दिस केस सिंस बोथ सेक्शन 194Q एंड 206C1H अप्लाइज, देयरफॉर टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर 194Q, तो आपको 194Q में टैक्स काटना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर गुप्ता टर्नओवर, मतलब सामने वाले का ये अपना टर्नओवर, मिस्टर गुप्ता टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर इज 8 करोड़, अगर मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 8 करोड़ है तो मेरे ऊपर 194Q अप्लाई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फिर सामने, अगर मेरे पे 194Q अप्लाई नहीं होता है तो फिर सामने वाला 206(1H) उसके ऊपर अप्लाई करवा दो, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करवा दो, क्योंकि सेक्शन बहुत क्लियरली बोलता है दिस सेक्शन वुड नॉट अप्लाई इफ द TDS इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन और TCS इज कलेक्टेबल अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, तो अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता तो मैं TDS कलेक्ट काटता, लेकिन मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 194Q एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर सामने वाला 206(1H) के हिसाब से TCS कलेक्ट करेगा। अब कितने पे करेगा, फिर से उसके लिए भी वही लॉजिक है, 95 लाख, 95 लाख में से 50 लाख लेस कर दो, 45 लाख पे उसको भी 17 लाख और 28 लाख पे 0.1% का उसको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड केस, ये भी मैंने आपको क्लास में बोला था, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं अगर चाहिए तो, चलो आपको याद नहीं रहता ऐसे कुछ। हाँ, इधर गया 206C1H, जस्ट अ सेकंड। हाँ, पहले 206C1H के बारे में बोलता हूं कि अगर सामने वाला पैन या आधार नहीं देता है तो आप ट्वाइस द रेट और 1% व्हिचएवर इज हायर के हिसाब से TDS काटोगे, बराबर, यस, ये मैंने आपको क्लास में बोला था। सिमिलरली 194Q में भी बोला था, 194Q किधर है, 194Q है, देखो आप ये ग्रीन वाला पूरा नया सेक्शन है, अगर सामने वाला पैन नहीं देता है देन द TDS इज डिडक्टेबल एट 5%, ठीक है। तो TCS के लिए मैक्सिमम 1% है और TDS के लिए मैक्सिमम 5%, ठीक है। तो अब यहां पर वही है, थर्ड पार्ट वही बोला गया, चेक कर लो। Would your answer to 1 and 2 change if the pan has not been furnished by the seller? ठीक है, चेक करो, चेंज हो जाएगा ना, अगर नहीं देता है तो TDS के लिए 5% और TCS के लिए 1% instead of 0.1%. I hope it is clear to all of you and I hope this entire clarification is clear to all of you. ठीक है, एक बार go through कर लो फिर आगे बढ़ो। नाउ चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, मुझे नहीं लगता ये अगला वाला अमेंडमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एकेडमिकली, बट स्टिल सेक्शन 115AD जो आपके नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के अंदर आता है, पेपर 6 में भी रेलेवेंट है, पेपर 7, लेकिन पेपर 6 में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, ये जो अमेंडमेंट अभी बताने जा रहा हूं, अगर आपने मेरा लेटेस्ट पेपर 6C का बैच लिया था तो उसमें मैंने ये अमेंडमेंट आपके साथ कवर कर दिया था, ठीक है। हाँ, पेपर 7 में नहीं कर पाया क्योंकि तभी तक ICAI का मटेरियल नहीं आया था। नाउ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के अंदर ये सेक्शन है 115AD, जिसमें 115AD इज एप्लीकेबल टू FIIs और इट इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड फंड्स जो IFSC के अंदर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल टैक्स रेट्स यहां पर डाला गया है 20% और स्पेसिफाइड फंड के लिए तो और कंडीशनल और रिलैक्स टैक्स रेट है 10% ऑफ द इनकम, ठीक है। तो नॉर्मल FIIs की तो टैक्स रेट जो इंटरेस्ट इनकम है वो 20% पे टैक्स होगी, लेकिन जो स्पेसिफाइड फंड है उनकी इंटरेस्ट इनकम 10% पे ही टैक्स कर रही है गवर्नमेंट, ज्यादा टैक्स भी नहीं कर रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाला था, यहां नीचे देखो आप, ठीक है, क्या प्रोविजन डाला था, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड फंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम दैट इज एट्रिब्यूटेबल टू द यूनिट्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट Not being permanent establishment of a non-resident in India calculated in the prescribed manner. Moral of the story क्या है, ठीक है, ये तीन लाइनें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बगैर अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा आगे क्या चल रहा है, ठीक है। Academically मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये इतना important है, पेपर 7 में भी मुझे नहीं लग रहा है, पेपर 6 में भी नहीं लग रहा है, बट मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना है इसलिए मैं एक बार आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। स्पेसिफाइड फंड कौन होता है सर, मैंने उसके बारे में यहां पर थोड़ा सा डिटेल डाला हूं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं, कंप्लीट डेफिनेशन के लिए आप अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स जाकर पढ़ो। स्पेसिफाइड फंड कौन होता है सर, एक फंड जो लोकेटेड है IFSC के अंदर विच हैज अ कैटेगरी 3 एक्सेट्रा कैटेगरी 1 एक्सेट्रा ऐसे कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का उसके पास सर्टिफिकेट है,
अब सपोज ये फंड है उसके टोटल 1000 यूनिट्स है, ठीक है, उसने 1000 यूनिट्स इशू किया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, तू जो भी इनकम कमाएगा ना, जो भी इनकम, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग 115AD में जो बेनिफिट्स है वो देंगे तुझे बेनिफिट्स, बट ओनली टू द एक्सटेंट इट इज हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स। मतलब जितना यूनिट्स नॉन रेसिडेंट्स होल्ड कर रहा है उतने पर ही तुझे बेनिफिट देंगे। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुझे पैसा अगर रेस करना है तो इंडिया के बाहर से पैसा रेस करना है, इंडिया के अंदर से नहीं। अगर तूने रेजिडेंट्स को यूनिट्स दिया तो उनकी जितनी इनकम है ना उसके प्रोपोर्शनेट इनकम पे तेरे को ये रिलैक्स रेट नहीं मिलेगी, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, से तूने टोटल इनकम कमाया है, से इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम से 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, अब तू चाहता है कि इस 1 करोड़ रुपए पे मुझे कंसेशनल टैक्स रेट लगे जो 115AD में लिखा है, कितना परसेंट, 10%। तो तेरे को ये चीज याद रखना चाहिए कि तू अगर चाहता है कि तेरी पूरी इनकम पे तेरे को 10% कंसेशनल टैक्स रेट मिले तो तेरा सारे यूनिट होल्डर्स नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। अगर तेरे प्रपोर्शनेट यूनिट होल्डर्स रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट का पी इंडिया में है जो वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, रेजिडेंट होल्ड करेगा तो भी नहीं मिलेगा, और नॉन रेजिडेंट का अगर इंडिया में पी है तो उसको भी हम रेजिडेंट जैसा ही मानते हैं, वो भी अगर होल्ड कर रहा है तो नहीं। तो यहां पर तेरी प्रपोर्शनेट इनकम पे ही हम आपको, तो इसको हमको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। जो नॉन रेसिडेंट होल्ड कर रहा है उस पर 115AD का बेनिफिट मिलेगा, और जो रेसिडेंट होल्ड कर रहे हैं उस पर आपको 115AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बोलना चाहता है ये प्रोविजन, पहले बराबर से इसको पढ़ो। इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब दीज कंसेशनल रेट्स वुड अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम दैट इज एट्रिब्यूटेबल टू द यूनिट्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो अब उसको कैसे कैलकुलेट करने का गवर्नमेंट ने बोला, हम उसका मैनर बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या मैनर बताया, जब मैं आपको पढ़ाना था तब मैनर नहीं आया था, अब मैनर आ चुका है। क्या आया है, रूल 21AJ, ये एक मैनर आया है जो CBDT ने आपको बताया। तो अब अपने को ये रूल पढ़ना है और कुछ नहीं, कोई बहुत महान चीज नहीं है, देखिए इसको। अब इस रूल को भी गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सुन लो। जो कैपिटल गेन्स इनकम है 1, 2, 3 इसके लिए रूल अलग है, और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है इसके लिए रूल अलग है, इसके लिए एक रूल है, और कैपिटल गेन्स इनकम के लिए रूल अलग, ठीक है। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने 2 किस्म के प्रोविजन डाले। ये पहला वाला जो रूल है वो कैपिटल गेन्स इनकम के लिए डाला है, और जो दूसरा वाला नीचे रूल है वो अदर इनकम्स के लिए डाला, अदर देन कैपिटल गेन्स, मैंने यहां लिख के रखा हूं, ठीक है। अब सुन लो, मैं फिर से आपको बता रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ लो। यहां पर एक स्पेसिफाइड फंड है, कहां पर है वो, IFSC के अंदर लोकेटेड होता है, और उसको गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है, 115AD के अंदर, और बोला है कि 115AD के अंदर अगर आपके जो स्पेसिफाइड फंड्स हैं अगर वो कुछ इनकम कमाते हैं तो उसको कंसेशनल रेट सिर्फ उतने ही प्रपोर्शन पे मिलेगा जितना यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट, जितना यूनिट्स आर हेल्ड बाय रेसिडेंट्स उस पे तेको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो फिर वो प्रपोर्शन कैसे निकालने का, सर गवर्नमेंट बोलती है हम बताते, ठीक है, उसके लिए हम रूल बनाएंगे, मैंने बोला आप बताओ। तो फिर सबसे पहले अब रूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। पहला कैटेगरी जो कैपिटल गेन्स इनकम है 1, 2, 3 उसके लिए रूल अलग है, और जो तुम्हारा अदर इनकम से 1, 2, 3 उसके लिए अलग, ये कवर नहीं होगा क्योंकि इस पे तो अदर इनकम जो ये 6 इनकम को छोड़कर जो 7वीं इनकम है उस पे तो नॉर्मल टैक्स रेट लगने वाला है वैसे भी आपको, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स इनकम की जितनी भी इनकम होगी उस पे अगर आपको ये कंसेशनल रेट चाहिए, ये कंसेशनल रेट चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट द मैक्सिमम यूनिट्स आर हेल्ड बाय व्हाट, या ऑल यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट होल्ड करेगा तो चलेगा, रेसिडेंट होल्ड करेगा तो उतने प्रपोर्शन पे तेको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी अगर वो होल्ड कर रहा है तो भी तेको उतने प्रपोर्शन पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको भी हम लोग रेसिडेंट कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। देयरफॉर चलो देखते हैं अब ये प्रपोर्शन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बोला। For the purpose of section 115AD subsection 1A, the income of specified fund by way of short-term or long-term capital gains referred to in 115AD subsection 1 clause B, attributable to the units held by non-resident, not being the permanent establishment of a non-resident in India, shall be calculated in accordance with the following formula. A is equal to B into C. अब ये क्या है, इसको मैंने और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर नीचे डाल दिया, ठीक है, बाद में वो कॉपी कर लोगे तो काफी है। सर व्हाट इज A? A क्या है? A is your answer. A क्या है मालूम? A आपका final answer है। कैसे सर? पढ़ो।
इनकम एट्रिब्यूटेबल टू द यूनिट्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट, अभी वही तो पता लगाना है, हाउ मच इनकम इज एट्रिब्यूटेबल टू द नॉन रेसिडेंट्स, जितना इनकम इज एट्रिब्यूटेबल टू द नॉन रेसिडेंट उतने पे अपने को ये सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, एंड जितना इनकम इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द नॉन रेसिडेंट उतने पे अपने को ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उतने इनकम पे आपको नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यही तो आंसर है आपका, तो आंसर आएगा कैसे, आंसर आएगा बी इंटू सी करके, तो बी क्या है सर, बी है इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से कौन सी इनकम आती है भाई, कैपिटल गेन्स आती है ना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सिक्योरिटी, तो ये जो बी है वो इन तीनों में से जो इनकम कमाया ना आपने वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, वो बी, तो बी मैंने यहां लिख दिया, देखो मैंने अपने हिसाब से फॉर्मूले को डीकोड कर रहा हूं, बी मैंने यहां लिख दिया टोटल कैपिटल गेन्स, ठीक है, इंटू सी, सी में क्या आएगा सर, सी में क्या आएगा, चलो देखते, रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ डेली असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फंड हेल्ड बाय द नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर नॉट बीइंग द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया टू टू, तो अब मैं जो हाईलाइट करने जा रहा हूं ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक ये न्यूमरेटर है, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो यहां तक न्यूमरेटर, फिर यहां से डिनोमिनेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, सबर करना, सबर करना, स्पेसिफाइड फंड, देखो बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्पेसिफाइड फंड की सिर्फ उतनी इनकम को इस सेक्शन में रिलैक्सेशन देंगे जितना नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को एट्रीब्यूट होती है, तो कैसे निकालने का, तो ए इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, ए तो आंसर है अपना, बी क्या है, जितना भी कैपिटल गेन से वो ले लो मल्टीप्लाइड बाय फंड के पास नॉन रेसिडेंट का कितना पैसा पड़ा हुआ है वो न्यूमरेटर में चेक करो, डिवाइडेड बाय फंड के पास टोटल कितना पैसा पड़ा हुआ है, आंसर आई वही आएगा ना, अबे टोटल कैपिटल गेन्स को मल्टीप्लाई अगर तू करेगा कि फंड के पास टोटल नॉन रेसिडेंट के यूनिट से कितना पैसा आया वो न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय टोटल पैसा फंड के पास कितना आया वो डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर प्रोपोर्शनेटली आई जाएगा ना कि नॉन रेसिडेंट का कितना पैसा है, चेक करो, रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ डेली असेट अंडर मैनेजमेंट, डेली असेट अंडर AUM, आपने ये वर्ड सुना होगा इन रेफरेंस टू म्यूचुअल फंड कंपनीज, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी का डेटा उठाओ उसमें आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट पे भाषण दिखेगा, हमेशा चेक करना कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, उसका असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसने कितना पैसा रेस किया है कस्टमर से, तो आपको क्या करने का है, जितना भी गेन है आपका फंड का मल्टीप्लाइड बाय नॉन रेसिडेंट का असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल असेट मैनेजमेंट कितना, आपको आंसर आ गया, इट इज एज सिंपल एज दैट, उसमें और क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मल्टी बी इंटू सी क्या है, सी अपने में डिविजन है दो चीजों का, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला आप लिख लो, फोटो ले लो, लिख लो प्लीज, रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ डेली असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फंड बाय नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर टू एग्रीगेट ऑफ द डेली टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट, तो यहां पर एग्रीगेट ऑफ द डेली असेट मैनेजमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फंड हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट होल्डर और यहां पर टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फंड, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, तो ये आपका इस तरीके से एट्रीब्यूट होगा गेन्स की इनकम, अब ये जो अदर इनकम है जिसमें डिविडेंड इंटरेस्ट ये सब कुछ आ सकता है उसको कैसे एट्रीब्यूट करोगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, कुछ वर्ड्स बदले बस यहां पर और कुछ नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ 115AD सबसेक्शन 1A द इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड फंड, इनकम मतलब अब कौन सी इनकम, कैपिटल गेन्स तो हो गया, तो अदर इनकम अदर देन सीजी दैट इज इंटरेस्ट डिविडेंड अगर है तो उसको कैसे एट्रीब्यूट करेंगे हम लोग कि कितना इज एट्रीब्यूटेबल टू द नॉन रेसिडेंट यूनिट एंड कितना इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू द नॉन रेसिडेंट यूनिट्स, By way of income received in respect of securities referred to in 115AD attributable to the non-resident, यहां पर X is equal to Y into Z, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, X अपना final answer होएगा, final answer, X is final answer, this is final answer, कि कितना interest, कितना dividend is attributable to the non-resident, तो जितना भी interest, जितना भी dividend is attributable to the non-resident, उतने पे आपको concessional rate tax मिलेगा, बाकी पे आपको normal tax भरना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू वाई, वाई का मतलब क्या है सर, वाई का मतलब आपने कितना इनकम कमाया, ठीक है, जैसे वहां पर बी का मतलब क्या था, कितना कैपिटल गेन्स कमाया, वैसे यहां पर वाई का मतलब कितना इनकम कमाया, कितना इंटरेस्ट कमाया, कितना डिविडेंड कमाया, इनकम 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 अदर देन सीजी दैट इज डिविडेंड दैट इज इंटरेस्ट, वो आपका बी, वो आपका वाई हो गया, और जेड, जेड में आपको क्या करना है, वही करना है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय द एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द नॉन रेसिडेंट डिवाइडेड बाई द टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट, सिर्फ यहां पर एक वर्ड नहीं यूज है
यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट वर्ड यूज कर रही है, असेट अंडर मैनेजमेंट, असेट अंडर मैनेजमेंट। यहां पर नॉन रेसिडेंट का असेट अंडर मैनेजमेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा और यहां से आपका डिनोमिनेटर में टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट आ जाएगा। तो यहां पर आपका न्यूमरेटर खत्म हो जाता है, यहां पर आपका डिनोमिनेटर शुरू हो जाता है। तो न्यूमरेटर सब वर्ड सिर्फ एक वर्ड का फर्क है कि यहां पर आपको डेली असेट अंडर मैनेजमेंट नहीं लेना है, एक पर्टिकुलर डेट का लेना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट का असेट अंडर मैनेजमेंट लेना है, यहां पर डेली असेट अंडर मैनेजमेंट नहीं लेना है। यहां पर आपको जब कैपिटल गेन्स के लिए जब आप करते हो ना, तो यहां पर आपको डेली असेट अंडर मैनेजमेंट का एवरेज लेना पड़ेगा, बस फर्क यही है और कुछ भी फर्क नहीं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर्मूला यही है रे, और कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ यह है कि यहां पर डेली लेना है और वहां पर आपको डेली वर्ड निकाल दिया है इन गवर्नमेंट ने। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगर ये आपको क्लियर है ना, तो अगला वाला प्रोविजन भी आपको आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला डिस्कशन इज 100% डिपेंडेंट ऑन दिस डिस्कशन विच वी हैव डन जस्ट नाउ। जो भी अपन ने किया उसी पे पूरा डिपेंडेंट है अगला वाला डिस्कशन। क्या है सर ये? ऐसा सिमिलर अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने 10(4)(d) में भी किया है, जो आपको एग्जेम्पशन देता है स्पेसिफाइड फंड को फ्रॉम सर्टेन इनकम्स। ठीक है, अब यहां पर भी गवर्नमेंट ने बोला है, क्या बोला है मानो, सबसे पहले यहां पर क्या क्या कवर्ड है वो चेक करो। यहां पर कुछ इनकम्स कवर्ड है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट मतलब सीजी, यहां पर कुछ सीजी कवर्ड है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स इन कंपनी रेसिडेंट इंडिया, पहले ये पर रिवाइज करके आओ सब कुछ। तीसरा, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, ठीक है, तीसरा इंटरेस्ट और डिविडेंड कवर्ड है फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉन रेसिडेंट, और चौथा पीजीबीपी इनकम कवर्ड है फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो पहली दो इनकम सीजी है और तीसरी और चौथी इनकम इंटरेस्ट डिविडेंड और पीजीबीपी है, मतलब अदर इनकम से। यहां पर 47(7)(ab) में कवर्ड असेट्स है, क्या कवर्ड असेट्स है, 47(7)(ab) जाकर पढ़ लेना अपने कैपिटल गेन्स के अंदर। वहां पर क्या कवर था, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स थे सोल्ड बाय, ये कौन से बॉन्ड्स है, कौन से, ये सब 115(ac) के अंदर कवर्ड थे, अगर आप जाकर चेक करोगे एनआर टैक्सेशन में। ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से आपको, तभी जाकर आपको ये चीजें समझ आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। बस इतना समझो कि अब यहां पर भी गवर्नमेंट ने वो सिमिलर प्रोविजन, लेकिन यहां पर तो सीधा एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, वहां कंसेशनल टैक्स रेट की बात कर रहे थे, यहां पे तो एग्जेम्पशन के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको सिर्फ उतना एग्जेम्पशन मिलेगा जितना इनकम इज एट्रिब्यूटेड टू द यूनिट हेल्ड बाय द नॉन रेसिडेंट, नॉट बींग द नॉन रेसिडेंट हु हैज अ पी इन इंडिया। अगर इंडिया में नॉन रेसिडेंट का कोई पी है, अगर वो यूनिट होल्ड कर रहा है, तो उस पर एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला आपको, पूरा नॉन रेसिडेंट बाहर होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा, रूल 21(aj) के बाद रूल 21(ai), एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, ऐसा जैसा आपने ऊपर बना था, देखो आपको देख के पता चल जाएगा। सर इतना बड़ा फॉर्मूला है आप बोल रहे हो, एग्जैक्ट सेम है, कुछ सेम ही है, पूरा कॉपी पेस्ट है। इट इज जस्ट दैट कि यहां पर चार अलग इनकम है, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है ना, अरे एक इनकम दो कलर करता हूं, एक इनकम दो इनकम तीन इनकम चार इनकम, इसलिए इनको चार बार प्रपोर्शन करना पड़ेगा जैसे ऊपर आपने किया था। कैसे सर, देखो ए इंटू सी वन प्लस बी इंटू सी टू प्लस डी इंटू एफ वन प्लस ई इंटू एफ टू। ए में क्या आएगा, ए में ये आएगा मतलब कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स आएगा तो क्या करने का, ए इंटू सी वन, ए ये है सी वन ये है, सी वन लेते समय आपको क्या करना पड़ेगा, फंड का न्यूमरेटर में यहां पर क्या इनकम आ जाएगी, कैपिटल गेन्स इनकम आ जाएगी बराबर, और यहां पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, अरे पूरा कॉपी पेस्ट है जो ऊपर पढ़ाता रहे। आपको अभी क्या करना है, ये चारों इनकम के लिए चार कंप्यूटेशन करना है बस, और कुछ नहीं, और पता, और फिर टोटल मारना है चारों का, क्योंकि चारों के बीच में प्लस है। तो चलो पहले वाली इनकम कैपिटल गेन्स इनकम है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप कैपिटल गेन्स इनकम ले लोगे मल्टीप्लाइड बाय फंड का डेली असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है फ्रॉम नॉन रेसिडेंट, वो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय फंड का टोटल डेली असेट मैनेजमेंट कितना है टोटल, वो डिनोमिनेटर, चेक करो वही है। एनी इनकम अक्रूड और अराइजन टू रिसीव बाय स्पेसिफाइड फंड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट से कौन सी इनकम आती है, कैपिटल गेन्स, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एग्रीगेट डेली असेट अंडर मैनेजमेंट बाय यूनिट होल्डर टू, अब यहां पर न्यूमरेटर खत्म हो गया, यहां डिनोट टू द डेली टोटल असेट मैनेजमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फंड डिनोमिनेटर में, सेम कॉपी पेस्ट यही फॉर्मूला है। देखो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको चार बार अप्लाई करना, ये फॉर्मूला दो बार अप्लाई करना है क्योंकि दो कैपिटल गेन से, और ये फॉर्मूला दो बार अप्लाई करना है क्योंकि दो अदर इनकम से, बस और कुछ नहीं है यार, देख लो बस, बहुत ही सिंपल है। फिर भी मैं चारों एक बार बता दूं, बी क्या है, बी व्हाट इज बी, एनी इनकम अक्रूड और अराइजन टू रिसीव बाय स्पेसिफाइड फंड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी मतलब वापस कैपिटल गेन्स, बी इज टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, ये वाली इनकम के बारे में बात कर। तो फिर से वही फॉर्मूला,
बी को किससे मल्टीप्लाई करने का, सी टू से। सी टू क्या है, सी टू वही एग्रीगेट ऑफ डेली असेट अंडर मैनेजमेंट डिवाइडेड बाय एग्रीगेट ऑफ डेली ऑफ टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट। तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका सेकंड पॉइंट। अब डी क्या है, डी डी चेक करो, डी लेट अस सी डी, पे अटेंशन प्लीज, एक सेकंड। हाँ तो डी क्या है सर, डी में तीसरी इनकम आएगी, ऑर्डर में जा रहा है, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉन रेसिडेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जितना भी इंटरेस्ट डिविडेंड है वो ले लो मल्टीप्लाइड बाय नॉन रेसिडेंट का कितना असेट अंडर मैनेजमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। अब यहां पर डेली वर्ड नहीं आएगा, चेक कर लेना। थर्ड वन इज डी इंटू एफ वन बराबर, तो एफ वन में देखो आपको यहां पर डेली असेट अंडर मैनेजमेंट वर्ड नहीं दिखेगा। सिमिलरली लास्ट वाले के लिए भी वही है यार, बहुत ही चिंतित हो गया, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते, बहुत सिंपल है। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये दो प्रोविजन एग्जाम के लिए इतने रिलेवेंट, ठीक है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली लगते, क्योंकि ये इतना ज्यादा डे टू डे लाइफ में काम नहीं आएगा, ये बहुत ही हाई लेवल के सेक्टर्स के लिए रेलेवेंट है, वो कोई स्पेसिफाइड फंड जो आईएफएससी के अंदर है, अपन जिंदगी में कभी आईएफएससी के अंदर भी नहीं गया था, ठीक है। तो अगर आप आईएफएससी के अंदर के फंड का किसी का टैक्स ऑडिट वॉडिट कर रहे हो या उसका आईटीआर भर रहे हो तो तब जाकर आपको ये सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, तो क्या मतलब है सब चीज का, डे टू डे लाइफ में कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ो। नाउ चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोविजन, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी 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 गुड वन। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया नहीं था, इसका प्रोविजन बता दिया था, पढ़ा नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम पे रूल्स नहीं आए थे। तो अब ये क्या बोलना चाहता है, चलो देखते हैं, ठीक है। 115 जेबी से रिलेटेड कुछ है, दैट इज 115 जेबी इज नाउ मतलब लिंक्ड विद ट्रांसफर प्राइसिंग, 115 जेबी ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ लिंक्ड हो चुका है, ठीक है। पहले पढ़ लेता हूं मैं, पढ़ने पे कुछ समझ में आता है क्या, देखते चलो, उसके बाद में मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एडजस्टमेंट इन टैक्स पेबल ऑन द बुक प्रॉफिट अंडर 115 जेबी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट और ऑन अकाउंट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट अंडर 92C, वेयर देयर इज एन इंक्रीज इन द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ पास्ट ईयर्स इनकम ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ an APA entered by the assessee under 92CC or secondary adjustment required to be made under 92C, then the assessee makes an application to the AO. In this behalf, the AO shall recompute the book profit of the past year and the tax payable, if any, by the assessee during the previous year under 115JB in such manner as may be prescribed. Ab ye kya hai kya sir, ye palle nahi padha hamare, are itni aasani se agar palle padha hota to fir हमारी तो कुछ वैल्यू नहीं होती जिंदगी, ठीक है बराबर। तो अभी जिसने मैराथन अमेंडमेंट मेरा लेक्चर बैठा उसमें मैंने ये चीज कवर कर ली थी, ठीक है। अगर आपने मैराथन अमेंडमेंट में लेक्चर देखा है तो ये आगे बढ़ाओ और उसके आगे देखो, बाकी सबको देखना पड़ेगा, जो मेरे रेगुलर बैच है फास्ट ट्रैक बैच वाले उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ पे अटेंशन प्लीज, सर क्या बोलना क्या चाहता है सर, यहाँ पर भी एक रूल लेकर आ गए ना, रूल 10RB सब रूल 1 क्या है सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है, विद एग्जांपल। सबको ये पता होगा एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन द असेसी एंड सीबीडीटी फॉर सर्टेनिटी ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। एक बार ये अग्रीमेंट हो जाएगा जो 5 साल के लिए मैक्सिमम होता है, उसके बाद में आपके आर्म्स लेंथ प्राइस में सर्टेनिटी आ जाएगी, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें उस वो असेसी या डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बाइंडिंग है। AOs पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा, TPOs पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा, CIT उस पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा, SSC भी उस पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा, ठीक है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, जो आप अपने एसोसिएट एंटिटी को एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, एक्स्ट्रा देते हो, जो प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है उस पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगाती है डीम लोन मानकर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ठीक है। नाउ ये पूरे लॉजिक को समझने के लिए अपने को कुछ समझना पड़ेगा। नाउ ये एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लाया, ये पूरा एग्जाम्पल आपको कॉपी करना पड़ेगा, बाद में मैं इसको छोटा कर दूंगा, इसका फोटो ले लेना और फिर आप अपनी मोबाइल में उसको जैसे भी बड़ा करना है बड़ा करके लिख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, रूल 10RB, ठीक है, कुछ टर्म्स यूज करूंगा दिमाग में रखना। ये आपका करंट ईयर है, प्रीवियस है 21-22 जो अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ये आपका पास्ट ईयर है, प्रीवियस है 20-21, ठीक है, ये लास्ट ईयर बोलो पास्ट ईयर बोलो, ये करंट ईयर बोलो प्रीवियस ईयर बोलो, जो बोलना है बोलो। पिछले साल का बुक प्रॉफिट आपका 90 लाख था, ठीक है, 90 लाख बुक प्रॉफिट था। अब पिछले साल आपने एपीए के लिए एप्लीकेशन दिया, मैं एपीए के एंगल से समझाता हूं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट के एंगल से भी वैसा ही चलेगा वो,
प्रोविजन में कोई फर्क नहीं, प्रोविजन दोनों के लिए सेम है। पिछले साल आपने एपीए का एप्लीकेशन दिया, कौन से साल के लिए? 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2025, 5 साल के लिए एप्लीकेशन दिया। अब सीबीडीटी वाले जो है ना वो बहुत सुस्त किस्म के लोग हैं, सॉरी टू से। आपने एपीए का एप्लीकेशन दे दिया, हाँ दे दिया, देने के बाद सीबीडीटी ने उसको साइन अगले साल किया और अगले साल सीबीडीटी ने आर्म्स लेंथ प्राइस डिसाइड करके बताया कि भाई इतना तुम्हारा आर्म्स लेंथ प्राइस आने वाला है, ठीक है। तो जितना आर्म्स लेंथ प्राइस मैंने पिछले साल अपने आईटीआर में भरा था और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिसाइड किया था, उससे अभी आर्म्स लेंथ प्राइस 35 लाख रुपीस बढ़ गया, एग्जांपल। देयरफॉर मेरे को करंट ईयर की इनकम के अंदर 35 लाख रुपीस बढ़ाना पड़ेगा, जबकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, जबकि ये 2021 की इनकम है, बराबर? अरे हाँ या ना, क्योंकि ये पिछले साल का आर्म्स लेंथ प्राइस इस साल बढ़ रहा है क्योंकि सीबीडीटी ने साइन अग्रीमेंट इस साल किया। तो सर आप पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके चेंज क्यों नहीं कर देते हो? ऐसा नहीं कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते हो? अरे पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो सब रेडी हो चुका है, पिछले साल का एनुअल जनरल मीटिंग हो गया है, ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया है, सर्टिफाई कर लिया है, अब वो 35 लाख का एडजस्टमेंट आपको करंट ईयर में ही करना पड़ेगा। उसके वजह से क्या हो रहा है, करंट ईयर का जो आपका बुक प्रॉफिट है ना वो 95 लाख से बढ़कर 130 लाख हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज में गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको करंट ईयर में हम कुछ रिलैक्सेशन देंगे, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर का आपका बुक प्रॉफिट जबरदस्ती बढ़ रहा है पिछले साल की इनकम की वजह से। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि करंट ईयर का बुक प्रॉफिट करंट ईयर के एएलपी की वजह से नहीं बढ़ रहा है, पास्ट ईयर के एएलपी की वजह से बढ़ रहा है। तो अब कितना रिलैक्सेशन देंगे, वही तो गवर्नमेंट ने यहां पर रूल लाया। एज पर रूल 10RB सब रूल 1 हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट द टैक्स पेबल बाय द असेसी कंपनी अंडर सेक्शन 115JB फॉर द प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर कौन सा है अपने एग्जाम में 21-22, शैल बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग अमाउंट। तो आपका जो करंट ईयर का मैट का टैक्स है, करंट ईयर का मैट लाइबिलिटी जो है, that will be reduced by the following formula, इतने से वो reduce हो जाएगा। Therefore, answer क्या आने वाला है आपका, mat payable for the previous year minus कितना, जो current year में minus कितना होगा, इतना minus होगा। तो government ने prescribe कर दिया कितना minus होगा, इतना minus होगा सब। तो पहले ये समझो minus कैसे होने वाला है, आपका जो current year that is previous year 21-22 का mat liability है, जो भी लायबिलिटी है उसमें से आपको कुछ रिडक्शन मिलेगा, वो रिडक्शन कितना मिलेगा वही ये रूल 10RB बताता है, ठीक है। कितना रिडक्शन मिलेगा सर बताओ हमको, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इज ए माइनस बी ब्रैकेट, बराबर से देखो रे इधर, ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस डी माइनस सी ब्रैकेट। इस फॉर्मूले को अगर मैं तोड़ू तो तोड़ूंगा तो कैसे चलेगा मालूम है फॉर्मूला, मैथमेटिक्स, ए माइनस बी, ठीक है। अगर इसको खोल दूं मैं ब्रैकेट को, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इस तरीके से चलेगा बराबर। मेरे को वो सब करना नहीं है, मेरे को वो खोलने व फॉर्मूले को खोलने वोलने का कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। वो जैसे चल रहा है उसको चलने दो, जबरदस्ती उसके साथ छेड़ के जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। मेरे को खाली सब्सिट्यूट करना है, ए का मतलब क्या, बी क्या, सी क्या, डी क्या, लेकिन ऑर्डर में जाते समय मैं पहले ये उठाऊंगा फिर ये उठाऊंगा फिर ये उठाऊंगा और फिर ये उठाऊंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज ए, ए क्या है, चलो पढ़ते हैं, ए क्या है, बी क्या, सी क्या, डी क्या है, वो जानने के लिए पहले आप अच्छे से ना यहां पर डेटा देख लो, ठीक है। डेटा देखोगे नहीं तो आपको ए समझ में नहीं आएगा, बी समझ में नहीं आएगा, सी समझ में नहीं आएगा, डी समझ में कुछ नहीं समझना है। डेटा अच्छे से देखो, लास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट कितना है 90 लाख, करंट ईयर का बुक प्रॉफिट कितना है 95 लाख। अब करंट ईयर की इनकम कितनी बढ़ गई लास्ट ईयर के वजह से, 35 लाख से बढ़ गई, तो करंट ईयर का नया बुक प्रॉफिट कितना हो गया 135 लाख का तुम्हारा बुक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, अभी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा। तो ए पता लगाते अभी हम, सर व्हाट इज ए, चलो पढ़ो। A means tax payable by assessee company under 115JB, मतलब MAT, on the book profit of the previous year, मतलब 21-22, including past income. तो अब आपको A के अंदर क्या निकालना है, टैक्स निकालना है, MAT निकालना है, कितने पे,
बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर पे, बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना है 90 लाख से, इंक्लूडिंग पास्ट इनकम, इंक्लूडिंग पास्ट इनकम कितना हो जाता है चेक करो, बुक प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 95 लाख से, ठीक है, और इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पास्ट इनकम कितना होगा 130 लाख। देयरफॉर कैन आई से ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ टैक्स ऑन करंट ईयर बुक प्रॉफिट इंक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम, उस पे टैक्स निकालना, मतलब मेरे को 130 लाख पे टैक्स निकालना है। अब 130 लाख पे मेरे को टैक्स निकालना है, मेरे को बुक प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालूंगा सर, टैक्स निकालना है, मैट, मैट की लाइबिलिटी कितनी आती है 15%, कैलकुलेटर उठाओ, देखो आपको कैलकुलेशन यहां पर समझ में आ जाएगा, कैलकुलेटर उठाओ सब लोग, ठीक है, 1,30,00,000 रुपीज, ठीक है, उस पे मैट कितना आएगा 15% मैट सरचार्ज आएगा, आएगा, क्योंकि आपकी अब जो टैक्स है 1 करोड़ के ऊपर निकाल रहे हो आप, तो सरचार्ज कितना लगता है डोमेस्टिक कंपनी को 7% और सेस 4%, तो 2169,960 ये आपका टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है 130 लाख के ऊपर। कैसे आया 130 लाख ये भूलना मत, टैक्स ऑन वॉट बोलो रे पागल लोग, करंट ईयर इनकम प्लस, प्लस कितना इंक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम, तो टैक्स ऑन 130 लाख कम्स टू 2169,960, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर ए। अब बी की तरफ चलते हैं, हाँ आगे लिखा है हाउएवर वेयर नो टैक्सेस पेबल अंडर 115 जेबी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम द वैल्यू वुड बी जीरो, अगर यहां पर कोई टैक्स नहीं आएगा तो फिर इस पर्टिकुलर ए को आप जीरो ले लेना, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो अभी अपने को आ रहा है तो जाने दो। पॉइंट नंबर बी क्या है, ताकि ए माइनस बी तो कम से कम मिल जाए, टैक्स पेबल बाय एसएससी कंपनी अंडर 115 जेबी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, हाउ मच इज द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज 90 लाख, सॉरी बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 95 लाख, ठीक है, आफ्टर रिड्यूसिंग द बुक प्रॉफिट विद द पास्ट इनकम, तो बराबर से पढ़ लेना, टैक्स पेबल बाय एसएससी कंपनी अंडर 115 जेबी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर आफ्टर रिड्यूसिंग द बुक प्रॉफिट विद द पास्ट इनकम, पास्ट इनकम निकाल के अभी टैक्स निकालो, पास्ट इनकम निकाल के अगर टैक्स निकालूंगा तो कितना आएगा, तो सब कुछ मिलाकर 130 लाख है बराबर, अब पास्ट इनकम निकाल दूंगा तो टैक्स कितने पे आना पड़ेगा 95 लाख पे आपको टैक्स लेना पड़ेगा, और अगर 95 लाख पे अगर आप टैक्स ले रहे हो तो आपको सरचार्ज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 करोड़ से कम है, इंटू 0.15 दैट इज 15% टैक्स इंटू 4% सेस विन कल टू 14,82,000 रुपीज चेक कर लो, ठीक है, और ए माइनस बी का जब मैं फॉर्मूला लूंगा तो ए माइनस बी भी मैंने यहां पर निकाल लिया, तो a माइनस बी कितना हो गया 687,960, आपको a माइनस बी तो कम से कम आ गया, अब d माइनस सी लेना है अपने को, और उसके बाद में जो a माइनस बी आएगा उसमें से d माइनस सी को लेस कर देना है बराबर, ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला जो गवर्नमेंट ने दिया यहां पर प्रिस्क्राइब किया है रूल 10RB में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर सी पे, सी नहीं पहले डी, क्योंकि ये ऑर्डर में जाना है, किस ऑर्डर में जाने की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, इस ऑर्डर में पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो डी पे आते हैं, एग्रीगेट ऑफ टैक्स पेबल बाय द एसएससी कंपनी अंडर 115 जेबी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर और ईयर्स रेफर्ड टू इन आइटम सी, तो अब टैक्स किसका निकालने का, ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर आफ्टर इंक्रीजिंग द बुक प्रॉफिट विद द रेलेवेंट पास्ट ईयर इनकम, अब पास्ट ईयर के बुक प्रॉफिट में पास्ट ईयर की जो इनकम है ना उसको एड बैक करो और फिर टैक्स निकालो, तो पास्ट ईयर की इनकम कितनी है, पास्ट ईयर का बुक प्रॉफिट 90 लाख है और पास्ट ईयर की इनकम 35 लाख है, उसको एड करो तो 90 प्लस 35, अब 125 लाख पे टैक्स निकालो, फिर से 15% टैक्स 7% सरचार्ज, क्योंकि 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में इनकम है, तो आपको टैक्स आ जाएगा 2086,500, वो सब बराबर है, वो कैलकुलेशन चेक मत करो, सब सही है, ठीक है। अब डी में से सी को माइनस करना है, बिकॉज इट इज डी माइनस सी, सी क्या बोलता है, एग्रीगेट ऑफ टैक्स पेबल बाय द एसएससी अंडर 115 जेबी ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ दोस पास्ट ईयर्स टू विच द पास्ट इनकम बिलोंग्स, ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ दोस पास्ट ईयर्स टू विच द पास्ट इनकम बिलोंग्स, तो यहां पर कितने पे आपको निकालना पड़ेगा टैक्स, टैक्स निकालना पड़ेगा डायरेक्टली 90 लाख पे, ठीक है, ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ दोस पास्ट ईयर टू विच पास्ट इनकम बिलोंग्स, तो वो साल का बुक प्रॉफिट कितना है 90 लाख से, टू विच पास्ट इनकम बिलोंग्स, ये पास्ट इनकम है आपकी, ये जो 35 लाख दिख रहा है ना, ये आपकी पास्ट इनकम का डेफिनेशन में ये आ जाएगा, तो ये साल का बुक प्रॉफिट पे टैक्स निकालो टू विच पास्ट इनकम बिलोंग्स, तो निकालो फिर और क्या, 90 लाख पे टैक्स निकालो, 90 लाख पे टैक्स निकालूंगा तो 14,400 आ जाएगा आपको, ठीक है, फिर मैं डी माइनस सी कर दूंगा, डी माइनस सी करने पे मेरे को कितना आ जाएगा 682,500, अब ए माइनस बी 687,960 था, डी माइनस सी 682,500 है, इन दोनों को अब माइनस कर दूंगा, बिकॉज द अल्टीमेट फॉर्मूला इज ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी, देयरफॉर मुझे रिलीफ कितने का मिलेगा 5,460, क्योंकि पूरी लड़ाई किसकी चल रही है, आपके करंट ईयर के टैक्स में से आपको कितना रिलीफ मिलने वाला है
इतने अमाउंट का रिलीफ मिलेगा। देखो ये प्रोविजन के अंदर लिखा गया है कि शैल बी द करंट ईयर टैक्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग अमाउंट। हाउ मच अमाउंट? द अमाउंट विच वी हैव जस्ट गॉट इट। हाउ मच वी हैव गॉट इट? 5460 से करंट ईयर का प्रॉफिट आप टैक्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा अभी फटाक से। लिखा मतलब आप फोटो ले लो इसका, और क्या, इसका फोटो ले लो पहले, फिर मैं इसको स्क्रोल करता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, बहुत गंदगी मच चुकी है यहाँ पर, ठीक है थोड़ा सा तो साफ कर देता हूँ, बस इतना भी साफ कर दूंगा तो काफी है, ठीक है इतना फोटो ले लो, फिर थोड़ा सा स्क्रोल कर देता हूँ, ये ले लो फोटो, ये लिख लेना, वो शीट के अंदर ही लिख लोगे तो बेटर है। ये एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, कोई स्टडी मटेरियल बड़ी मटेरियल कुछ नहीं देता, इंस्टीट्यूट ये सब काम नहीं करता है, सिर्फ उनका काम क्या है, रूल डाल दो बस, कुछ एक्सप्लेन नहीं करते लोग, रूल डालते हैं। अभी सोचते बैठो, अभी एग्जाम्पल के बगैर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस प्रोविजन को बेटा। ये कॉपी कर लो और ये नीचे का पार्ट भी थोड़ा सा जो है वो कॉपी कर लो, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर ये है, दिस इज वॉट, दिस इज ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। इतना आपको रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है, करंट ईयर के टैक्स में से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स वेरी क्लियरली। एक दो जगह पे और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, मैं वो आपको बता देता हूँ, वो आप अपने साथ में ही लिख लेना। आप अगर अपनी बुक में आओगे, समरी बुक में आओगे तो भी चलेगा, और टेक्स्ट बुक में आओगे तो भी चलेगा। असेसमेंट प्रोसीजर में एक जगह पे एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर, वो भी मैंने आपको क्लास में बता दिया कि गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करेगी। आप यहाँ पर आना 142(1) में, 142(1) में क्या होता है, गवर्नमेंट नोटिस भेजती है। कौन नोटिस भेजता है? असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेजता है, ठीक है। तो कौन नोटिस भेजता है? एओ नोटिस भेजता है। लेकिन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि इन ऑर्डर टू एनेबल सेंट्रलाइज इश्यूएंस ऑफ नोटिस इन एन ऑटोमेटेड मैनर अ प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड इन 142(1) टू एम्पावर द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑल्सो टू सर्व अ नोटिस अंडर दिस प्रोविजन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अब कुछ और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में नोटिस आपको भेज सकती है। तो क्या वो प्रिस्क्राइब हो चुके हैं? द आंसर इज यस, वो प्रिस्क्राइब हो चुके हैं। इसलिए अभी आपको वो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन है वो लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय पे वो प्रिस्क्राइब नहीं हुए थे, तो अभी आपको वो प्रिस्क्राइब हो चुके हैं, तो आप लिख लेना चाहिए, यहां पर लिख लो नीचे, ठीक है। मैं उसका नोट दे रहा हूं, ठीक है, लिख लो प्लीज। एज पर रूल 12F, द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी एन इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर हु हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय सीबीडीटी। तो सीबीडीटी ने खुल के नहीं बोला है, बोला है कि भाई वो जो भी होंगे हमको मत पूछो ज्यादा, खुल के नहीं बोला है, बोला है वो जो भी होंगे वो लोग अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे की अथॉरिटी नहीं होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर या उसके ऊपर की अथॉरिटी होंगे, वो कोई भी हो सकता है, वो हम लोग टाइम टू टाइम बेसिस के हिसाब से उनको ऑथोराइज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये रूल 12F गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, कहां पर, यहां पर 142(1) के अंदर ये प्रिस्क्राइब कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला है प्रिस्क्राइब वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई रूल होगा, ठीक है। ये एक चीज है, और एक आखिरी चीज ठीक है, वो क्या है सुन लो अच्छे से। ये आखिरी चीज ने परेशान करके छोड़ा है पूरे इंडिया को, ठीक है। कैसे पता है आपको? गवर्नमेंट ने नए सेक्शंस लाए हैं। कौन से नए सेक्शन? अरे यार, वो ट्रस्ट के लिए नया सेक्शन लाया 12AB, उसी के साथ साथ फिर 1023C के अंदर भी उसका इंपैक्ट है, और फिर ATG वालों के लिए भी इंपैक्ट है। पता है पहले सेक्शन गवर्नमेंट ने बोला कि ये अब जो नया 12AB है ना, वो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल होगा, फिर उसको बढ़ा दिया, उसको 30 जून 2020 कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है, फिर उसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया, ठीक है, फिर उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया, ठीक है, फिर उसको बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया, ठीक है।
अब इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने वापस से 31 मार्च 2022 कर दिया है, ठीक है, ये डेट चेंज कर दिया, फिर से उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ, मार्च में कर रहा हूँ 2022। आज कितनी तारीख है, आज है 2nd of March 2022, ठीक है। तो आज भी मतलब ये सेक्शन अभी एक्सटेंड हो चुका है। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसे आपके स्टडी मटेरियल में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, और गवर्नमेंट ने भी उसको बोला है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था आपको क्लास के अंदर, तो चेक करो तभी क्या डेट के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आप यहां चले जाओगे तो आप ट्रस्ट के चैप्टर में चले जाओ, इंस्टीट्यूट 30 जून 2021 के हिसाब से पढ़ रहा था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने भी बाद में देखा कि भाई 30 जून 2021 छोड़ो, 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड हो गया है सेक्शन, लेकिन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करें सर, आप वही करो जो इंस्टीट्यूट कर रहा है, और क्या एप्लीकेबल है एग्जाम में, खाली डेट एक्सटेंशन हुआ है और कुछ नहीं। तो अगर आप यहाँ जाओगे May 22, November 22, और यहाँ पर अगर आप जाते हो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, और यहाँ पर अगर आप जाते हो 12AB के सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ देखो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल है, एक सेकेंड, वो 1023C था, मैं 12AB के हिसाब से बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम जा रहा है, बट लेट मी बी वेरी क्लियर ना, क्लैरिटी होनी चाहिए अपने दोनों के बीच में। पता चल रहा है डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, और तुमको क्या लगता है तुम ऊपर ऊपर से पढ़ के पास हो जाओगे, नहीं हो सकते हो, आपको इनडेप्थ नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट का, तभी आप जाकर पास हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते हो, मैं गारंटी ले लो मुझसे, यू कैन नॉट पास। अबे यार कहां पर है ये, मिल गया मिल गया, देखो इंस्टीट्यूट ने भी अपने स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है, देखो कब से एप्लीकेबल है 12AB विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021। अपन ने भी पूरा एनालिसिस 1st April 2021 के हिसाब से किया है क्लास में, ठीक है, अब जाके चेक कर लेना। लेकिन अब जाकर नीचे इंस्टीट्यूट ने क्या दिया, फॉर डिटेल स्टडी ऑफ प्रोसीजर मैनर एंड फॉर्म मेक एप्लीकेबल ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। नाउ नीचे पॉइंट नंबर 5 जो दिख रहा है, ये वाला, ये पॉइंट नंबर 5, ये पढ़ो, एज पर द प्रोविजन इफेक्टिव डेट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन इज 30th June 2021, ठीक है। ये कैसे आया, क्योंकि अगर 1st April को मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर सेक्शन जिस दिन से एप्लीकेबल है उसके 3 दिन तक, तीन महीने तक आपके पास टाइम है, तो उस हिसाब से आपके पास 30th June 2021 तक का टाइम है। हाउएवर दिस डेट इज एक्सटेंडेड अप टू 31st March 2022, दिस डेट इज एक्सटेंडेड अप टू व्हाट, 31st March 2022, ठीक है। ये नीचे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ नोट डाल दिया है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप 31st मार्च 2022 के हिसाब से ही क्या करो, आप नोट लिखो यार एग्जाम में, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना कॉन्ट्राडिक्टरी वाला सेक्शन है, मैंने आपके आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स भी बताए थे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी मिस्टेक की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये आप ये नोटिफिकेशन नंबर का रेफरेंस देकर आप बोल सकते हो कि हाँ इट इज फर्दर एक्सटेंडेड टू 31st मार्च 2022, ठीक है। नाउ ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल, 12AB के लिए भी, 1023C के लिए भी, और 80G के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, व्हाटएवर आई हैड टू टीच यू ऑल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दिस न्यू रूल्स, ये जो नोट्स है मैंने आपको पहले ही दे दी है, और इसको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप देख लो, वहां पर जाकर तो आपको ये नोट्स अपलोडेड दिखेगी, कहां पर सर, CA आरिश खान, ठीक है, सीए आरिश खान टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक सेकंड एग्जैक्ट नाम बता देता हूं ताकि ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, -Direct Tax, वहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। साथ साथ में मैं ये नोट्स अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा। सर आपकी वेबसाइट कहां पर है हमको बताओगे, हाँ बताता हूँ आपको वेबसाइट मेरी, ठीक है। तो ये सीए आरिश खान, ये आरिश खान नहीं डाल सकता हूं मैं, प्रोफेशनल एथिक्स का लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, मुझे arishkhan.com डालना पड़ेगा, खुलने में थोड़ा समय लग सकता है,
तो यहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट भी दिख जाएगी आप सभी को, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपको फ्री रिसोर्सेज यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं नोट्स डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बाकी नोट्स भी डाली है, और बहुत मेहनत करके इस वेबसाइट को बनाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर बाकी नोट्स भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैं यहीं पर डाल दूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, वट एवर आई हैड टू डू फॉर यू ऑल। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आगे जाकर इनकम टैक्स के जो भी एडिशनल रूल्स आईसीआई मॉड्यूल में कवर करेगा, और जो भी एडिशनल क्वेश्चन अगर कोई डिफिकल्ट वाले हैं जो आईसीआई कवर करेगा, जैसे वो एबीसी वाले पार्टनर वाले क्वेश्चन, बाप रे बाप, मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी, जो तीन क्वेश्चन थे, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं सब कुछ करवाऊंगा। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ नवंबर 22 वाले अगर आप हो तो आपके लिए कुछ 4-5 पेज का अमेंडमेंट, 4-5 पेज से ज्यादा नहीं आएगा, 4-5 पेज का अमेंडमेंट जुलाई या अगस्त में आएगा, मैं तभी आपको करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आपका सिलेबस एकदम अप टू डेट है, जो थोड़े बहुत चेंजेस आए थे वो मेरे को करवाने थे, मैंने वो शीट के थ्रू करवा दिया, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो भी होता था बेटा, मैंने वो सब आप लोगों के लिए किया, मैं आगे भी करता रहूंगा। मैंने आप लोगों के लिए रिविजन वीडियो डाले, अभी मैं एमसीक्यू डाइजेस्ट के भी देखो रीजनिंग डाल रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर एमसीक्यू डाइजेस्ट का रीजनिंग अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप अपने चैनल पे चले जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एमसीक्यू डाइजेस्ट का रीजनिंग, कहाँ पर प्लेलिस्ट में, ये एमसीक्यू डाइजेस्ट का रीजनिंग देखो, ये भी आपको मिल जाएगा कि मैंने एक एक एमसीक्यू का रीजनिंग डाला है आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे जाओ, ठीक है। मैं तो बताता हूँ आपको एक से, ये वाला ये देखो आप, 10-1,20,000, इसमें आपको हर एक एमसीक्यू की रीजनिंग डाला मैंने। सिमिलरली आगे भी मैंने यहाँ पर एमसीक्यू डाइजेस्ट की रीजनिंग डाला, मैंने ये जो भी मेरे से हो रहा है मैं वो सब चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेक योर लाइफ एज इजी एज पॉसिबल। आपकी जिंदगी जितनी आसान होगी उतना मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। अगर मेरे एक आदमी के मेहनत करने से अगर हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ आसान होती है, तो मेरे लिए उससे बेटर और कुछ नहीं है। मैं सुबह भी उठ के काम करता हूँ, दोपहर में भी करता हूँ, शाम में भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ, मैं पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से मैं हर चीज को सिंप्लीफाई कर सकूं, बस मैं वो कोशिश करता हूँ बेटा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं अगर आपका एग्जाम के दिन 2 दिन का जो 1.5 दिन का समय होता है, अगर उसमें से अगर आपका आधा घंटा भी मेरे वजह से बच जाता है, तो वो आपके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकता है। ये मेरा बिलीव है यार, क्योंकि हमारे टाइम पे विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल आर प्रोफेसर, इतने सारे कुछ मीडियम नहीं थे यूट्यूब के, हमारे प्रोफेसर ने हमारे पे बहुत मेहनत की है, उनके वजह से हम आज जो भी है वो आज हम उन्हीं के वजह से, लेकिन उस टाइम पे ऐसा मीडियम नहीं था उनके पास कि वो हमको इस तरीके से एंड मोमेंट तक हेल्प कर सके। जहां तक मैक्सिमम फोन पे अगर कोई डाउट हो तो वो सॉल्व कर पाते थे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोई रिविजन वीडियोस नहीं दे पाते थे, कोई रिविजन सेशन नहीं रख पाते थे, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। तो आज ये पॉसिबल है, तो मैं अपनी तरफ से जो भी हो सकता है बेटा आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करो आप सभी लोग, ध्यान रखो अपना, और ये चीज याद रखना जो बोर्ड पे लिखा है, लर्न, मैं इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट पे सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन यही डाला हूँ, लर्न डायरेक्ट टैक्स फॉर लाइफ नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, पूरी जिंदगी आपको काम आने वाला है। आप भले ही डायरेक्ट टैक्स की फील्ड में काम करो या ना करो, आपको डायरेक्ट टैक्स जिंदगी भर काम आने वाला है, ये चीज दिमाग में रखना। और अगर आप उसको जिंदगी भर के एंगल से पढ़ते हो ना, तो एग्जाम के लिए तो वैसे ही हो जाएगा, फिर आप टफ से टफ पेपर, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर, दुनिया का सबसे गंदा पेपर भी अगर इंस्टीट्यूट बनाएगा ना, तो भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। अगर आप इस चीज को दिमाग में रखो कि आपको अपनी जिंदगी के लिए पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स, आपको सिर्फ एग्जाम के लिए 2 महीने के लिए या 3 घंटे के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो विद दैट नोट, आपको किसी भी किस्म की कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो, लेकिन मैं एक इंसान हूं, अगर मुझसे कभी मदद आपको पहुंचाने में थोड़ी लेट हो गया, मैं कोई डाउट रिप्लाई करने में लेट हो गया, तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, क्योंकि हो सकता है मुझसे भी कोई डाउट स्किप हो जाए। तो मैं 1-2 दिन तक अगर आपका डाउट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद स्किप हो गया हो, तो आप मुझे 2 दिन बाद फिर से रिमाइंड कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, एंड दैट्स इट। रिजल्ट्स के दिन मिलेंगे, और जब रिजल्ट्स आएगा तो बस मुझे आपसे इतना चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि बस आप अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे मिलने नहीं आओगे तो भी चलेगा, मेले मिठाई नहीं लेकर आओगे तो भी चलेगा, वो सारी चीजों से मुझे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक शेयर कर दोगे ना कि अगर जब रिजल्ट आएगा ना, तब अगर आपको सिर्फ इतना भी याद आता है ना कि यार ये रिजल्ट में इस प्रोफेसर का एटलीस्ट 0.1% तो
कॉन्ट्रीब्यूशन है, बस उतना भी अगर आपको फील होता है और अगर आप मुझे बता देते हो तो मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होगा, ठीक है? वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड होगा आप लोगों की तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना। आई होप टू मीट यू ऑल सून, टेक केयर।